ओके सो एक चीज़ है ना कि अब तक हमने ऐसा कुछ किया नहीं, राइट? आई मीन वी हैव नॉट गॉटन टुगेदर. द कलेक्टिव इन्फ्लुएंस ऑफ everybody on this table is crazy, right? That's absolutely right. I mean, yeah. This kind of influence, huh? Gaurav bhai, नहीं मतलब एक चीज है बस हम बात करें राउंड टेबल की, यहाँ थोड़ा सा पूरा राउंड नहीं हो पाया. पूरा राउंड नहीं हो गया, हाफ राउंड हो गया. Kept the camera. को कैमरा के लिए जगह चाहिए थी. कैमरा के लिए जगह चाहिए थी. तो वो ये कि ये डिस्कशन बहुत ही इम्पोर्टेंट है, नॉट जस्ट फॉर टुडे बट ऑल्सो फॉर टुमारो. कल क्या होने वाला है, व्हाट इज द फ्यूचर ऑफ टेक्नोलॉजी, एंड ऑब्वियसली आप लोग भी है, क्रिएटर लाइफ के बारे में बात करेंगे, सब कुछ के बारे में बात करेंगे. सो आई जस्ट वांट टू पुट एक बॉम्ब डाल देता हूँ मैं पहले, ठीक है? ये अब तक हमने किया क्यों नहीं है? Why haven't we gotten together till now, and why did it take us so long? क्योंकि लोगों का पर्सपेक्टिव होता है ना कि बाहर यार is the tech community not together. ऐसा है नहीं, एफर्ट्स बहुत ज़्यादा लगते हैं सबको इकट्ठा करने में ना. वो काफ़ी डिफिकल्ट पार्ट हो जाता है. अभी इतना बड़ा इनवाइट भेजा है आप लोगों ने हमें, तो कैसे ना आए? वो मैं नहीं कर सकता. नहीं, इट्स ऑल अबाउट टेकिंग वन इनिशिएटिव, लाइक यू गाइस टुक इट. सो तो मैं इधर चाइम इन करना चाहता हूँ कि ये हम भी 2 साल से ट्राई कर रहे थे. वी वर थिंकिंग बट येस, बहुत ज़्यादा एफर्ट है इसमें और उसकी वजह से नहीं, बट फाइनली दिस टाइम वी डिसाइडेड वी आर गोइंग टू डू इट. एंड सेकंड थिंग, वी डू अवार्ड्स एवरी टाइम. हम लोग ट्रैक एंड टेक पे अवार्ड्स करते हैं, तो इतना वैल्यू एडिशन मुझे लगा नहीं, क्योंकि वो एक वीडियो से भी हम नॉर्मल वीडियो से भी बता सकते हैं कि भाई कौन से हमें फ़ोन्स अच्छे लगे. तो वी थॉट व्हाट इज़ इट दैट विल रियली ब्रिंग वैल्यू, एंड आई थिंक दैट वाज द रीजन वी सेड नहीं करना ही है, कितना भी एफर्ट जाने दो. एंड आई थिंक नहीं, मेरे को कंट्रोवर्शियल आंसर चाहिए था. ये तो बहुत ही डिप्लोमेटिक हो गया. सो I'll give you the controversial answer. I think ये बहुत ही हम लोग शुरू कर रहे हैं with everybody loves everybody and ये बहुत अच्छा. I don't think that's the real answer. I agree with you. Effort है, initiative लिया किसी ने. But I also think that there is this thing in this community that why is it that we don't have enough collaborations? I mean, why is it that in most videos we're not doing things together? It is because this is a overall community jahan pe each of us is very cocooned in our own, hamara Instagram, hamara YouTube, hamara channel, our personality, our identity. There's not enough. How many times have the 3-4 of us collaborated? बताओ. नहीं, zero. तो उसका रीजन ये है ना कि मतलब ओके, पहली बात तो लोकेशंस, कोई पुणे बैठा है, कोई चेन्नई में बैठा है, तो कौन सी कोलैबोरेशन? आप हमेशा कैमरा लेके आते तो हो कि आ जाओ करते कोलैबोरेशन. मैं तो ऑल इंक्लूसिव हूं, बट आई एम जस्ट सेइंग दैट इफ push comes to shove, हम लोग ने if this whole topic and this round table is all about being very very honest, I think I'm not saying that there is any controversy to it, but I think हम लोग सब बहुत inclusive हैं within our own little cocoon of what we do. हम लोग ज़्यादा collaborative नहीं हैं अभी, and I think this could be the start of it all. तो reason क्या है? क्या है reason? I want to ask Devinder because he comes from that. I also agree with Rajiv कि I feel कि tech community ना थोड़ी सी it is a competitive space. वो actually ऐसा नहीं है कि मतलब वो setup ही ऐसा है कि जैसे अगर phone का review जाता है तो there's like 3 reviews going at the same time. So essentially, everybody is competing with each other. But everybody will see everyone's videos, right? लेकिन एक बात बोलो मुझे, दूसरे industry में ऐसे नहीं होता है. नहीं होता है. Every industry is competitive. होता है, but I think in the tech community, especially India, Asia, right? Where we basically, I think हम लोग का competition ज़्यादा है. I think the social media part of it is that we are more with I have to be out first. I have to have the product first. हम लोग की ego hurt हो जाती है अगर हमारे कोई product नहीं मिलता है. अगर हम globally बात करते हैं, हाँ 100% ego है बहुत. 100%. इसमें हम लोग लेकिन भी हम लोग अगर श्लोक ने ego बोला है, तो at least इतना तो हम agree करते हैं कि श्लोक को तो है. मैं कहता हूँ मेरे को भी है. I am immediately agreeing. You know, everybody else can be as diplomatically correct. Ego doesn't have to be a negative thing. Yeah, exactly. I mean, there's no negative to it. For growth, you have to respect yourself and you have to have an ego that actually fuels your passion. जो आगे लेके जाता है, इसमें क्या गलत है? But at the same time, I would also add one thing कि I personally have huge amount of respect for everybody sitting here, क्योंकि Gaurav has been working so hard, yes, and it has inspired him. Yes. It has inspired me, and how Arun sir and Rajiv sir have been helping me. I think it is very personal for me and it is a very emotional thing for me. But also at the same time, I think मतलब competitive space है यार मैं बताऊँ honestly थोड़ा मुश्किल भी होता है। हम बात करें इंडिया में ऐसा क्यों नहीं किया हमने आज तक, for that matter बाहर भी किसने क्या किया है। अगर हम ऐसा बोल रहे हैं कि हम सब कॉम्पिटिटिव हैं तो सेम गोस फॉर वहां पे थोड़ा ना बट मोर और लेस सेम गोस फॉर द यूएस गाइस यार। नहीं बट आई एग्री विद यू नो समथिंग वी डोंट नो गौरव यूएस गाइस के बारे में। I'm just saying तो बेसिकली क्या है कि अभी तक नहीं हो पाया, अब हो गया। अच्छा ओके, जस्ट आस्किंग यू पर्सनली, ये अचीव करने में क्या किसी को भी चेज करने में ऐसा लगा कि कोई ऑफ चल रहा है? नहीं ना, ऑल यू हैड टू डिड वाज जस्ट वन कॉल और जस्ट वन मैसेज। सरप्राइजिंगली स्मूथ। मतलब इसका सिंपल रीजन मैं आपको बताता हूं, दिसंबर के महीने में हमारे पास कंटेंट नहीं होता, ये रियलिटी है। सच में हम लोग स्ट्रगल करते हैं। आई हैव ऑल मतलब प्राइवेट आर इन दिसंबर। संचित इसका मतलब ये कह रहा है कि अगर मैंने फोन करके बोला होता मार्च अप्रैल में या फिर दिवाली के पहले सबसे पीक सीजन में तू नहीं आता था। नहीं मैं तो आता, मैं आपको बताता हूं मजा भी आता है। नहीं I think उनका मतलब शेड्यूलिंग प्रॉब्लम है। Not a matter of मैं नहीं आता क्योंकि बट हम सबकी डेट्स कोलाइड करती है। और इनफैक्ट जब टेक की बात करते हैं आए दिन टेक आती है और सीरियसली हम लोगों का पेट भरा है। ऑनेस्टली कंटेंट की कमी इतनी पड़ती नहीं है तो थोड़ा ऐसा लगता है कि यार ठीक है कमाई भी हो रही है। मैं ऑनेस्टली बता रहा हूँ कि मुझे ऐसा लगता है कि ना मेरे को हो रही है। मैं समझा नहीं कमाई, व्हाट डू यू मीन? मतलब ओके राजीव तो कमाई करता ही नहीं। I only want them to say something, Devinder and Tamil. So first of all, ये बहुत बड़ी चीज़ है कि we have achieved something like this that all of us can come together and speak freely. तो ये बहुत ही बड़ी चीज़ है and I appreciate the efforts that you guys have put in. पहले क्यों नहीं हुआ, इसके multiple reasons है. It's very evident that the tech community, all of like I'm not saying कि हम लोग, but बहुत सारे ऐसे content creators हैं that they don't get along very well. And that is the reason it creates an tension between all of us. तो वो भी रहता है। Competition, as you said, is another thing. For us specifically, language is also थोड़ा सा barrier बन जाता है कि हम एक audience को address करते हैं। Look at your Hindi man, मैं तो shock हुए जा रहा हूँ यार। मैं डर गया हूँ यार। This is fantastic. मैं राजस्थान से हूँ तो हिंदी तो या रग में है या तो अब हमें ये भी लगता है कई बार जब हम कोलैबोरेट करने जाते हैं कि हमारी ऑडियंस बहुत सारी ऑडियंस साउथ इंडिया से है, सो दे माइट नॉट अंडरस्टैंड इफ़ वी चेंज द लैंग्वेज ऑल टुगेदर और इफ़ वी ट्राई टू कोलैबोरेट विद अ डिफरेंट कंटेंट क्रिएटर हु इज़ क्रिएटिंग सिमिलर कंटेंट बट इन अ डिफरेंट लैंग्वेज, सो दैट बिकम्स अ बैरियर समटाइम्स। और ऐसा नहीं है कि हमने कोलैबोरेट नहीं किया है, वी हैव कोलैबोरेटेड मल्टीपल टाइम्स बट दिस सॉर्ट ऑफ कोलैबोरेशन हैजंट हैपेंड, बट दिस इज समथिंग बिग। Tamil, what about South? Matlab, and you guys represent Shaz and Tamil represent. Hello, you forgetting your own point? He's a Tamil track. What is Tamil? This? What is this, Arun? Okay, Ershad. आपसे बात करते हैं इसका। नहीं मुझे बोलो ये South India में या Tamil tech creators में ऐसे ही है या situation is different? नहीं मैं जब even we collaborated before itself. Yeah. So I came to your studio and collaborated for video. Gaurav के साथ एक video किया था मैंने, शैलो के साथ मिल नहीं पाया, सो उनसे नहीं किया था मैंने। जब मैंने ट्राई किया था, हर बार ट्राई करता हूँ मैं हमेशा। नहीं, not you, I'm saying generally, जैसे हम बात कर रहे थे हमारे इकोसिस्टम के बारे में, साउथ इंडियन टेक इकोसिस्टम यही दिक्कत है। बिकॉज मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होता है ना, सबको बीच में कॉम्पिटिशन ही है। पहली चीज, मोस्ट ऑफ द थिंग्स हैपन ओनली इन नॉर्थ इंडिया। डिवाइस जब साउथ इंडिया को आना ही वही मुश्किल था पहले, अब थोड़ा थोड़ा आ जाता है। दैट इज द मेन फैक्ट। So getting the devices or something else beyond that, whatever it is, the recognition only recent past, maybe the last 3 years we used to get a lot of recognition and the whole India is getting online scale now we are getting, but before if you come even now people think me that I am from Chennai, even if you are not in Chennai we can do the content, so that's how it is. We are in Pune. No, for South, if I am from Tamil Nadu, I am not from Chennai. And previously, what used to happen is Phone Arena या C4 Tech, they used to be in Chennai, and the devices जो भी आ रहा है, सिर्फ उन लोगों को ही मिलेगा। So मेरे को क्या मिलेगा? कुछ भी नहीं मिलेगा। उस टाइम पे मैं गौरव जब इन्हें दुबई से वीडियो जब कर रहा था, we can talk hell lot of things about technology even without the device. That's what I got to learn from watching these videos. Then I started doing those. So जब मेरे हाथ में जब एक नया device आ रहा है, उस टाइम पे वही मेरे लिए बड़ी बात है. Okay. Again, you have not answered my question. Enmity, you tell me. It's there. See, enmity, competitiveness. जो हमारे हिंदी. No, I don't understand. See, I follow each and everyone. Literally everyone. I've subscribed to him. I started my channel looking at you, inspiration and everything. But the problem is that the regional, you need some kind of a difference when you're doing videos. For me, it's like I create some, you know, characters like different companies. As a character, then you know that's how I picked up my channel. Yeah, but again, his question is not getting answered. Yeah, yeah. You guys are talking about you. Is there? आप लोग के बीच में is there better camaraderie between all? I do know what I can direct. No, not with all. Let me be frank. I'm putting that out there. Not with all. Let's just get not with all, sir. Because for example, recently what happened? I had a conversation with few of the creators earlier. So with the new kind of creators coming in and new guys are getting the views and everything, there is a chance. Either you have to collaborate with them or you just be on your own. So which one you have to choose? So what do you choose? I choose be on my own. Be on my own. So this is what I'm trying to say. That is the main thing. Na? The tech community is first choice, be on your own. Okay. Yeah. I'm very glad you've done this. Even though you're saying it was very smooth and everything else, I still do believe that the amount of effort that has put into get this together, hats off, I don't think very many of us would have taken this on. It's a very difficult job. Because while people saying yes is only one very small part of putting it all together. Right. And I would really, really hope that after this, the collaborations and that sort of cocooning where we all go into our own little box breaks. So we keep using the word out of the box in tech. Let's also do out of the box content with each other, not be... But I'll answer your question, which is like, is there some kind of a clash? Yes, there is. There is. Because okay. That's the answer. Now, coming to both of you. Here also, right now, you have said that, you know, we should work together and going forward. Still that competitiveness is going to be there. Still there is going to be that device पहला किसके पास जाता है, पहला वीडियो किसके पास जाता है. मेरे को क्यों नहीं मिला, उसका मैंने वीडियो देख लिया. ये आप कितना भी कुछ भी करो, मतलब अभी सबके साथ है, फिर भी मैं अगर मेरे पास नहीं आया डिवाइस और गौरव के पास आया तो मैं फोन करके पूछता हूँ कि गौरव को गया हुआ है डिवाइस, मेरे पास क्यों नहीं आया. This is what we होता है ना, नहीं होता. That is श्लोक. हाँ 100%. Okay, so मुझे क्या लगता है ना, कंपटीशन अगर है हेल्दी तरीके से देखते हो तो होना चाहिए और इसमें कुछ बुरी बात नहीं है. At the same time, we all know that we all coexist. Yes, it's a fact. और हम किसी का बुरा नहीं चाहते. आज मुझे अगर वीडियो बनानी है श्लोक के साथ तो मुझे कंफर्म पता है मैं अगर कुछ बोलूँगा तो ये मना नहीं करेगा. मेरे को पता है, मतलब एंड आई थिंक यहाँ पे जैसे मैंने बोला शायद ने जब फोन किया होगा, जब बात हुई होगी तो किसी ने आप ना आप इंक्लूसिवनेस की बात कर रहे हो, यहाँ पे बात हो रही है. व्हाट द पॉइंट ही इज ब्रॉट इज ओके. नाउ लेट मी आस्क यू, आप देखोगे कि श्लोक के पास एक वीडियो एक डिवाइस आ गया और आपके पास नहीं आया. कॉल हिम, हम लोग एक साथ कर. सुनो, आई विल गिव यू एन एग्जांपल. सैमसंग गैलेक्सी नोट 8 या नोट 9 का लॉन्च था. आई फॉरगॉट द एग्जैक्ट डिवाइस. आई थिंक नोट गोल्डन कलर का येलो वाला एस पेन किसमें आया था? इट वाज अ ब्लू फोन विद अ येलो एस पेन. नोट 8 सैमसंग लॉन्च्ड इन न्यूयॉर्क. ओके, मैं न्यूयॉर्क के लिए गया था ग्लोबल अनपैक्ड. मेरे साथ में मेरे को दो लोग याद हैं फ्रॉम यूट्यूब साइड. आई डोंट नो अबाउट द अदर मीडिया पीपल. रंजीत एंड भरत फ्रॉम आईज्ञान. हम तीन लोग गए. Now I was part of the Samsung global program and all, so I got the phone with full box and everything in New York. मेरे को वीडियो के लिए लॉन्च से पहले I got the hands-on वाला पूरा सिस्टम and because I was the part of that Samsung global team. उसके बाद मैं कोरिया भी गया था and like वो सब चीजें हुई. रंजीत and भरत didn't have that access to the device. अब मेरी भरत से उस टाइम पे इतनी बात नहीं होती थी. I was aware, मैं मतलब जानता था उसको, but हमारी कोई बातचीत नहीं हुई. रंजीत से मेरी बातचीत होती थी. तो रंजीत got the device and just the device, no box, nothing, and that too for a limited duration, just 1-2 घंटे के लिए कि जो hands on करना है कर लो. I still remember यहाँ पे ये जगह थी, वो कौन सा वॉक है न्यूयॉर्क में जो ऊपर वो रेलवे ट्रैक के ऊपर बना हुआ है ना एक. अच्छा ओके. या सैमसंग ऑफिस के जस्ट अपोजिट वो होटल था. I still remember the exact same thing and I saw Ranjit's face. And he was like अब मैं क्या करूँगा ना, just phone है और मेरे पास में box है. तो basically video बनाने थे सब. तो मैंने क्या किया, मैंने बोला रंजीत को, मैंने कहा सर एक काम करो ना, किसको पता चल रहा है कि ये same box मैंने unbox किया है. मैंने कहा होता क्या है box में ना, वही तो है केबल चार्जर. मैंने कहा मैं मेरा video बना देता हूँ. फोन रखो आप दोबारा उसकी कर लो अनबॉक्सिंग एंड आई डिड दैट एंड हियर वी हैव अ वेरी फाइन एग्जांपल नथिंग फोन ये हमको भी हमारा भी काफी सिमिलर था कि मैंने भी जब हेल्प मांगी है एवरीबडी हैज बीन रेडी टू हेल्प एंड ये सबके साथ और मैं तो मांगता भी रहता हूँ नथिंग वाला मेरे पास नहीं आया था पर्सनली फोन पता नहीं कुछ चैलेंज था या कुछ था हाँ कम्युनिकेशन मिस हो गया था बट आई आस्क्ड अरुण फॉर द फोन एंड ही आल्सो मतलब ही उनको नुकसान ही हो रहा था फोन देने में अगर मैं एकदम ऑनेस्ट बताऊं यार मुझे क्या लगता है ना श्लोक देख ऑनेस्टली बात क्या है कि आज डिवाइस शेयर करना फॉर दैट मैटर लाइक अगर हम बात कर लेते हैं ऐसा तो है नहीं कि लेट्स से केवल मेरे पास में एक्सेस है केवल तेरे पास में एक्सेस है और उनके पास में भी हो जाएगा आज नहीं है तो कल हो जाएगा तो मेन पॉइंट वो है कि इफ यू से नो लेट्स से डज नॉट यू नो एंड द वर्ल्ड फॉर दैट पर्सन उसको एक्सेस क्यों से मिल जाएगा एंड व्हाई नॉट पुट टुगेदर मेरे को एक क्वेश्चन पूछना है यहाँ पे वो ब्रांड डिस्क्रिमिनेशन भी जरा लाइक एक लेवल प्लेइंग फील्ड बना है क्या सबके लिए छोटे क्रिएटर्स हो गए एट व्हाट लेवल इज दैट एंड हियर इज एट योर लेवल यू आर टॉकिंग अबाउट दिस इमेजिन स्मॉलर लेवल अबाउट टू से कि ये बहुत अच्छी कॉन्वर्सेशन है बिकॉज दिस इज मोर और लेस अ कांग्रेगेशन ऑफ द टॉप क्रिएटर्स ये थोड़ा सा लेट्स ब्रिंग इट डाउन टू द रियलिटी ऑफ लाइफ हम पहले नहीं थे क्या जब you know 3-4 years back 5 years back we were small at that time Gaurav was big nahi aate the hamare paas and we know that situation but was there a struggle or not it was a struggle so then that's what he's talking about ke aaj kya level playing field hai we are talking about ho nahi sakta hai wo to kahin pe level playing let me ranji trophy wala player IPL mein uska selection ekdam se nahi hoga wo to usko mehnat karni padegi you can do examples of cricket and everything else but point ye aa jata hai ke there is always going to be someone that is going to be now moving forward at one time you were not as big ek struggle period tha na right today a brand knowing that it is the biggest creators has created a level playing field for them but is there a divide ke as he said north india mein devices pehle mil jate hain south mein nahi milte hain are all these things still relevant is an important one because this is going to be watched by all brands could we make life a little bit better for everybody by bringing forward some of the challenges okay in this sense level playing field kya hota hai numbers for brands I'm talking from brand perspective now there are about 10 YouTubers who are more than 5 million subscribers unko jana chahiye abhi level playing field abhi bhi nahi hota hai ki wo 10 mein se 8 hi logon ko jata hai even though 5 million wale aur do bhi hai why because brands also have their biases towards certain things it's not even bias I'll say agar aaj meri company hai mere paas mein pani ki bottle hai jisko meri marzi hogi main usko dunga absolutely this is what I'm also trying to say out here I completely agree as a brand it is completely their choice brand is not out there to create a level playing field in the content but why did nothing discriminated the south entirely that's what my question yes that's a very important question to ask there was this those are specific let's not get too specific north south nahi ho sakta matlab but hota hai काफी होता है but वो गलत तो geography नहीं I think he made a point also North India has more access more absolutely Delhi mein zyada access hai and like you said let's go not go into a specific incident but it's not one specific incident I've heard about it many times where there is a stage 1 and a stage 2 for everything to be sent out and eventually agar the reality of the business that we are in which is content creation jahan pe views matter who watches your video matters are you not interested in the number of views when your video goes out after 1 hour after 12 hours you do look at it na do you ignore it you don't ignore it right if you're going to get a device about 2 weeks after North India has already brought out all their unboxing and reviews how do you expect everybody else to get the same number of views I think there is that it is understandable but it is a brand prerogative to do it first access that is the reason why because jo baad mein dalega usko nahi aane wale user pe is our space all about first access no because I views let me be very very clear it is all about views but sir first access views lekar aata hai but there is a high chances of getting the views if you are getting the device earlier na so yeah, there is a high chance I don't even get devices from the company I buy it from the market wo humne bhi kiya hai sabne kiya hai that's I do like about Shaz and what I like about so, what he's saying is that ye even uniqueness there's a uniqueness in the content that's also brings the views and okay so I know many people globally जो आज भी डिवाइस लेते हैं और उनके वीडियोस बहुत फैंटास्टिक होते हैं, बहुत अच्छे वीडियोस होते हैं, व्यूज होते हैं, हो सकता है 5,000, हो सकता है 4,000, हो सकता है 10,000, बट स्टिल मैं देखता हूँ जो प्रोडक्शन क्वालिटी या उस बंदे का इंटरेस्ट वो दिखता है क्लियर और वो डिवाइस ले रहा है। आई विल गिव यू माय ओन एग्जांपल। यू मस्ट बी अज्यूमिंग कि मेरे को सारे डिवाइस मिल जाते हैं। मेरा हर महीने कम से कम 8-10 लाख की शॉपिंग होती है जस्ट टू बाय डिवाइसेस यार। और आई थिंक हम सबकी होती है। जूते और कपड़े की बात नहीं हो रही है तुम्हारी। तो ये जो चीज है मतलब कहीं ना कहीं बट यू बॉट द आईफोन भाई, इसको छोड़ो। आई डोंट थिंक एनीबॉडी विल नहीं आई विल गिव यू माय एग्जांपल। इवन टुडे लेट्स से देयर इज अ ब्रांड जो इंडिया में ऑपरेट ही नहीं कर रहा है या कर रहा है तो शायद मेरे पास उसकी एक्सेस नहीं है। आई विल बाय इट hoping that one day we will have connects. आज नहीं है और वो I think वो stage हम सबने किया है कहीं ना कहीं पहले यार। नहीं, but we can't do it for each and every devices that is launching. That's where the problem comes. It's about the level then. आज जब मैंने YouTube start किया था, जब हम सबने कुछ ना कुछ start किया journey, we all started at one level. हमने starting में केवल without device बात करी है, then हम events में गए होंगे, then हमको device मिल जाते हैं, तो there's always a level 1, 2, 3. I will agree with him completely because even this IBTR for that example, we have taken this risk because getting all this together, putting all that effort, we don't know whether we are going to get views but we have done it. करना पड़ता है. You have to take that risk. Like you said, we can't buy all the devices. नहीं, you have to. And उसमें अगर चला good, नहीं चला it is a risk. That is what it is. Same, I would say for me also. क्योंकि like when I started, मतलब like when I was making videos, everybody was popular. नहीं आते थे. I think 3.5 साल तक I made videos without any phone. और मेरे पास पैसे भी नहीं होते थे खरीदने के. तो what I used to do was, phone launch हुआ, I would make a video without the phone. That's it. कि मतलब ये phone निकला, मेरे opinions है. Opinion video type. That's how we started. उस time पे opinion videos भी बहुत चलते थे. नहीं, everyone started. My first video that went more than 10,000 was OnePlus 5, जहाँ पे opinion video किया था. And उधर से जो start हुआ, वो start हुआ. But that was bigger. और उस time पे तो बहुत चलता था कि उस time पे सबके पास इतना. भाई, I started from Dubai. वहाँ पे access था ही नहीं. And I did those. Simple. So you know what? I want to segue into that. ये point पकड़ के मैं एक question पूछना चाहता हूँ कि if a new creator wants to start today, you can make opinion videos. अगर मेरे पास आज भी devices नहीं आएंगे ना, I think today is the time where unboxing videos are on their way out. Yeah, because there is nothing on the box. You actually take a look at it, right? Unboxing, right? Unboxing. I think the most boring thing now for an audience is unboxing. It's boring for us also. Yes, one wire is there. So, yeah, I would disagree. Unboxing, मजा आता है. But opening the box is not about. Oh, opening the box is very exciting, यार. Shlok, is your unboxing? It is your most exciting thing, यार. Is your unboxing today? Phone की छोड़ो, unboxing आप किसी भी चीज की करते हो ना, it will get you all the eyeballs. मतलब मैंने कार का your unboxing today the same as it used to be earlier. Maybe sir, exactly the same. डब्बा खोलता हूँ, स्मेल आती है. It is. I've seen them do this. Like I've seen Arun do this. The kind of excitement that they bring to the videos is crazy, yaar. No, I agree with that, Pat. But I am saying that we are now reaching that stage where the audience may not be sharing the same excitement because today do. I will tell you why. And when I agreed with you, unboxing as a process. What मैं जो बात कर रहा हूँ unboxing में क्यों मजा आता है जो श्लोक कह रहा है, it is every time you open a box and there is something new, something different. वो जो एक इमोशनल कनेक्ट है वो हमेशा होगा. हाँ, बॉक्स खोल के वो बाकी सब दिखाना दैट इज नॉट इम्पोर्टेंट. द एक्साइटमेंट ऑफ सीइंग अ न्यू थिंग, अ न्यू फोन, अपडेटेड फोन, अ न्यू डिजाइन जो भी, या फिर अनबॉक्सिंग अ कार, वो जो खोलना है दैट मिस्ट्री जो है ना. आई विल गिव यू अ ग्रेट इनसाइट अबाउट ऑल आवर वीडियोस. हमारी अनबॉक्सिंग वीडियोस कौन देखता है, आई विल टेल यू. लेट्स से यू अनबॉक्स्ड अ न्यू आईफोन, ठीक है. आई एम समवन हु वांट्स टू बाय द आईफोन और मैंने ऑर्डर भी कर दिया है. इट्स शोइंग मी डिलीवरी इन 2 days. भाई, मैं अगले 2 दिन तक ना कम से कम 5-10 अनबॉक्सिंग्स देखूंगा आईफोन्स की. और मुझे पता है कि वो सब सेम होने वाला है. आई हैव डन दिस. इट्स माय इमोशनल थिंग. मैं आपका देखूंगा नहीं, मैं देखूंगा संचित का, मैं सबका देखूंगा. आई वांट टू बाय द स्टीम डेक ओएलईडी. आई हैव बीन लुकिंग एट एवरी सिंगल. ब्रो, एंड बाय द वे जब वो मेरे को दिखा रहा है कि इट्स आउट फॉर डिलीवरी, I'll still, for that excitement, for the emotion, I'll still watch those videos. Validation. Yes. Validation. And मुझे नहीं मुझे एक I'll go one step ahead. एक बार मैंने खरीद लिया phone, उसके बाद में भी मैं videos देखता हूँ क्यों I am watching on my Vivo. No, जो Vivo वो I am watching on that phone itself. और ये भी बहुत इतना emotional thing यार. It's मैं वो बोल रहा हूँ कि ये emotional चीज है. Okay, so now I'll tell you the part that I think has changed, right? जब unboxing as a concept came, उस time पे for the viewer, for us, for everybody else, everything around जो ecosystem था वहाँ पे बहुत mystery थी, and unboxing was magic क्योंकि किसी ने नहीं, including you when you got the box, you didn't know what is going to come out. The way marketing is today with all brands, how much of it is still a surprise to you? Almost 90% of the reveal has already happened also for you and for your audience. Then why are people watching millions of views? India has the population. आज हमारे लिए उसका excitement नहीं होगा. But जो बैठ के order कर रहा है उसके लिए. Yeah, I tell you, 100%. Sir, initially ऐसा था कि just over the head एक camera लगाए. बॉक्स खोला उसी में चार बातें करी इवॉल्व हुए हम सब ने कैमरास चेंज करे हैं एक्सप्रेशन ऐड करे हैं अनबॉक्सिंग हैज इवॉल्व्ड टू अ कंप्लीटली डिफरेंट लेवल सिर्फ the smell of the box and everything else and then you just close on the fact that you're just opening a box, box खोला और आप describe कर रहे हो ये बड़ा अच्छा box है इसके अंदर मेरा अभी ये charger निकला है that emotional feel while it is fantastic अब हमारे the marketing I mean if you look at the brand strategy today उनकी जो marketing है that is based on a reveal of 90% of everything because they are trying to make sure Arun एक second let me just finish this A brand today is trying to make sure कि उनका जो product 2 महीने बाद आ रहा है somebody is not making a purchase decision and buying something available right now. They want you to wait 2 months later for their product. And therefore, they want to start revealing a lot more. आप 5 साल पहले की strategy देखो, even for brands that used to be very secretive about everything. Today, whether it is done conspicuously, you know, behind the scene, under the table, सारा कुछ reveal होता है पहले. I will tell you now. Agreed. Okay. What in short he's saying is that कि भाई 2 साल पहले से 1 साल पहले या 6 महीने पहले से सब कुछ फोन के बारे में पता चल जाता है तो अनबॉक्सिंग में मजा क्या है? It is not that. It is Shlok doing the unboxing. Shlok speaking. Arun speaking. Arun dropping the phone. Gaurav by doing. There are channels on YouTube. कुछ नहीं बोलते हैं there is no face getting millions of views yesterday we were कुछ नहीं बोलते हैं यार it is like दाल चावल कभी boring हो ही नहीं सकता नहीं हो सकता है दाल चावल point है डब्बा खोलने वाला yesterday we were shooting a product and we were taking a lot of shots तो वहाँ पे बहुत सारी जगह peel off करना था तो मेरा team मेरे को बोल रहा है ये shot ना लोगों को देखने में बहुत मजा आता है तो peel off और ये सब होना चाहिए significance है या नहीं है because that attracts a lot of audience और वो जो कनेक्ट होता है जो एक रिलेट कर पाते हैं दैट इज एड्स अ लॉट ऑफ वैल्यू टू द वीडियो बट बीबॉम तो अनबॉक्सिंग्स जनरली करते नहीं अनबॉक्सिंग नहीं करते बट प्रोडक्ट जब अपने नया टेस्ट कर रहे हो तो पील ऑफ यार लॉट ऑफ यू गाइस हैव क्रैक्ड दैट इंस्टाग्राम कोड है ये लोग ये वो प्रोडक्ट्स वो किचन अप्लायंसेस एक्सेस कैसे सिखाओ यार हमें अभी जैसे हम बात कर रहे थे कि प्रोडक्ट्स हमें मिलते हैं because we get a lot of products first hand but जो products हम लोग get it or you buy it वो उसी पे आ रहा हूँ मैं जो products हम लोग cover करते हैं like 90% of the products are bought by us so we are spending a lot of money lot of research that goes behind it बहुत सारे आपके products बाहर के भी होते हैं I mean do you guys do that बाहर से यानी US से जो different item unique items वगैरह जो there was a lyric speaker I think वो 1.5-2 लाख का था we had to purchase it the transparent one Yeah, there was a Nike self-lacing shoes that we bought for 55,000. इनको आने में भी 1-2 महीने लग जाते हैं. So do you reach out to the companies or you just buy it? Reach out is a lengthy, tedious process. So we buy it because like reach out में पैसा का product नहीं भाई but एक बात कहूँ इसका मतलब उसके बाद उतने पैसे हैं. नहीं to buy that. But and he's that when he looks at that product he knows that जब मैं इसके ऊपर video करूँगा इतने views आएंगे और उससे इतने पैसे बनेंगे so this is what I'm saying पैसे हैं या नहीं है this is an investment into the future and see the question that you had Sorry, carry on. Yeah. So the idea is like when we started building Instagram, so we have very clear intentions that Instagram is a different platform, YouTube is a different platform. So we treat them very separately. Okay. Yes, we make content on both the platforms. जैसे एक product है तो उसका दोनों platforms पे content जाएगा, but they will be done in their own separate ways. कुछ भी क्रॉस पोस्ट नहीं होता. Sometimes they used to shoot two different videos. Yes, Rupesh is for YouTube and Instagram पे Akshay is there. So the idea is when we started building Instagram, we made sure that we are going to invest this much amount of money in this, in building this. Nice. And in that strategy, we were clear that we will not accept any paid campaign. So that was our strategy for the first 1.5 years. Very good. कि जब तक हम 1 million hit नहीं करेंगे उसके बाद the paid campaigns are now going well. उसके बाद yes obviously but अभी भी अगर आप देखोगे तो frequency बहुत कम है because our approach is audience first. अगर audience को हम बहुत ज़्यादा bombard करने लगेंगे paid content से so they might not start liking it. So it's always paid to content. Add value to the audience. So Irshad, your question, so coming back to it, this is a great point. Your question was very different from where this discussion went away. Your question was, if a new person who's never done this before is just starting his channel, is unboxing the way to go? And my answer was, not for that person. No, he did not ask about unboxing. He said, he just said new creator. Okay, you put that unboxing. I'm going round this thing. One tip that you want to give to a new creator, starting with Rajiv. I think I'm going to go with exactly what he has said because that is really my entire spirit and philosophy. जो मैंने पहले दिन भी शुरू किया था when I started what was not happening anywhere in the world, which is a television show on tech, right? The strategy remains the same, the tip remains the same. अगर आप अलग नहीं कर सकते, passion के साथ नहीं कर सकते, and you're only going to follow someone else's success. You are 100% going to be a failure. Okay. Find the passion and you have to be dramatically different. इन्होंने एक strategy बनाई, बहुत clear strategy है, we'll buy it. We'll not take paid campaigns. We have something where we'll do things very, very different. They understood the platform that Instagram is very different from YouTube. Understand what you are doing. Do not be a sheep or a herd. Okay. उसकी श्लोक की बड़ी अच्छी अनबॉक्सिंग है. He does this and he drops the phone. ये एक weighing machine रख देते हैं कि अच्छा इसके इतने ग्राम है. Gaurav does this way of. If you are going to take bits and pieces and segments from all the others and you want to then create your own personality, you're going to be a split personality with nothing happening. The strategy cannot be different today or the content will always be king, queen, prince, ace, everything. It's not going to change. The strategy must be that. यार मुझे लगता है इंटरनेट इज अ ह्यूज स्टेज और सबके लिए ऑडियंस है सामने. वो आज नहीं है, हो सकता है एक साल बाद आएगी. हम ऑन अ बिगिनर लेवल टू बी ऑनेस्ट मैं बोलता हूँ किसी को भी डोंट इन्वेस्ट एक एक्स अमाउंट को, क्योंकि वो एक्स अमाउंट रिटर्न करने के चक्कर में दिमाग में रहेगा ना कि मैंने इतना पैसा लगाया मेरे को चाहिए चाहिए चाहिए. डोंट डू दैट. लोग कैमरा खरीदते हैं, टीम लेते हैं, कुछ जरूरत नहीं है आज की डेट में. ऑल यू नीड इज योर फोन. मैंने शुरू की 100 वीडियो अपने फोन में बनाई थी, वो फ्रंट कैमरा से. वाई फ्रंट कैमरा? बिकॉज रियर में उसका प्रीव्यू दिखेगा नहीं, तो सेल्फी से बनाया मैंने. एनीवे चलो आज की डेट में यू जस्ट नीड टू स्टार्ट. और प्लेटफॉर्म्स लाइक इंस्टाग्राम, यूट्यूब, शॉर्ट वीडियो बहुत ज्यादा रिवॉर्डिंग है. एंड इट ऑल काइंड ऑफ यू नो रिक्वायर्स जस्ट यू बीइंग कंसिस्टेंट. आपको 100 दिन तक टारगेट कर लो, मैं 100 दिन तक 100 वीडियोस हर रोज पोस्ट करूंगा, उसमें से 10 वीडियो डेफिनेटली वायरल जाएंगी ही जाएंगी. एंड यू डोंट नीड एनीथिंग. आपको बॉक्स नहीं चाहिए, फोन नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए. यू जस्ट वांट टू टॉक टू पीपल. जस्ट टॉक about anything, कुछ भी टॉपिक है आपको अगर बात करनी है, and that's all. You know, this is beautiful. It just ties up with what I wanted to say. Patience, because I have been the most patient person when it comes to channels. You know, when I started Track and Tech, first 1 year, we went only from 0 to 3,000 subscribers in 1 year when I was posting, me and Pratik were posting one video every day. मतलब nearly August 2016 से लेके May end 2017 तक 10-11 महीने continuous डाल रहे हैं और हमारे 3,000 सब्सक्राइबर हो गए. कभी भी एक वीडियो 10,000 के ऊपर नहीं गया. But I knew someday we are going to crack it. And then one video जो 1+5 का है, I still remember that. वो गया and then we just took off. So my thing is unique रहो आप, consistent रहो. हर रोज वीडियो डालना है या हफ्ते में एक डालना है या महीने में एक डालना है, जो भी डिसाइड किया हुआ है वो करो consistently. And be patient. Results will appear. I'll give a very fine example. We had started another shorts channel, Wikipedia naam ka, entertainment mein. You know, We had given them 6 months. Even after me knowing, me being me, मुझे पता है कि इतने सारे channels हैं कि नहीं होगा. मैंने बोला 6 महीने हम लोग करेंगे. अगर नहीं होता है तो we are going to dismantle. We are not going to put much effort. Every day हम डाल रहे हैं उसके ऊपर videos. 6 महीने के बाद it was what hardly 2000 या 3000 subscribers हो गए. We dismantled the team. 2 महीने चले गए because host वगैरह लिए थे बाहर से. 2 महीने के बाद suddenly one shot went. In that 15 days, एक शॉट वायरल जाने के बाद, we went 400k subscribers. In 400k 4 लाख subscribers in 15 दिन और मेरे पास अभी टीम नहीं है. एंकर को वापस बुलाया. नहीं वो लोग चले गए. तो मैं वही बोल रहा हूँ. So patience. Look, तो I feel I agree सारी चीजों के साथ. I think consistency जरूरी है. I think सारी चीजें. But मेरे ख्याल से एक चीज जो एक क्रिएटर को सक्सेसफुल बनाती है वो है कि जो मैंने करी है, मेरे लिए वर्क करी है कि भाई मैं अपनी ऑडियंस से कभी झूठ नहीं बोलता. मैं जैसा जो चीजें हैं वो एंड या लाइट आई है और कॉफी आ गई है सबके अचानक से. कंटिन्यूटी भाई है. हमारी बोतल के कलर भी चेंज हो गए, ग्रीन टू ब्लू. सो ओके गो अहेड. बट एक चीज मैंने नोटिस करी थी कि जब सब बता रहे थे, किसी ने एल्गोरिदम की टैग्स, टाइटल ऐसे डालना, थंबनेल ऐसे लगाना है, किसी ने कोई बात नहीं करी. एंड आई थिंक आई ऑल्सो अग्री कि एक दो ही बंदा है, एक जो पर्सन वीडियो बना रहा है, एक जो पर्सन वीडियो देख रहा है. अगर आप उस ऑडियंस से दिल से कनेक्ट कर सकते हो और उसको कुछ वैल्यूएबल दे सकते हो तो आपकी वीडियो चलेगी. आज नहीं तो कल, नहीं तो परसों, 1 साल लग सकता, 2 साल लग सकता, कभी ना कभी तो चलेगी. और मैं भी स्टार्टिंग में, मेरा भी वही था कि मैं कॉलेज में बैठा था, ना पैसे थे, कुछ नहीं था. मोबाइल से ही मैंने भी वीडियो बनाई थी, जैसे हम सब ने स्टार्ट करा था. एंड ट्यूटोरियल बना रहा था मैं तो मोबाइल में, ये ऐसे कर लो, सॉफ्टवेयर में ये कर लो, थोड़ा तेज रहेगा. ऐसे 1 साल बनाया एंड वो धीरे धीरे पहले 10-10, 20-20, 100-100 व्यूज आने लगे थे, फिर बढ़ गए. तो मेरा बहुत सिंपल है कि अगर मैं कुछ ऑडियंस से दिल से कनेक्ट करके कुछ दे पा रहा हूँ एंड मैं ऑनेस्ट हूँ तो ग्रो होऊंगा मैं. एंड मैंने जितने भी यूट्यूबर्स को देखा जो कुछ एक्चुअल अच्छा कर रहे हैं वो अपनी ऑडियंस से बहुत ही ज्यादा कनेक्टेड है. तो मेरे ख्याल से वो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है. तो तू ऐसे कह रहा है कि थंबनेल्स और टाइटल्स इम्पोर्टेंट नहीं है? नहीं, बट वो चेंज होते रहते हैं ना, वो कांस्टेंट नहीं है. टाइटल्स आर वेरी YouTube specific thing. Why do I feel like everything? That I agree. It's a very YouTube content creation. It could be Instagram. But content creation I agree completely. I was just saying. It is like saying कि यार ऐप बनाने के लिए ये वाली एक्सरसाइज कर लो. अरे खाना अच्छा खाओ, एक्सरसाइज कर लो, अपने आप बन जाते हैं. वो क्या सॉस नहीं. Right. हाँ, मतलब मुझे ऐसा लगता है कि इसमें एक नॉलेज देने से बेटर है. मैं एक रॉ थॉट शेयर करता हूँ. जब भी हम ऑडियंस की बात करते हैं हम भूल जाते हैं भाई वो इंसान ही है. जैसे कि अगर हम एक अपने अपार्टमेंट में रहते हैं, सोसाइटी की बात करते हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि जो इंसान बातें अच्छी करता है ना, या इम्पैक्टफुल बातें करता है, या फिर लोगों के हित में बातें करता है, वो हमेशा अच्छा माना जाता है किसी भी सोसाइटी में. तो ये थॉट मैंने अपने आप में बिल्ट इन किया. अभी जब रिसेंटली मेरी वीडियो नहीं चल रही थी, जब मैंने थोड़ा कमबैक का सोचा ये था, तो मुझे था यार जो अच्छी बातें होती है ना वो सोसाइटी में कभी ख़त्म नहीं होती और सोसाइटी ही हमें देख रही है. तो और यूट्यूब पे आप पॉपुलर क्यों हो गए? अपनी बातों की वजह से. तो मुझे ऐसा लगता है कि मैंने बहुत काम किया अपनी स्पीच के ऊपर भी, पॉजेज़ कब लेने चाहिए, इम्पैक्ट कब डालना होता है. तो जैसे कि सोसाइटी का एग्जाम्पल एक बहुत अच्छा रहता है कि हमें लोग ही तो देख रहे हैं. अच्छी बातें करोगे 100% लोग देखेंगे. और अगर आपका किसी चीज़ में पैशन है, जैसे मेरा टेक में, मुझे पता है किसी भी टाइम बातें करा लो, उसकी बातें मैं करूँगा, लोग सुनेंगे. तो मुझे ऐसा लगता है कि ये बहुत बेसिक चीज़ है कि मेरे हिसाब से बातें अच्छी करने वाले लोग जो है चलते हैं. ओके शायद यू टेल नो. No. Don't be a moderator. You're not a moderator. I'm genuinely not moderating because none of us are talking till Rishad doesn't go. ये नहीं हो रहा. I don't have anything to tell people because I'll tell you. मेरा तो मैं journalist था, tech journalist में, उससे वहाँ यहाँ पे switch हुआ. मैं तो मैं क्या हूँ? But I'm going to ask you. I'll keep quiet too. Both of us similar. So then I'll keep quiet too. No. Listen, हर एक का experience and I have a feeling that you and me have more to contribute to this conversation क्योंकि हम लोग 2 platforms से आ रहे हैं. Right? Yeah. So tell me, what do you think is the content creator that जो आपका question था, answer it. Yeah. I mean, एक तो पहले डिफाइन कर लो अपने आपको कि कंटेंट क्रिएटर बनना है कि यू नो यू वांट टू डू. आई थिंक दैट जर्नलिज्म स्टिल हैज वैल्यू. मेरे को ऑनेस्टली वैसे लगता है, वो एक चीज़ है. और दूसरा ये कि आई कम्प्लीटली एग्री विद द होल कंसिस्टेंसी बिट, बिकॉज मेरे को तो उससे बिकॉज आई हैव सीन दैट माई सेल्फ, क्योंकि मैं तो अभी आई एम स्टार्टिंग फ्रेश. लाइक फॉर एग्जाम्पल यू नो अरुण एंड हाई इमीडिएटली हैड अ कॉन्वर्सेशन की तमिल चालू करना, बोले ठीक है चालू कर देते, लेट्स स्टार्ट इट. एंड द ओनली थिंग वाज कंसिस्टेंट रहो, बस वही किया और कुछ नहीं. अच्छा कॉन्टेंट किया, कंसिस्टेंट रहा, लाइक यू सेड टॉक टू द पीपल, दैट्स द सेम. आई मीन ऑल ऑफ द आंसर्स जस्ट almost get it. I have nothing new to add, but all of this is helping me in building what I want to build right now. बस उतना बोलूँगा. वो maybe will help you also to build what you want to build. Irshad, I want to ask, and this will come as a surprise, but do you think journalists nowadays are overrated? No, not yeah, of course. But the best part about journalists right now is that they have platforms, multiple platforms. मेरे को वो लगता है कि काफी सारे जगह पे वो हो गया कि वो भी YouTube पे आ गए, right? Whether whatever beat they are covering now. तो वो okay, so if you have to say कि YouTube creators, YouTube वाले जो content creators है, वो ऊपर है या journalists ऊपर है? There's a reason why I'm asking this. किस perspective में? What general देखने का perspective जो है, societal perspective. What is yours? Societal perspective क्या है? मजेदार लग रहा है ना? I want to see. नहीं. Because you are journalist, you are a content creator now. हाँ. And also we expect a diplomatic answer. नहीं मैं diplomatic नहीं बनना हूँ. बिल्कुल नहीं. देखो क्या है ना कि जर्नलिस्ट का प्रॉब्लम क्या होता है ना कि वो स्कूल से पढ़ के आते हैं ना, तो फिर उनको बताया जाता है कि हु व्हाट हाउ व्हेन वो फॉलो करना है. सो मे बी उसमें दे आर नॉट कनेक्टिंग विद द पीपल दैट यू नो लाइक द कंटेंट क्रिएटर्स आर. अच्छा एक बात बताओ, ये टेक जर्नलिस्ट जो नोटिस्ड इट नहीं, ये जो टेक जर्नलिस्ट है ये यूट्यूबर्स को हेट क्यों करते हैं? मतलब डायरेक्ट और मुझे ना बहुत कोल्ड वाइब मिली है इन लोगों से. जब भी मैं किसी इवेंट पे गया हूँ इतनी कोल्ड वाइब देते हैं. एक काम करते हैं एक बार ये वाला पहले फ्लो खत्म करते हैं, फिर अगला जो क्वेश्चन है इसी पे लेते हैं पूरा. ओके कवर. ओके द वन थिंग इज दैट डोंट डू दिस फॉर द मनी सेक. लाइक एवरीबॉडी वांट्स टू स्टार्ट अ YouTube चैनल बिकॉज़ दे विल गेट मोनेटाइज्ड. लाइक दैट्स व्हाट they all want to make. Okay, I want to make some money out of it. No, if you have genuine interest on that, it be tech or whatever, if you think that you can put it out there in a very in a different and unique way and inconsistent, then I think it's a good option. If you are doing just for the money, then I don't think this is like not a job. It's not a job. Yeah. But why is it not a job? It shouldn't be one. But because it's not that space. Creative space is never a job. Why is it not a job? Why is it not a career? Why is it not a profession? I would disagree. Take it away. It's not a job. It's a career. It's not a job. Yeah. I don't see any difference in those two. If it's a career, but not a job. People only are looking at the monetary thing. Like they're just forcing them. Look at the monetary. Otherwise, गरीब रह जाओगे, पैसे नहीं होंगे. मैं कह रहा हूँ कि I'm not really understanding the. It's a career, not a job. Don't do it for money. भाई सुनो, money आप कुछ भी करोगे लाइफ में ना, it will come. It's a byproduct. That's a given. YouTube पे प्रॉब्लम क्या होती है उन लोगों के साथ में जो सोचते हैं YouTube gives lots of money, और अगर वो ये सोच के करते हैं ना, behind the mind always thinking about money. और उस टाइम पे जब उनको अच्छा इनिशियल से पैसा पकता है, of course नहीं आने वाला है, तो उससे they will be demotivated and they lose track. उनको ये पता होना चाहिए कि अगर तुम 2 साल 3 साल उसमें दे दोगे, high chance that you will be successful and money will follow. Exactly. लेकिन अगर आप ये सोचते हो कि यार ये पैसे इसने कमाए हैं और मैं भी कमा लूंगा, मैं कर देता हूँ, there is no such formula. Exactly. That's the thing. I agree completely. That's what I wanted to convey. Okay, good. You all agree. Okay. But that's for every business, every job, every profession. There's nothing different that we are saying. No, sir. Basically, क्या है ना? YouTube में the journey is not linear. In content creation, it's always exponential. अरुण ने बोला आप 11 महीने में 3000 सब्सक्राइबर. वो पाथ ये था. And then normally, I just want to say something out here. ये जो exponential वाला point है ना, पकड़ के रखो, क्योंकि इसके ऊपर मैं एक question पूछने वाला हूँ. Correct. Most of it is already covered, but yeah, two things that matters the most is obviously you have to be consistent. And अगर आज कोई start करने जा रहा है, I think short videos is the way to go. That gives you a entry barrier बहुत कम है. Platforms reward करते हैं. Obviously. यूट्यूब पे यू जस्ट हैव टू प्ले विद द एल्गोरिदम, यू हैव टू बी कंसिस्टेंट, एक स्केड्यूल फॉलो करना है दैट यू ऑलवेज हैव टू फॉलो. एंड ऑन इंस्टाग्राम यू हैव टू मेक कॉन्टेंट दैट इज शेयर वर्दी, दैट वर्क्स. And second thing is you have to pick a niche that it comes to you naturally, because all of us sitting here, हमने tech को choose नहीं किया because tech सबसे ज़्यादा lucrative है. We chose it because we are definitely interested in it. Naturally हमारे साथ आया. तो इस वजह से I think these are the two points. If you fake it, it will show. Yeah, you have to have real passion for it. There was this question that was asked at one another. Can you fake it till you make it? Not in the current content creation thing. It shows. People do smart here. Not in any aspects. Any aspects? No. Okay, perfect. Yeah, one tip. Okay, so almost all the points are covered. So my one point is, don't think, just act. Wow. Because most of the time what we do is we just keep on thinking. Whenever we. अब ये video बंद करो, चलाओ video बंद. Video बंद. That's what ना, because that's what usually happens. What जो भी, if we overthink a lot. Yes. Sometimes because we see a lot of creators doing wonderful jobs, covering most of the things which we dream of. Then we suddenly go, we don't have anything. What we have to do? Then we plan for something. Then we think on it. Then we think on it, and suddenly see the same thing which was done by some other people. Mm. It's not about doing the thing today or tomorrow. It's about just act. Alright, so ये सारे सवाल तो हो गए. तो मैं वो जो exponential growth वाली बात हो रही थी ना, तो उस पर I want to pick that point and be like, do you consider yourself like, मतलब आप celebrity हो गया? नहीं. No. Or okay, let me put it in a nicer way. Like, how do you feel when some fan comes and talks to you and takes pictures with you? At that, what is the difference between your stardom and a celebrity stardom that an actor or an actress has, like a Bollywood actor actress has? I want to. ज़्यादा भाई वाला connection I think. Celebrity में क्या होता है ना, मतलब कोई movie star है, तो it's always a one way communication. बंदा जाएगा, movie देखेगा और आ जाएगा. वो comment कर रहा है, कुछ भी कर रहा है, but वो सामने से कुछ सुन नहीं पा रहा है. Okay. It's always one way. जो कंटेंट क्रिएटर्स हैं उनके साथ में जो उनके फॉलोअर्स हैं, इट्स ऑलवेज अ टू वे कम्युनिकेशन, बिकॉज वी एड्रेस देम. हम तो उनसे बात कर रहे हैं, वीडियोस बना रहे हैं, तो इट्स समवेयर हैपनिंग अ टू वे कम्युनिकेशन. सेकंड थिंग, जो एक रिलेटेबल वाइब है कि यार ये तो हमारे जैसा ही है, या ये इसने ये किया और अभी वीडियोज बनाता है. तो द वे पीपल अप्रोच अस, इट्स वेरी कंफर्टेबल. लाइक दे सीक कंफर्ट. उनको पता है कि यार वो मतलब अटकेगा नहीं या घबराएगा नहीं, वो आएगा, मिलेगा, बात करके सब कुछ होगा. तो इट्स वेरी सिंपल, इट्स वेरी फ्रेंडली. ये यू नो एब्सोल्युटली राइट. क्या होता है पता है, एंड आई विल टेल यू द रीजन. एवरी डे दे आर वाचिंग अस, एवरी डे न्यूज देखते हैं, यहाँ अनबॉक्सिंग देखते हैं रेगुलरली. मूवी स्टार्स के साथ क्या होता है, एक मूवी देख लिया साल में या दो मूवी देख लिया, एंड इट्स वेरी इनडिफरेंट. लेकिन जब मिलते हैं, ऐसे मिलते हैं कि वो मुझे जमाने से जानते हैं. And literally some तो they literally faint ऐसा आके, जो die hard fans होते हैं, ये लोग जो होते हैं. आप अपनी ये die hard की सुनाओ ना, कोई है कि नहीं? मैं कोई best fan interaction है, मतलब literally this is long time back, about one and a half year back. One guy literally came on the road. एक instance में बस से वो नीचे गिर गया, क्यों? Because वो चलते हुए बस से उसको आके मुझे ये करना था वो. And second, one guy fainted. I was on bike पे था मैं. Sir, every day मैं देखता हूँ, and then he's like, he could not, he was, and then he fainted for just a minute. Just day before yesterday also same thing. They could not even type the number on the phone when asked to. Phone unlock नहीं होता है, camera नहीं खुलता है, हाथ कांपता है, सब कुछ होता है. I'll tell you one with me which I thought was an incredible incident. So in a public bathroom, I am there. The person is there. No. We are in the act. We are both using the public bathroom. He turns around. He sees me, and he's like, "Oh my God!" And he just went completely nuts. And he said, "And he took the selfie then. Thank God at the right angle. Okay, because if a typical selfie angle हो जाता, that would have been a problem. मुझे लगा ऐसा ना हो. उसने राजीव को देखा और वो घूम के राजीव की तरफ. Shaz, you wanted to say something, please. No, yeah, like I said, the celebrity thing is just like what they said. Yeah, they're seeing us every day, and they feel, like they come and say, "Bro, my phone is broken. What can I do?" I'm like, "Go to a freaking service center, bro." No, I think हम लोग का ये बहुत interesting point है that we connect. We are not on top of a mantle. हम लोग कोई बड़े platform में वो ऐसे नहीं देखा जाता कि this is the It isn't like that. I think एक अच्छा connect है, and I think most of the times, besides a selfie or a conversation, I think most of them we are also asked for advice, right? Yeah. कौन सा phone, कौन सा TV, कौन सा laptop? That's become part of our lives, right? And that is because what Arun said, we are there every day telling them the same things. उनको ये लगता है they just come to us and that video will continue with them. Yeah, I think celebrities का, if I were to look at it from an audience standpoint, एक मेरे को लगता है celebrity का status थोड़ा सा ज़्यादा ऊपर है, मैं एकदम honest हूँ, क्योंकि उनका काम है परसेप्शन बिल्ड करना. जैसे मैं एक एग्जांपल बताता हूँ, मैं वहाँ पे गया था, क्रिकेट मैच देखने में गया था, एंड मैंने भी काफ़ी महंगी सी टिकट खरीदी थी, बट मैं उस टाइम पे सोच रहा था कि कितने ऐसे सेलिब्रिटी होंगे जो टिकट खरीद सकते थे बट वो खरीद के नॉर्मल स्टैंड में आ नहीं सकते, क्योंकि उनको परसेप्शन बिल्ड करना है कि हाँ तो भाई हम ऊपर है. और मेरे ख्याल से बिल्ड करना ज़रूरी इसलिए होता है क्योंकि हमारी वीडियो देखने के लिए बंदे को YouTube खोलना होता है, फ्री में मिलती है, रोज मिलती है. एक सेलिब्रिटी को देखने के लिए आपको टिकट खरीदनी पड़ेगी, ड्राइव करना पड़ेगा, हॉल में आना पड़ेगा, भीड़ में बैठना पड़ेगा, तब जाके आप उसकी एक झलक पा पाओगे साल में एक बार. तो मेरे ख्याल से वो परसेप्शन जो सेटअप है ना, वो ऐसा है कि एक सेलिब्रिटी का इनएक्सेसिबल है वो. तो जहाँ पे scarcity होती है वहाँ पे थोड़ा perception high हो जाता है, थोड़ा aspiration high हो जाता है. I think the exclusivity makes them the celebrity. Exactly. नहीं ये status हो गया ना, status से celebrity obviously they are higher, but I was talking about not necessarily higher to be honest. Content creators जो हैं वो बड़े-बड़े celebrities को fail कर रहे हैं आपकी डेट में. Obviously भाई कर रहे हैं. मैंने मेरे साथ में नाम नहीं लूँगा exactly, but I have had experiences जहाँ पे overshadow किया है मैंने लोगों को. क्लियरली किया है और ये हो रहा है. इट्स रियलिटी. हम सब मिलके ना, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, सेलिब्रिटीज को किसने बनाया है? एट देन पीपल. हमको कौन बना रहा है? एट देन पीपल. और सेलिब्रिटीज को आप ओके, यू टॉक अबाउट बॉलीवुड, यू टॉक अबाउट पॉलिटिशियंस, यू टॉक अबाउट यू नो पीपल हु आर फेमस मल्टीपल वेज, एज लॉन्ग एज यू आर टॉप ऑफ द हिल, फिर चाहे आप किसी भी फील्ड में हो, you have that exact similar kind of an experience. Right. एक छोटी स्टोरी सुनाता हूँ कि जैसे बता रहे थे सारे के सारे कि सेलिब्रिटी जो है अप्रोचेबल नहीं होते, यूट्यूबर होते हैं, सब एग्री करते हैं. तो थोड़ा जगह बताता हूँ, डीसी चौक एक रोहिणी में. अब मैं उधर मेरी गाड़ी पार्क है और इतने अप्रोचेबल लोग हमें समझते हैं ऑब्वियसली, क्योंकि हम सारे भाई भाई वाली वाइब शेयर करते हैं. वो गाड़ी में आ गया, सीधा गाड़ी में आया तो संचित है वो जो मेरे साथ मिलना चाहता, हाथ दिखा. किस तो नहीं करा ना? नहीं, मुझे गाड़ी का एक्सपीरियंस नहीं बताऊंगा. उसने मुझे गुड इनफ 5 से 6 सेकंड ऐसे पोज दे के देखा है और मैं उस टाइम पे ऐसे हूँ, मैं क्या करूँ भाई. और उसके बाद उसने सेल्फी नहीं ली. उसने कुछ सेल्फी नहीं ली, उसने बस मुझे बहुत देर घूरा, कहता भाई सोनीपत से हूँ, और बस ऐसे. और है ना उसके बाद है ना मैं बताता हूँ, मैंने कहा भाई ठीक है. एक कार का एक्सपीरियंस मेरा सुनो. दुबई की बात है, मैं और कैरी बनाते हैं और कैरी का दिन दीपक, हम तीनों रात को निकले हैं चाय पीने के लिए. मैं ड्राइव कर रहा हूँ पोर्श पैनामेरा, कैरी साइड में बैठा है, वो पीछे है. हम गए एक जगह है दुबई में जहाँ पे डिस्को चाय, उस जगह का नाम है, उसका ऑफिशियल नाम कैफेटेरिया कुछ अलग है, बट वहाँ पे सब डिस्को चाय बोलते हैं उसको. तो वहाँ पे गए, हमने चाय पी. जो सर्व कर रहा था वो बांग्लादेश से था, यंग लड़का 22-23 साल का होगा. तो वो आया, सब्सक्राइबर था, मैं जाता रहता हूँ कई बार वहाँ पे. तो उसने मेरे से फ़ोटो लिया, फिर कैरी को देखा, फ़ोटो लिया, चला गया. फिर वो दोबारा आया, और सुनना पूरी गाड़ी का किस्सा बता रहा हूँ. फिर दोबारा आया, बोलता है कि सर एक कार के सामने फ़ोटो ले सकते हैं? तो हमने बोला ठीक है ले ले. तो वो बीच में खड़ा हो गया, एक तरफ कैरी एक तरफ मैं, उसने फ़ोटो ले लिया. फिर हम हमारे चाय पीने में लग गए, वो वहीं खड़ा रहा. फिर उसने बोला सर गाड़ी के अंदर बैठ के फ़ोटो ले सकते हैं? मैंने कहा ठीक है. तो उसको चाहिए थी मेरी गाड़ी में बैठ के फ़ोटो, तो वो गाड़ी में बैठा ड्राइविंग सीट पर, मैंने फोटो ले ली उसकी. फिर बोलता है सर आप बैठ सकते हैं. तो उसने 4-5 फाइनली उसको जो फोटो मिली, वो पीछे बैठा है, मैं ड्राइविंग सीट पे हूँ, बगल में कैरी है. यार ये मतलब क्या. ओके वी आर बैक, दैट्स गुड. गौरव आप कुछ बता रहे थे. बैक आफ्टर 10-10 मिनट के 15 ब्रेक. तो बेसिकली क्या ना, वो उसने बोला कि गाड़ी के अंदर बैठ के, बोलता है कि मैं पीछे बैठ जाऊँ आप दोनों आगे बैठ जाओ. ठीक है बोलता है. फिर बोलता है कि गौरव सर एक फोटो आप लोगे. उसने अपना फ़ोन दिया, तो आई टू का सेल्फी, और वो सेल्फी उस इंसान के अलावा दुनिया में किसी और के पास नहीं होगी, उसको कभी किसी को मिल नहीं पाएगी वैसी सेल्फी. कि कार है, मैं ड्राइविंग सीट पे हूँ, इधर कैरी है, मैंने ऐसे सेल्फी ली है जिसमें पीछे हम दोनों के बीच में वो बैठा है. वाओ, दिस इज दैट अ पोर्शा. अब वो हो गया इंसिडेंट, हम निकले, और मैंने निकल के कैरी और हम डिस्कस किया, मैंने कहा यार देख अगर वो नहीं पूछता उसको ना हम दोनों के साथ वाली फ़ोटो मिलती, ना उसको गाड़ी के अंदर बैठने वाली फ़ोटो मिलती और ना उसको फाइनल वो सेल्फी मिलती. ऑल बिकॉज ही आस्क्ड. एंड व्हाई डिड ही आस्क? बिकॉज ही हैड दैट कंफर्ट कि ही कैन आस्क. अदरवाइज चलते फिरते में उसको बस जो एक फ़ोटो मिलता वो मिलता, क्लियर होता नहीं होता. यहाँ पे उसने प्रॉपर 3 अच्छी फोटोज ली है एंड आई एम श्योर ही विल टेल अ बिग स्टोरी अराउंड यू नो टू हिज फ्रेंड्स एंड ऑल. तो दिस इज द डिफरेंस ऑफ अप्रोचेबिलिटी. आई थिंक शुक्र मनाओ ये नहीं बोला गाड़ी भी चला दो मैं पीछे अगर भाई अगर वो बोलता तो मैं चला लेता ना, मतलब अच्छा एज लॉन्ग एज आई एम फ्री, एज लॉन्ग एज आई हैव टाइम और मुझे पता है इससे कुछ नुकसान नहीं हो रहा है तो क्या फर्क पड़ता है, मैं गाड़ी चला देता है. मतलब यू नो तो इट्स ओनली बिकॉज ही वॉज आस्किंग फॉर इट. एंड आई थिंक दिस इज मैंने एक बार आई टेल यू आई वॉज एट एन एयरपोर्ट. बंदा आया दूर से दौड़ता हुआ, फोटो फोटो फोटो. ही वाज यूजिंग वन प्लस फोन, उसमें वो होता है जेन मोड आई थिंक. इन जेन मोड यू कांट डू एनीथिंग. तो वो उसने फोन निकाला अपना, बोलता है ओ शिट जेन मोड पे है. मैं फ्री था उस टाइम पे, मैंने कहा चल रुक यार कोई दिक्कत नहीं है. मैंने अपने फोन से फोटो लिया, मैंने कहा तेरा ईमेल क्या है बता. ईमेल क्या फोटो, उसको फोटो मिला ना. अदरवाइज अगर उसको सोचो उस टाइम फोटो नहीं मिलता. तो I mean, just because there's approachability. Yeah. So everybody who's watching the show, याद रखना अगर गौरव को आप कहीं मिलोगे उसके पास अगर गाड़ी हो, make sure you make sure you. बहुत बार हुआ है. All the time. Open offer now from. All the time. बहुत बार होता है. Okay, I Karimanagar से कुछ याद आया. I'll come to that, but Tamil specifically asking him is that यार trolling जो होती है, anonymous होता है. We've all developed a thick skin. कि आई डोंट नो, आई एम जस्ट प्रिज्यूमिंग कि हो गया होगा कि ठीक है बोल देते तो वी कंटिन्यू विथ आवर वर्क. बट जब पीयर्स रोस्टिंग करते हैं, जब आपके फेलो यूट्यूबर्स रोस्टिंग करते हैं, एक तमिल के साथ इंसिडेंट हुआ, आपको पता है कि नहीं पता नहीं, आई वुड वांट हिम टू टॉक अबाउट दैट. रिसेंटली दैट हैपेंड टू मी. या where to start? So we are being in the space for a long time and most of us got the roasting, trolling, everything वगैरह वगैरह. So most often what we do is we just ignore and we cross. So that's what we do. So if time and again you are getting the same kind of thing, people will start hate you for the thing which you are not doing. So that's where you'll see uncomfortable, you feel uncomfortable. So मेरे साथ भी ऐसे ही हुआ था. 4 साल पहले मेरे नाम से कुछ गलत बोला था एक आदमी ने. 3-4 वीडियो बताया, अपलोड किया था. The real face of जैसे टीजी के बारे में जो हिंदी में आएगा उसी का उसका तमिल वर्जन मेरे ऊपर आएगा. तो इट यूज्ड टू हैपन बिकॉज़ दे आर सीइंग ना, समवन इज मेकिंग फन ऑफ द पीपल, समवन हु इज डूइंग द वीडियो इन हिंदी एंड गेटिंग सम व्यूज, दे आर फॉलोइंग द सेम थिंग इन तमिल. आई नो दिस एंड आई इग्नोर्ड, बट इट कम टू अ पॉइंट वेयर आई हैव टू शो माय आइडेंटिटी कार्ड टेलिंग दिस इज माय नेम. तमिल सेल्वन इज माय नेम एंड दिस इज माय आइडेंटिटी एंड आई डोंट हैव टू फेक इट. सो दिस इज वेयर इट स्टार्टेड. Okay. So okay, there is a story ahead. I don't want to. There are a lot of things now. It added up because recently what happened, like I should have asked. Recently what happened is I saw a video. Someone was making fun of 2 other channels. One was mine and someone's channel. Then up to a point I was not worried about that particular thing because over the past few years I came through a lot of stuffs. I ignored that one. Then all of a sudden I got a lot of negative things. Then I said, okay, so what I have to do? Either I have to ignore and move on, or I have to speak whatever is in my mind because there are a lot of pressures I was building for the past few years without talking anything. Because YouTube, we all have a YouTube, have our passion, profession, whatever it is. I mostly don't often spend time with my friends and everything. Most of the time, it's in my YouTube channel itself. Comment section, Twitter, everything is there. So the pressure got up to me and. Suddenly, whatever that comes into mind, I shot a video, but I haven't uploaded that. Impulsive. I didn't upload that video. I kept it as it is. I didn't. Okay. Then I stopped it. Then I came to know that the other person who was in that video, because I initially texted him, bro, this is the thing is happening. This guy, this particular channel, is talking about both of us. What we have to do? Because I don't have experience in facing this kind of pure roasting. What we have to do? He said, simply ignore. That's it. Ignore and move on. I said, okay. I used to do that. I will do that again. But that other guy went on and commented on his channel telling that, okay, from now on, I'm your huge fan. I'm your follower. Then all the TV channels, all the other YouTube channels, all the comment section filled with hate of this particular guy is the biggest YouTuber. He apologized and he commented, you are so rude and you're not even saying anything. That pressure got into my mind. Then I shot the second video, not even thinking anything. Whatever that comes in my mind, I shot the video. That's where I was little bit out of the way. Whatever that comes in my mind, we edited. But by that time, we had some other issues as well. But I committed my subscriber that I will be uploading the video on Sunday. Every Sunday, I will be uploading a video. And you upload, I don't want to miss that particular timeline. I know the video is not 100%. I don't have the time to check because I have to. The video has to go live. So, एक पहली चीज मेरे पास पहले अंदर से pressure है. Dusra, the day is also I have to upload the video. Then I went on with the video. Once the video is live, I switched off the phone and everything. I went to sleep. Suddenly, the next morning, even without seeing the comments, I realized that, oh, what have I done? You made a mistake. Yeah, I made a mistake. Immediately wanted to take the video out and give something for my viewers. Okay, this is not me. I should have. This is what is in my mind. ये मैं कहना चाहता था एंड मैं एक ऐसे बोल दिया करके मैं आई वाज थिंकिंग देन फ्यू अदर पीपल वाज टेलिंग यू डोंट नीड टू गो एंड डू दिस जस्ट वर्क ऑन इट ये वो करके देन इट स्टार्टेड बाइटिंग अंटिल नाउ वी आर फेसिंग द बैकलैश व्हाट इज द बैकलैश फॉर 1-2 इयर्स बैक नो राइट नो 6 मंथ्स 6 मंथ्स व्हाट इज द बैकलैश यू आर फेसिंग नेगेटिव कमेंट्स इन ईच एंड एवरी वीडियो आई टॉक अबाउट रतन टाटा आई सी द नेगेटिव कमेंट्स आई मेक अ रिव्यू telling the phone itself is not good for that money. It's not value for money. And people started commenting, you are getting some X amount of money from this brand and you are... How do you come up from that? How do you all come up from that? Yeah. No, let's talk. He is not spoken. Sanchit is not spoken. Which I'm very surprised about, Sanchit. Kya ho raha hai? नहीं, जैसे उन्होंने अपनी स्टोरी सुनाई तो obviously मेरे साथ भी हुआ. हुआ है ऑब्वियसली जब फेलो क्रिएटर्स बोलते हैं तो काफ़ी ज़्यादा दुख पहुंचता है बट द बेस्ट पार्ट इज़ मेरे साथ जो हुआ पहले तो मैंने एक महीना नो डाउट फुल हेट अपने अंदर डेवलप करी बट फिर स्टार्टिंग डेज में ना श्लोक और मैं बहुत बातें करते थे जब यूट्यूब की शुरुआत हुई थी इसी ने मुझे बताया था किसी क्रिएटर को हेट करेगा ना उससे सीख नहीं पाएगा कभी भी मैंने क्या किया कि जब बहुत ज़्यादा बिल्डअप हो गया अंदर हेट मैंने कहा यार अब एक्शंस में कन्वर्ट करते हैं कोशिश करते हैं कि चलो ये जितनी भी नेगेटिव एनर्जी है थोड़ा काम करके भी देख लेते हैं चुपचाप कोने में बैठ के गुस्से दिखाने से क्या ही हो जाएगा तो मैं तो अब ट्रोल्स को बहुत ज़्यादा अब तो मेरा टॉक्सिक ट्रेट बन चुका है अगर मेरे को हेट ना मिले ना तो मेरे को साली मोटिवेशन ही नहीं आती मैं तो ढूंढता हूँ कभी कभी संजीत की एक स्टोरी बताता हूँ मैं आई थिंक 2017 या 18 की बात है यूट्यूब ने कॉम्पिटिशन किया था तो YouTube कम्युनिटी इंडिया में उस टाइम पे थोड़ी सी वीक थी मतलब द ऑनलाइन कम्युनिटी यूट्यूब्स कम्युनिटी द ओवरऑल कम्युनिटी हाँ तो YouTube का एक प्रोग्राम था वहाँ पे दे कोलैबोरेटेड विद मी एंड दे इनवाइटेड फॉर एंट्रीज कि आपको कम्युनिटी पोस्ट पे जाना है यू हैव टू अपलोड लाइक इफ यू आर अ यूट्यूबर जस्ट टू मेक श्योर द यूट्यूब कम्युनिटी का ब्लॉग पोस्ट जो थोड़ा सा एक्टिव हो जाए तो गॉट सम आई थिंक 3-4 थाउजेंड एंट्रीज वी शॉर्टलिस्टेड एंड आई हैड टू पिक 2 विनर्स जिसके साथ में मैं कोलैब करूंगा तो इट वाज अ लाइक प्लान दैट वी डिड विद यूट्यूब तो उसमें 2 विनर थे एक मैंने संचित को पिक किया था एक मैंने पिक किया था समरीन करके यंग गर्ल वाज डूइंग सम स्केच वीडियोस तो संचित को हम देख रहे हैं अभी वेयर ही इज और जो दूसरी है आई थिंक समरीन के भी काफ़ी मिलियंस के फॉलोअर्स हैं आई रिमेंबर हमने होटल रूम में एक वीडियो शूट किया था 2017 की बात तो तब से ग्रेट स्टेटमेंट और होटल रूम में वीडियो शूट किया था अमेजिंग स्टेट नहीं इमेजिनेशन एक वीडियो शूट किया था हाउ डिड यू फील काफी क्रेजी था मेरे पूरे कॉलेज में चर्चा हो गया था कि यार टेक्निकल गुरुजी ने संचित के साथ वीडियो बनाई है तो वो क्रेजी था वो बहुत क्रेजी मूवमेंट था इनफैक्ट मैंने अपनी जोश टॉक में भी बताया कि कैसे टेक्निकल गुरुजी का एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट था मेरी लाइफ में तो मेरे को जस्ट कितना याद आया हमेशा थैंकफुल रहूंगा उस चीज के लिए रिसेंटली कैरीमेना टीवी ने आपके छोटा भाई है यार अब वही तो व्हाट वाज दैट व्हाट हैपेंड देयर इट्स सो मच फन यार दोनों मस्ती करते हैं हम तो मैं अगर चल अभी चीज दिखाता हूं मैं कैरी ने मेरे को मैसेज किया था वो दिखाया था ठीक है मेरे से कल परसों ही दोबारा बात हुई है एक सेकंड ना ये देख चलो मैं ना वो दिखाता हूं कैरी ने मेरे को जब उसने अपलोड किया तो उसने लिखा हेलो सर आपकी छोटी सी पैरोडी बनाई है, होप मैं आपके कैरेक्टर के क्लोज आ पाया हूँ एंड आप नेगेटिव ना लो। रियली एंजॉयड प्लेइंग योर कैरेक्टर एंड बहुत कुछ सीखने को मिला है। उसने मेरे को वीडियो का लिंक भेजा, मैं उस टाइम फ्लाइट में था, मैंने उसको रिप्लाई क्या किया ये मैं सुना देता हूँ। हेलो भाई क्या हाल है, जस्ट अभी देखी मैंने वीडियो, मैं फ्लाइट में था, न्यूयॉर्क से आ रहा था, अभी जस्ट दुबई में फ्लाइट चेंज कर रहा था, मैंने अभी देखी जो है हजरा वो बैठा बैठा सब देख रहे हैं कि हंस क्यों रहा है अकेला हेडफोन पहन के। सॉलिड बनाया भाई, बहुत मेहनत लगी होगी, मतलब अटेंशन। कैरी बोल रहा है, कैरी बोल रहा है अरे सर थैंक यू सो मच, मीन्स अ लॉट। हम मस्ती ले रहे हैं। बीच में जब अभी आईफोन 15 लॉन्च हुआ तो हमने दोबारा एक चीज़ प्लान करी साथ में, बट वो उस टाइम पे मैं ट्रैवल कर रहा था एंड ऑल, तो हम शूट नहीं कर पाए। द थिंग इज देखो दो बातें, इफ समवन इज रियली अटैकिंग यू फॉर नो रीजन अदर देन जस्ट टू ब्रिंग यू डाउन, इट्स अ डिफरेंट साइड ऑल टुगेदर। कैरी के केस में यार हम एक कम्युनिटी के लोग हैं, मस्ती कर रहे हैं आपस में, बोलता हूँ अरे यार ये देखिए कैसा है, ये कैसा है, ये कैसा, मैं कैसा हूँ, इट्स फन। तो उसने जो वो बनाई पैरोडी, मतलब मैं देख रहा हूँ अटेंशन टू डिटेल सभी कैरेक्टर्स में, और मेरा कैरेक्टर लोगों ने सबने पसंद किया है। I am enjoying it. But yeah. Any thoughts, Shlok, on roasting? मेरे को भी आए और तो align with same चीज़ कि there's like दो तरीके के criticism होता है। एक होता है कि जहाँ पे उसको कोई मतलब नहीं हो, बस नीचे लाना चाह रहा है, और कभी बार एक तरह होता है जहाँ पे या तो लोग मजाक बना रहे हैं या फिर एक genuine कभी हमने कुछ गलत कर दिया तो एक कंज्यूमर हो सकता है, व्यूअर, उसको गुस्सा आ जाए, वो गुस्से में गाली भी दे, कुछ भी करे, बट वो समझना हमारा काम है कि क्या वो जबरदस्ती बेइज्जती मारने की कोशिश कर रहा है या फिर वो एक एक्चुअल उसको दिक्कत हुई है और वो हमारे ऊपर कमेंट कर रहा है। तो आई थिंक जैसे कैरी वाले केस में भी कैरी तो यार मतलब कैरी के साथ भी अच्छी बात क्या है ना, मेरे को बाकियों का तो नहीं पता, मेरा तो उसके साथ में मतलब मैं उसको अगर अभी फ़ोन लगाऊंगा तो बोलेगा हेलो भैया कैसे हो, वो उसकी वो इमेज है कैमरा पर जो दिखता है, और बिहाइंड कैमरा कैरी में जितने बार मिलते हैं वो एक बहुत ही मतलब अलग चीज़ है। तो हमारी तो इतनी आपस में, मैंने अभी कल परसों एक रील पोस्ट करी इंस्टा पे, वो किया विशाल द गाय हु रोट कैरी स्केच, तो कैरी ने उसको, दीपक ने आई थिंक मेरे को कल ही मेरी बात हुई, उसने बताया कि उसने ग्रुप में उसको फॉरवर्ड किया और विशाल को बोलता है कि सर आपको राइटिंग की फीस गौरव भाई से भी देनी चाहिए, ये भी आपके डायलॉग यूज कर रहे हैं। बस मस्ती चल रही है उससे, कुछ भी बोल रही है। नाउ इवन विद आईबीटीआर अभी तक, इसके पहले तक लोगों के दिमाग में एक ये जो कम्युनिटी है उनको लेके इतने सारे प्री कंसीव्ड नोशंस रहेंगे। Immediately after looking at this, it is going to change. क्योंकि कैमरा के पीछे बहुत सारी चीजें अलग होती है, कैमरा के सामने अलग होती है, बहुत सारी चीजें कही जाती है इवन बिटवीन टेक यूट्यूबर्स, बट एक्चुअल में दे माइट बी वेरी वेरी गुड फ्रेंड्स एंड इट माइट बी प्लान्ड और इट माइट बी बोला है कि मैं ये बात करने वाला हूँ बिफोर गोइंग हैंड बोलते हैं एंड करते हैं। सो दैट इज एक छोटी सी बात बोलूं, बहुत छोटी सी बात है, मतलब मैं वैसे बताता हूँ, अगर आप सब भी शायद से अलाइन करो, मैं जो सोचता हूँ वो बता रहा हूँ कि ये जो YouTube है ना ये थोड़ा नई चीज़ है, बहुत नई चीज़ है, और अगर आप देखोगे बहुत ध्यान से अपने डीप इनसाइड तो बहुत लोनली जर्नी है। मतलब अगर मैं अपने दोस्त के पास जाता हूँ, उससे बोलता हूँ यार आज मेरे इतने व्यूज नहीं आए, ये टॉपिक बनाया था, AI पे बात करी थी, लोगों ने पसंद नहीं किया, कोई समझेगा थोड़ी। मैंने अगर आपसे बात कर ली, श्लोक से बात कर ली, गौरव भाई से बात कर ली, किसी से, तो आप इमीडिएटली समझ जाओगे भाई तेरी ये कमी थी। वो थोड़ी क्लोजनेस, अगर जैसे कि सेम काम अगर हम लोग करते हैं तो वो जब अगर बातें होती है तो थोड़ा रिलैक्स फील कराता है, थोड़ा सा लोनली फील नहीं कराता। तो मुझे लगता है कि यार इनफैक्ट सिर्फ कोलैबोरेशन कैमरे पे नहीं, हम लोगों को आपस में भी बातें करनी चाहिए, क्योंकि आपको नहीं पता, अभी हमें आइडिया ही नहीं है कि YouTube के क्या साइड इफेक्ट्स है, अभी तो इतना नया है। तो मेरे को ऐसा लगता है कि एक लोनली जर्नी है अभी भी टेक यूट्यूबर्स की, मुझे ऐसा लगता है। टेक नहीं बदल, कोई भी क्रिएटर होगा, कोई भी क्रिएटर, एक्चुअली साइड इफेक्ट्स है ना, आई मीन वी सॉ व्हाट लिली सिंह वाज आल्सो गोइंग थ्रू एंड एवरीथिंग, सो दैट्स देयर। यू गाइस आल्सो वेंट थ्रू सम सॉर्ट ऑफ कंट्रोवर्सीज, राइट? ओह या या, होपिंग फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन। नहीं मुझे नहीं पता क्या, इट्स ओके, मेरे को भी नहीं पता। नहीं है ना बहुत, या सीबोरी टेक वाली, ओ सॉरी बोलता नहीं, मेरे को वो भी नहीं पता फॉर दैट मैटर। नो नो या द थिंग इज लाइक यू मेंशन्ड कि दो टाइप के ट्रोल्स होते हैं, वन इज ऑब्वियसली इन अ फन वे दैट कैरी मिनाटी हैज डन, जो उसका काम है, हाँ राइट, वो करता है यार, और दूसरा टू ब्रिंग समवन डाउन। सो व्हाट हैपेंड विद अस इज दैट ईच वन ऑफ अस वर वर्किंग विद अ सर्टेन ब्रांड and we were working with them for such a long time, it was quite clear entire tech community was working with them, but one tech content creator did not get to work with that brand and that pissed that person off. तो उसकी वजह से he wanted to retaliate in some way or the other. Like, yeah, we just caught in the crossfire, yeah. And it happened that a lot of negativity that came from that video completely shattered us. I'm not lying. Like we were completely devastated. We were thinking कि यार मतलब ऐसा हमने क्या गलत कर दिया? Because that was what was happening the entire time, and so it happened. And then we thought कि अभी what should we do? And we did make a video, but later we realized that we shouldn't have. You shouldn't have. I also, I generally don't see video. उस time मैंने देखा हुआ था वो, and I don't. And the best part to let go this is that you should, like I was talking with Sanchit off camera थोड़े time पहले, that if everyone is working on their own and minding their own business, so the other person should not get in the way to bring someone else down, because at the end of the day we all have a different style of working. I might not agree with anyone else's style, but that is their style. I don't get in their way. Similarly, I do not want someone else to get in our way. So that has happened with us at that time. So वो 3, 4, 5 महीने जैसे भी थे, मतलब it was, मतलब that was one of the worst periods of our YouTube journey. And like Sanchit just mentioned, YouTube बहुत ही lonely है. And I couldn't share that problem or discuss it with anyone. कोई समझेगा ही नहीं. और obviously I can't be able to, I won't be able to discuss it with fellow YouTubers as well, because हम लोग उतना regularly interact नहीं करते. तो वो एक चीज़ था जो मतलब it was a lesson learned that whenever something like that happens, don't take any action, just go on and mind your own business, because वही काम आएगा, and that worked for us. But I think one of the most important things, if you notice, जितने लोगों ने अभी तक बात की है, everybody is at the end of it said there was a lesson. I think trolls, negativity, absolutely agree. 2 type की negativity होती है, लेकिन I think the comment section is your greatest learning tool. Enemy also. कोई और नहीं आएगा आपको guide करने के लिए better, because as you said, कभी गलती हो जाए and the people flame you for it, you learn from it and become better. He is 6 months down the line, he is much better. Where they have gone after the lesson they have learned. वो जो एक आपका 6 months of loneliness था, they may, it may be your worst period, but see where you are today. Most of it will come from that 6 month journey. कितनी learning थी, कितना lesson था. You never fail. You either learn or you win. So I think this is a very important thing. It's not that never fail. A lot of times there are instances where things like this have happened. The channel has gone down, views have gone down, and they keep going down, and it never comes up. ऐसे हुआ है. The thing is, I'll tell you honestly, ignore कर दो. That is the best. Yes, yes. If someone's trying to pull you down, it simply means you stand above them. Yeah, yeah. That is, you're important enough for them to want to pull you to. बाहर में जाए, simple सी बात है. My point was, एक बार वो जाने के बाद नीचे, how do you come up? तो especially for an established YouTube player. मैं बता दूँ. एक बात सुनना. देवेंद्र, ये चीज हुई. Correct. वो phase निकला. Correct. Let's say कल ये चीज दोबारा हो जाती है. Now you are in a better position to deal. Much better, yes. ठीक है? Yes. तो एक बार का experience था, but now it's a learning for a lifetime. Correct. Exactly. तो I think जो अगर सुन रहा है कोई इसको अभी, जिसने हो सकता है आज तक ये face नहीं किया है, तो उसको already पता है कि क्या करना है, क्योंकि हमारे experiences हैं. तो I think ignore करो, side निकालो, आगे बढ़ो. That's the best way out. And that's the learning जो इधर से आ रही है. जैसे अभी आपने बोला कि जब इतना face down जाता है, तो उससे बाहर कैसे निकलना है, तो एक सिंपल सा फंडा है जो हम अपने 10-12 साल की जर्नी में अप्लाई करा है हमने, एंड दैट इज ऑलवेज गो बैक टू द बेसिक्स. एब्सोल्युटली, वी जस्ट गो बैक टू द बेसिक्स. बस इफ यू गो बैक टू व्हाट यू वर डूइंग, एंड जिस चीज के लिए आपको लोगों ने, दे हैव गिवन यू द लव, यू गो बैक टू दैट अगेन, डू इट बेटर विद द लर्निंग. आई थिंक अरुण, यू कम बैक. बट आई विल टेल यू अगेन, ये जो बेसिक्स है ना, ये बेसिक्स भी because of algorithm change होते रहते हैं, and I don't know how many will understand this, but YouTube पे जो 5-6 साल चल रहा था basics कि ये आपने करना चाहिए, वो अगर अभी आप apply करते हो videos को, your videos will not. But वो change, because वो basics अब हो गए अलग बिकॉज एवरीवन एल्स इज प्रोबेबली गॉन अप. वो बेसिक्स अभी बेसिक्स रहे नहीं, बेसिक्स हैव गॉन टू अ डिफरेंट लेवल. सो व्हाट अकॉर्डिंग टू मी you have to keep evolving and understanding. But that's the basics. That is true. Keep evolving and understanding is the basics. I'm not saying कि जो basics जैसे आप कर रहे थे वैसे ही करते रहो. No, हाँ, exactly. पहले हम text करते थे, फिर हम videos पे आए. उस time जब हम videos पे आए, कुछ content creation, influencer कुछ भी नहीं था. We just did it because हमें लगा कि कुछ gap है जो हम fill कर सकते हैं. We tried, we wanted to do different kind of videos and that worked for us. So our basics was to ऑलवेज इवॉल्व लाइक ही सेड कि इवॉल्व तो करना ही पड़ेगा. आप शॉर्ट वीडियोस अगर आ रहे हैं, अगर आप शॉर्ट वीडियोस नहीं बनाओगे दैट मीन्स यू आर हार्मिंग योर सेल्फ. उससे किसी का कुछ फ़ायदा नहीं होने वाला कि आप उसी पे कहोगे नहीं मैं तो लॉन्ग वीडियोस ही बनाऊंगा क्योंकि मेरे को तो लॉन्ग वीडियोस ही बनाने आते हैं. शॉर्ट वीडियोस इज नॉट माय थिंग. दैट इज नॉट पिवटिंग इज पार्ट ऑफ. सो बेसिक्स इज दैट यू शुड ऑलवेज बी विद द ट्रेंड. कई बार अगर अहेड ऑफ द ट्रेंड हो तो सबसे अच्छी बात है. बी द डिसरप्टर और यू विल बी डिसरप्टेड इज अ बेसिक. एंड आई थिंक श्लोक, व्हाट श्लोक हैज डन विद ओवरलेस, आई थिंक ही इज with the curve, ahead of the curve, I must say. जो next category after content है that is definitely product and he has built a really nice product. Yeah. और not one, multiple products. तो वो एक ये जैकेट किसकी है यार? ये बड़ी अच्छी जैकेट है. बड़ी अच्छी जैकेट है. आपको शिप करिए. ये मोनेटाइजेशन में कॉमर्स मतलब ई-कॉमर्स also going to be huge, right? I mean, I was coming to this like how do you see it as a business? We I think it's a great topic. Even I want to get into this. मैं अपना वैसे इस पहले पुराने वाले टॉपिक में अपना ओपिनियन देता हूँ क्योंकि आई फील कि समटाइम्स इग्नोरिंग इज़ नॉट एनफ. क्योंकि मेरे को ऐसा लगता है कि मार्केट में ना जो चीज़ ज़्यादा बोली जाती है वो सच बन जाती है. तो अगर एक बंदा कुछ बोल रहा है एंड वो 10 बंदों को इंस्पायर कर देता है वो सेम चीज़ बोलने के लिए तो चीज़ सच बन जाती है अगर सामने वाला बंदा रिप्लाई ना करे. मेरे ख्याल से ऑफ कैमरा है यही वाली बात मैं भी आपको बोलना चाहता. जब बाकी लोग बोल रहे थे इग्नोर का, आई कंप्लीटली एग्री विद. मेरे हिसाब से ठीक है अगर मतलब इट डज नॉट मेक सेंस और कोई उसको वो नहीं दे रहा है, तवज्जो नहीं दे रहा है तो इट इज ओके. बट अगर इफ इट आई सी इट बिकमिंग अ थिंग एंड मेरे को लगता है कि नहीं ये गलत है तो मैं तो फाइट करने के लिए रेडी. मैं अपना स्टैंड लेने के लिए आप गली में चल रहे हो और कुत्ते आपको अटैक कर रहे हैं. एक तरीका ये है कि आप रुक के हर एक पे पत्थर फेंकोगे, पत्थर खत्म हो जाएंगे थोड़ी देर बाद हो सकता है और कुत्ते बढ़ते जा रहे हैं. सेकंड ऑप्शन इज आप उनको बिस्किट फेंको तो कुत्ते आपके पीछे पूछ लाते हुएंगे. तो माय थिंग इज कि अगर आप इग्नोर ना करो और अगर आप जवाब दे रहे हो तो भाई दैट्स व्हाट दे वांट मोर अटेंशन. दैट्स व्हाट दे वांट. फिर वो साइकिल बन जाएगा. फिर आपने दिया उसने नहीं. इट इज लाइक एक है कि कुत्तों को जवाब देना, एक है कि जो एक्चुअल रियलिटी है वो लोगों को दिखाना. भाई बट वो कब तक करोगे वो तो बताओ. बट मेरे ख्याल से मतलब एट द एंड तो इग्नोर करना ही पड़ेगा. नो इवन आई एग्री एट द एंड तो इग्नोर करना पड़ेगा. नो आई मायसेल्फ रोस्ट कंपनी सो आई इज डूइंग इन हार्ट. आई डू स्किट्स बेस्ड ऑन यू नो व्हाट आर द थिंग्स वे ऑफ थिंग्स आर कंट्रोवर्सी. टोटली पता है ये बहुत डिफिकल्ट होता है समझना कि ट्रोल ने सच बोला है मेरे बारे में गलत या फिर वो फालतू बोल रहा है. अगर आप रियलाइज कर गए अपनी मिस्टेक तो शायद वो आपकी सबसे ग्रेटेस्ट लर्निंग होगी. आप कर भी बदल. बट आई एग्री विद गौरव कि लाइक भाई एट द एंड तो इग्नोर करना ही पड़ेगा ना. हां मतलब otherwise it is going to affect you. Let's go back to the question that we are all waiting for. Yeah. What you're doing? I think any kaisi hai? E-commerce, if it's the big one, do you believe ke does it take you away from your core? सबसे बड़ा question ये है कि जो जिस चीज ने आपको बनाया है क्या उसमें अब आप उतना ही passion और time डाल पा रहे हो? Content creator. मेरे ख्याल से तो 100% it is the future. 100% एक product को अगर आप डिस्ट्रीब्यूशन जो हम मतलब हम एसेंशियली वीडियोस बना रहे हैं हम सब लोग, अगर आप एक अच्छा प्रोडक्ट एक ऐसी चीज़ आप ले आओ जो आपकी ऑडियंस इसमें इंटरेस्टेड है इट इज़ अ $1 बिलियन बिजनेस. मैं उसको बिल्कुल कम नहीं कर रहा. अगर ऑडियंस फिट सही है जैसे आई हैव टॉक टू फिजिक्स वाला, ही हैज़ बिल्ट अ $1 बिलियन बिजनेस. अन अकाडमी के फाउंडर्स भी स्टार्ट उन्होंने यूट्यूब से ही करा था. काफ़ी सारे इंडिया में लोग हैं जिन्होंने बिजनेस बनाया यूट्यूब को लेकर. बस मेरे ख्याल से दिक्कत हो जाती है यूजुअली जब लोग स्टार्ट करते हैं वो प्रोडक्ट को फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं. उनको लगता है कि मतलब ठीक है प्रोडक्ट हम कुछ भी बना दें ऑडियंस खरीद लेगी. मेरे ख्याल से उस प्रोडक्ट को बिल्ड करने में जैसे फिजिक्स वाला या मैं अपना रेफरेंस लूँ हमको 3 साल लगे एक स्किन बनाने में 3 साल ही लगे हमको कपड़े, मेरे को पूरी इंडस्ट्री में पूरा सीखने में। और मैं अगर मैं लेयर्स को हटा भी दूं टेक बर्नर से, कि टेक बर्नर का डिस्ट्रीब्यूशन भी नहीं है, बट लेयर्स इन इट्सेल्फ मार्केट में और कोई उस प्रोडक्ट को बीट नहीं कर पा रहा। मैं बोल रहा हूँ ग्लोबली उसके जैसा प्रोडक्ट कोई नहीं बना पा रहा। सेम चीज़ जो क्लोथिंग में भी हम बना रहे हैं, H&M, ज़ारा, जितने इंटरनेशनल ब्रांड हैं, जिस प्राइस पॉइंट में हम जैकेट्स बना रहे हैं वो नहीं बना पा रहे। तो मेरे ख्याल से अगर प्रोडक्ट अच्छा है ना तो आसान हो जाता है वो चीज़ लेवरेज। लेकिन जो आपने इतनी रेपुटेशन बनाई है, व्हाट यू डू टुडे, जिस तरीके से यू हैव गॉट लव फ्रॉम पीपल, क्रेडिबिलिटी फ्रॉम पीपल, जब आप एक प्रोडक्ट बनाते हो और जैसे आपका जैकेट बाहर जाता है, हैव यू नॉट गॉट क्रिटिसिज्म कि ये कमर्शियल हो गया? 1 नंबर 2, नाउ आप अपने आप को थोड़ा वनरेबल नहीं कर रहे हो कि पीपल विल स्टार्ट सेइंग यार मैंने जैकेट खरीदा, ये तो बड़ा ही फालतू निकला, मेरा बटन निकल गया। डू यू, आई एम नॉट सेइंग दिस इज द ट्रूथ, आई एम सेइंग आई कीप गेटिंग आस्क्ड दिस क्वेश्चन। ये वनरेबिलिटी है आपके माइंड में, एट द बैक ऑफ योर हेड? 100%। वो तो मतलब ऐसा है कि जब इतनी पब्लिकली चीज़ें चल रही हैं और नेगेटिविटी फैलती ज़्यादा तेज़ी से, अब कुछ भी हल्का सा डिलीवरी हल्की सी लेट होगी, एक बंदे की अगर हुई तो शोर ज़्यादा मचाएगा, जिस जो हज़ारों खुश कस्टमर्स हैं, लाखों खुश कस्टमर्स हैं, वो बस फोटो डाल के खुश रहते हैं स्टोरी वोरी, बट नेगेटिविटी फैलती है। बट हमारे केस में क्योंकि ऑडियंस ने इतना ट्रस्ट दिखाया, ऐसा हुआ नहीं है, बहुत ज़्यादा पॉजिटिव रिस्पॉन्स रहा है। एंड मैं तो पर्सनली बहुत खुश हूँ एंड मैं बहुत ग्रेटफुल फील करता हूँ कि हमारी कम्युनिटी इतना ज़्यादा प्यार दिखाती है। बट मेरे ख्याल से इट इज़ ऑलरेडी आपका इंटेंशन क्या है, अगर आपका जेन्युइन वैल्यू प्रोवाइड करने का इंटेंशन है तो सामने वाला कस्टमर फील कर पाता है वो, तो उसमें दिक्कत नहीं आती। हाउ टू चेंज योर ऑडियंस इनटू अ कम्युनिटी, ये बहुत इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि एक ऑडियंस होता है जो आपके वीडियो देखता है और एक ऑडियंस होता है जो आपके कपड़े खरीदेगा, राइट? सो हाउ डू यू चेंज दैट इनटू, और इन यू नो हाउ डू यू बिल्ड अ कम्युनिटी इन जनरल, इवन बीबॉम हैज डन दैट, हाउ डू यू बिल्ड अ कम्युनिटी? मेरे ख्याल से कोई ऐसा कोई रॉकेट साइंस तो है नहीं, मेरे ख्याल से बहुत सिंपल है। प्रोडक्ट अच्छा है, अगर आप अच्छे दिखा रहे हो सही बिकेगा। बट मेरे को एक्चुअली ना, मैं इसको ऑपोजिट बोलूँगा कि अब मेरे को ऐसा लग रहा था जब मैंने इस ब्रांड स्टार्ट नहीं करा था कि अगर मैं प्रमोशन करूँगा तो यार मैं टेक बर्नर की ऑडियंस को मैं बेच रहा हूँ, उनको अजीब सा लगेगा, यही मेरा क्वेश्चन। बट उल्टा हुआ, मैंने जब हमने अपना प्रोडक्ट बिल्ड करा, हमने पूरी स्टोरी शेयर करी, लोग और ज़्यादा कनेक्ट हो गए हमसे कि भाई ये बंदा कुछ कर रहा है, कुछ ट्राई कर रहा है। एंड जितना हम और शेयर करते हैं कि हम ऐसे कर रहे हैं, हम ऐसे कर रहे हैं, हम ये सारी चीज़ें कर रहे हैं, ये प्लान कर रहे हैं, लोग और ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं। एंड मैंने एक्सपेक्ट नहीं करा था, मुझे लगा था उल्टा होगा कि बेचेंगे तो लोग दूर जाएंगे, कमर्शियल हो गया। बट जब हमने दिखाना शुरू करा तो लोग पास आने शुरू, और लोग आ गए। एंड ये हर बार होता है हमारी, मतलब जब भी हम अपनी स्टोरी शेयर करते हैं, लेयर्स की भी ओवरलेस की, लोग और ज़्यादा आके कनेक्ट होते हैं। मे बी इंस्पिरेशन है वो, मे बी उनको दिखता है कि हम मेहनत कर रहे हैं, हम बस ऐसे ही पैसे कमाने के लिए नहीं कुछ भी बेच रहे, बट मेरे को पता नहीं हो क्या है। बट मैं कोशिश करता हूँ कि अपने जो हम प्रोडक्ट्स बना रहे हैं वो तगड़े। और जो टाइम मैनेजमेंट है आपका, आर यू स्टिल बीइंग एबल टू पुट इन द सेम अमाउंट ऑफ टाइम जो आप पहले करते थे इन कंटेंट क्रिएशन फॉर टेक बर्नर? ये तो पॉसिबल नहीं, बट नो बात नहीं, ये तो फॉर अ लॉट ऑफ पीपल में दैट्स पॉसिबल। मेरे ख्याल से सबके लिए, मतलब हम सभी इतना मेहनत करते हैं, सब आप भी इतने सारे बिजनेस चला रहे हो, हम सब अलग अलग चीजें कर रहे हैं एंड सबका टाइम तो कम रहता ही है। बट पहले इतना टाइम तो नहीं दे पाता, पहले तो मैं बेला था। उसका डिफरेंस हो गया ना भाई, पहले जो ऑप्टिमाइजेशन था वो इतना अच्छा नहीं था। नाउ थिंग्स आर ऑप्टिमाइज्ड मेरे ख्याल से विद टाइम। वी ऑल हैव इवॉल्व्ड एज क्रिएटर्स कि जो काम पहले हम 8 घंटे में करते थे, अब वो काम हम 1 घंटे में कर सकते हैं। तो आज हमारे पास में अगर 1 ही घंटा है, इट्स इनफ फॉर पहले के 8 घंटे कंपैरिजन में। तो आई थिंक वो हो गया ना ओवर टाइम। यहाँ पे टीम बिल्डिंग की भी बात आएगी ना, यू हैव टू बिल्ड टीम्स आल्सो, वो सबसे क्रूशियल पार्ट है। मतलब वो उनका रोल ही ये हो गया अब to build the best team। वो loneliness भी थोड़ी कम करता है। Team building ना काफी loneliness कम करता है, जो मैंने feel किया। मैं तो वैसे lonely कुछ नहीं feel करता। मैं तो क्योंकि it is a entrepreneur की journey लगी ना कि I might be alone but I am not lonely। मेरे को तो मजा आता है, मैं अकेला हूँ बट मुझे अकेलेपन की दिक्कत नहीं है। अच्छा, मुझे ऐसा लगता है कम्युनिटी बिल्डिंग अगर हो जाती है, कम्युनिटी बिल्ड हो जाती है, तो वो ना एक छोटे से टाइम के लिए होती है, लगा लो 5 साल 6 साल। मेरे को तो कम्युनिटी डर लगता है कि भाई मेरी तो एक सेट ऑफ ऑडियंस है, मैं थोड़ा सा मैंने नई थ्योरी बनाई है, हो सकता है मैं गलत हूँ, मुझे बताना, मैं सीखने बैठा हूँ। मुझे ऐसा लगता है जिसने कम्युनिटी बनाई है एक टाइम बाद हुआ है वो फेड हो गया। एक लेगेसी जो होती है ना वो क्या करती है, वो क्वाइटली वर्क करती है। मतलब मैं काम कर रहा हूँ, सेम काम कर रहा हूँ, इम्प्रूव करता जा रहा हूँ, बहुत साल हो गए, आओ देखो जाओ। भाई मेरे को ये एग्जांपल कंटेंट क्रिएटर्स के लिए, हमारी ऑडियंस हर साल लोग उसमें से हटते हैं, जो हमको कल तक देख रहे थे उसकी लग गई नौकरी, वो नहीं देख रहा अब तुमको, वो कॉलेज में था तुमको देख रहा था, और जो नया बंदा सबसे नया नया फोन आया वो तुमको देखना स्टार्ट कर देगा। तो दैट क्रॉप विल ऑलवेज, कोई भी ऐसा नहीं होगा जो 10 साल हो गए हैं और वो 10 साल से day 1 से और आज तक देखते जा रहे हैं ना। और अगर ऐसा है तो उसका इंटरेस्ट हो सकता है पहले बहुत ज़्यादा था, अब वो कभी कभार देख लेता है। What is the क्रॉप हमेशा निकलेगी और नई क्रॉप आएगी। लेकिन आपने जो बोला उसमें क्या फ़र्क है? When you build a community, वो तो एक टर्म है, और एक लेगेसी, it eventually comes to the legacy is about community. तो फर्क क्या दोनों? I wish मैं थोड़ा name drop कर पाता, but वो मैं करूँगा नहीं for obvious reason. But मैंने देखा है जिनकी भी cult following हुई है ना, एक टाइम बाद, just ऐसे general statement दे रहा हूँ, मैं किसी का नाम दे रहा हूँ, vloggers की बात करते हैं, community थी यार उनकी। मतलब ये बोलूँगा मैं उनका, अगर उन्होंने बोला आज 12 बजे मैं यहाँ पर आ रहा हूँ इंडिया गेट, सारे आते हैं, बट ओवर टाइम वो कल्ट फॉलोइंग ऐसे जाती है। बट अगर कोई एक ऐसा व्लॉगर है जो चुपचाप अपना काम करे जा रहा है और ऐसे मतलब थोड़ा वो कम्युनिटी नहीं कर रहा है, एक नाम नहीं दे रहा, तो मैंने जस्ट नोटिस करा है उसका लाइफ स्पैन बढ़ जाता है क्रिएटर का। हो सकता है मैं गलत हूँ, हो सकता है मैं गलत हूँ, बट मुझे ऐसा लगता है कि किस तरीके से अपने फॉलोअर्स को बैंड कर रहा है, हाँ, कि ज्यादा कम्युनिटी करो, कल्ट फॉलोइंग हो जाती है, इसका काम स्ट्रांग। बट यू आर राइट अबाउट वन थिंग, आज तक हिस्ट्री में आप From the time humanity has come, ये बात बिल्कुल सही है। Cult following, it's called a cult because it is for a period of time. There is no such thing as cult following forever. ये तो खैर बिल्कुल मेरे हिसाब से दो चीजें हैं। मैं सबकी बातें सुन रहा था, तो दो तरीके के लोग होते हैं। एक तरीके के लोग हैं जो आपको जानते हैं, एंड एक तरीके के लोग हैं जो आपके जैसा बनना चाहते हैं। तो जो आप जैसे, जब कोई बंदा छोटा है या बच्चा है तो हो सकता है वो आपके जैसा बनना चाहता हो, जब बड़ा हो जाए तब उसको रियलाइज हो, नहीं यार मैं इसके ऐसा नहीं बनना चाहता, मैं शाहरुख खान जैसा बनना चाहता, या फिर मैं किसी और के जैसा बनना चाहता। तो जो लोग आपके जैसा बनना चाहते हैं या जो आप चीज़ें कर रहे हो वैसा कुछ करना चाहते हैं, वो आपका एक एक्चुअल फॉलोअर बेस है, एक कम्युनिटी या कल्ट है, जो भी बोलो। और जो लोग आपको जानते हैं, वो ठीक है आपको जानते हैं, बट वो हो सकता है आपकी कभी कभार वीडियो देख लें। तो मैं इन दो में से डिवाइड करके मैं पर्सनली देखता हूँ। अगर आप कुछ अलग कर रहे हो, कुछ तगड़ा कर रहे हो, तो मेरे ख्याल से लोग आपके जैसा बनने की कोशिश करते हैं। मुझे एक सवाल है इधर, ये कम्युनिटी जो है, इज इट सेम फॉर यूट्यूब ऑल्सो, फॉर सोशल मीडिया के लिए भी यही है? मतलब इंस्टाग्राम, फेसबुक वगैरह सब अलग है, सब अलग है। In fact, I also want to ask, because we have Rajiv ji here, you know, as a medium, you have been on every platform, including TV, YouTube, social media. Social media, you're doing very, very well. How is it different working with community? Matlab, how do you build a community on each platform? Is it different or is it the same? No, actually, बहुत फर्क है। First example, वही आदमी जो आपको YouTube पे फॉलो करता है और जो Instagram पे फॉलो करता है, वो कम्प्लीटली डिफरेंट साइकोलॉजी के साथ आता है जब वो Instagram खोलता है और जब वो आपको YouTube पे देखना आता है। इट कुड बी द सेम पर्सन, बट ही कम्स विद अ वेरी डिफरेंट साइकोलॉजी ऑफ व्हाट ही, वो क्या कंज्यूम करना चाहता है, वो आपसे क्या चाहता है ऑन अ डिफरेंट प्लेटफॉर्म। वो जब टीवी खोलता है किस माइंडसेट से उसने खोला, जब वो रेडियो लगाता है एंड ही इज़ गोइंग होम फ्रॉम ऑफिस टू यू नो समवेयर एल्स, ये community expectation from the same person, he can have 4 different expectations from you. Number 1, I think hum log sabko, this is a very important realization for all of us, but more important for all those people who will now come up. कि आप ये मत सोचो कि आपके YouTube की following बहुत अच्छी बन गई है तो आप Instagram पे जाओगे, even if you have pivoted very well. But the person is not expecting you to do the same thing. You know, you open Instagram, you want immediately, You may have only one and a half minutes. You want either just entertainment, you want your mind to be, you didn't search for it. It was delivered to you. इसमें मैं भी एक secret add करता हूँ कि मैं ना जैसे जाता हूँ, मैं एक दिन मैं बैंक में गया था, मेरे को काम था, तो मेरे को वहाँ पे एक लड़की मिली, उसने मेरे साथ सेल्फी वेल्फी ली, ये सारी चीज़ें ली, एंड उसको पता ही नहीं था कि टेक बर्नर क्या है, उसको पता ही नहीं था मैं लंबी वीडियो बनाता हूँ। उसने मेरी वीडियो फेसबुक पे देख रखी थी बस, एंड फेसबुक पे उसने 3-3 मिनट वाली जो हम कट करके डालते हैं उसने वो वाली वीडियो देख रखी थी बस। और मैंने जाके फिर चेक करा कि हमारी फेसबुक की जो ऑडियंस है, जो यूट्यूब शॉर्ट्स की ऑडियंस है, जो यूट्यूब की ऑडियंस है, इंस्टाग्राम की ऑडियंस है, सब 60% अलग है। 60% ऑडियंस हर जगह अलग है। एंड काफ़ी लोगों को पता ही नहीं है कि हम लंबी वीडियो बनाते हैं, काफ़ी लोगों को पता ही नहीं हम टेक रिव्यू करते हैं, काफ़ी लोगों को लगता है कि हम मैं बस फोटो डालता हूँ। इट्स लाइक इट इज एक्ट लाइक दैट यू हैव टू हैव अ लॉन्ग टर्म लाइक लॉन्ग फॉर्मेट वीडियो सेपरेट इवन फॉर शॉर्ट्स एंड फॉर रील। यू कैन जस्ट पुट व्हाटएवर यू मेड फॉर द रील, यू हैव टू पुट इन अ शॉर्ट। कांट टेक दैट डजंट वर्क लाइक दैट। एक प्लेटफॉर्म की कम्युनिटी या फॉलोइंग को अगर आप टेक फॉर ग्रांटेड करोगे, यू विल नॉट बी एबल टू बिल्ड एनीथिंग एवर अगेन। तो एक तो अरुण आंसर टू योर दिस थिंग इज दैट कम्युनिटी बिल्डिंग इज पर प्लेटफॉर्म, इट इज़ नॉट आई मैं अपना टीवी ऑडियंस को ले लूँ, अपना उसको ले लूँ कि वो आएगा ही आएगा। हाँ, यू विल गेट सम इनिशियल मोमेंटम बिकॉज पीपल आर यार इसको तो टीवी पे देखा, बट द रेस्ट ऑफ इट हैज़ टू बी ऑर्गेनिकली बिल्ट एंड इट इज़ फॉर दैट प्लेटफॉर्म ओनली, राइट। एज अ एंटायर मेरे प्लेटफॉर्म इतने सारे हैं और मेरी ये कम्युनिटी है, वो वर्ड ही यूज़ नहीं करता मैं। I don't know which platform, Gaurav, you can. Which platform do you think is more relevant, or probably the platform of the future? Next, yeah. What is the next big thing? What's the next big thing? Let's hear from everybody. Let's hear everybody. For everybody. What's the next big thing? Reels is going to be the big thing for me. And वो तो 3 साल से है. What's the next big thing? It will continue. It will continue for sure. Okay. Because they are already working on AIs and a lot of stuff. So it will continue. Okay. I think Instagram Reel is doing pretty well right now, but I don't see it as a long-term thing. I think people will get bored eventually, but वो कब होगा we don't know. Let's hope कि ना ही हो। इतना काम कर रहे हैं हम लोग। Exactly. But हाँ next मैं answer। Oh sorry oh। अभी मेरे को लगता है जो next जो बड़ा चीज आएगा वो metaverse ही आएगा, and that is what I believe कि उसमें कुछ ना कुछ बड़ा होगा, but it will take time. ऐसा नहीं कि कल आ जाएगा, अगले साल आ जाएगा। YouTube Shorts will coexist, but yeah, one thing that I see as a platform is that shoppable experience जो है, social commerce वो बढ़ जाएगा with the help of Shorts, with the help of Reels, and I am seeing कि अभी जैसे description में links आते हैं, तो TikTok has been testing this in other countries कि जैसे ही video के ऊपर मान लो ये मैंने T-shirt पहना है या कोट पहना है ओवरलेस का, तो उसी पे अगर मैं टैप करूंगा तो फ्रॉम देयर ओनली आई कैन बाय एनीथिंग। यू नो यू ऑलरेडी आंसर्ड द नेक्स्ट बिग थिंग ऑलरेडी। सो दे कैन बाय लाइक सो दैट विदाउट इट लुकिंग लाइक इट इज कमर्शियल ई-कॉमर्स। यस, ग्रेट कंटेंट विदाउट मेकिंग यू से buy this, yes, do this. It will happen organically. Kuch aapko pasand aaya, aapne nahi touch kiya. I complete. But that is where the future really lies. But I'd love to hear from MetaQuest. I don't think it's going to take even in 3 to 4 years. 3 to 4. If how many of us has used MetaQuest 3? If you use it, you immediately come to know. You know that is what is going to really appeal to the audiences in coming 2-3 years. अभी थोड़ा सा ना messy है. So not lot of people की इतना सब तामझाम कौन करे? नहीं, वो भी 15 मिनट के बाद the wow factor potential तो जबरदस्त। मेरे को एक दिक्कत लग रही है कि मेरे को ना बचपन में सिखाया जाता था कि टीवी ना थोड़ा दूर बैठ के देखना, कि जो ये टीवी है छोटा सा टीवी होता था 30 इंच का टीवी, उसको दूर बैठ के देखो। छोटा सा 30 इंच का 21 इंच का होता था। 21 इंच का आँखों के यहाँ पे 4K दो टीवी आंखों के यहाँ पे लगा के हम हेडसेट लगा के देखना, कह रहा हूँ कि मेरे को हेल्दी नहीं लगा। हाँ, नहीं हेल्दी की भी बात है। सी अगेन दिस इज द डिफरेंस बिटवीन जेन एक्स, जेन वाई, मिलेनियल्स। वो है अभी जो 12, 13, 14, 15, 16, 17 एज के लोग हैं, उनको ये दो दे विल बी ऑन इट ऑल द टाइम बिकॉज यू डोंट हैव दैट बैगेज। अरुण आई डिसएग्री। इतने टेस्टिंग हुई है इसकी, इतने टेस्ट नॉट इज वो तो यार वो टोटली अलग ही हो गया ना। वो दैट इज अ डिफरेंट टॉपिक ऑल टुगेदर। एआई इज इट हेल्दी और इट इज अनहेल्दी, बट लाइक तो डिफरेंट हो गया। आई एम सेइंग कि ये बहुत टेस्टिंग हुई है इवन फॉर यू नो बियॉन्ड जेन जी आल्सो, राइट। जो चीज ह्यूमनली बहुत ही ऑकवर्ड है वो कोई नहीं करता। वाई डू 3D ग्लासेस फेल, वाई डू पीपल नॉट वांट टू वॉच, इवन सिनेमा हॉल में भी हम लोग नहीं, कोई चीज़ को स्ट्रैप ऑन करना, कोई चीज़ को पहन के रखना, दैट इज नॉट जनरेशन। बट एवरीबडी इज एक्सपेक्टिंग द एप्पल विजन प्रो टू चेंज थिंग्स। एग्जैक्टली, आई कंप्लीटली डिसएग्री। आई फील दैट इट्स गोइंग टू बी द बिगेस्ट फेलियर फॉर एप्पल। PSVR टू यूज करा, वो वीडियो मेरी 25 डेज में बनी, मैंने 3 बार वॉमिट करी उस वीडियो बनाने के लिए। मैं कह रहा हूँ गेम खेले थे मैंने तब से ऐसे कर लिया, मैं VR नहीं यूज कर सकता, मेरी चीज नहीं है। प्रॉब्लम इज उसमें यू आर यूजिंग इट व्हाइल यू आर स्टैंडिंग एंड मूविंग, इट्स अ डिफरेंट थिंग। अगर आप बैठ के उसमें मूवी देख रहे हो, इट्स अ डिफरेंट थिंग। तो इफ यू आर मूविंग, कंटेंट अराउंड यू इज मूविंग, फॉर एग्जाम्पल जो FPV ड्रोन्स हैं, आप खड़े होकर किसी को बोलो उड़ाने के लिए, बंदा उड़ा नहीं सकता। FPV ड्रोन वाला बंदा हमेशा बैठ के उड़ाएगा, बिकॉज खड़े होकर वो उड़ाएगा तो उसको दिख रहा है कि मैं उड़ रहा हूँ, ग्रेविटी में उसको फील नहीं हो रहा है, तो देयर इज अ डिस्कनेक्ट। तो सेम थिंग वो है, बट अगर बैठ के करोगे तो। लेकिन गौरव, ये जो टेस्ट हुआ है, देयर इज अ टेस्ट आई एम टॉकिंग अबाउट 12 टू 15 ईयर ओल्ड्स को, 95% ऑफ देम सेड आफ्टर 15 मिनट्स जो वाओ फैक्टर, जब वो ओह माय गॉड द वर्ल्ड आई हैव गॉन इनटू, 15-20 मिनट जब वो खत्म हो जाता है, उसके बाद वुड यू बाय इट, वुड यू वांट टू डू इट अगेन, 94% सेड नो। बट द हार्श रियलिटी इज चाहे ना चाहे फ्यूचर में चेंज होगा। Yes, see that's what. But is this the future? Is this the future? Perfect form. See, please understand. It is in its third generation. MetaQuest 6 जो है, it will be much easier. All ऐसा चश्मा लगा के बैठे होगे। You remember the Google Glass 2011-12 की बात है शायद। I think कुछ तो होगा। अब वो कॉन्टैक्ट लेंसेज में जब आ जाएगा तो आई थिंक सी अ फ्यूचर। आई थिंक मिक्स रियलिटी वाली चीज बन सकती है। विजन प्रो विद एंड इवन नाउडेज लाइक आईफोन इज कमिंग अप विद स्पेशल वीडियो सपोर्टेड। आई फील एप्पल, आई डोंट नो इफ दे हैव अ प्लान, बट व्हाट इफ दे हैव कम अप विद अ डिफरेंट प्लेटफॉर्म वेयर यू कैन लोड स्पेशल वीडियोस सो दैट इट विल बी मोर लाइवली। Even maybe that's something which can be looked. पहनना तो फिर भी पड़ेगा। Yeah, but like maybe like what Guruji said, like you know, what if it's like a glass? Eventually तो उसी तरफ जाएगा ना। बड़ा हो ही नहीं सकता। I remember my first VR experience. It was with Samsung S7, S7 और S7 Edge जब आया था, the Galaxy VR, जिसमें आपको फोन लगाना पड़ता था। The phone had a quad HD screen, तो comparatively वो sharp हुआ करता था। और उस टाइम पे भी इट हैड ऑल दोस डिफरेंट थिएटर मोड्स की, इट विल क्रिएट अ वर्चुअल थिएटर। 2016 की बात है शायद, ये मज़ा आया था। एंड आज जब मैंने एप्पल विजन प्रो ट्राई किया अभी जून में, हैड अ 45 मिनट्स इन डेप्थ सेशन, इट वाज नाइट एंड डे। मतलब कोई कंपैरिजन ही नहीं है फ्रॉम एनी VR टू एप्पल VR। गूगल कार्डबोर्ड टू एप्पल VR। एग्जैक्टली, गूगल कार्डबोर्ड जहाँ पे आपका फोन लग रहा है। नहीं, वही बात है ना, फोन पहले इतने बड़े होते थे और आज फोल्ड भी हो रहे हैं। तो बेसिकली फ्यूचर में चीजें चेंज होंगी। वुड बी लाइक अ नॉर्मल ग्लास, इसी में कैमरा है, इसी में स्पीकर है, इसी में यू विल सी द प्रोजेक्शन एवरीथिंग। स्मार्टफोन से तो हम आगे निकलने वाले हैं, वो आज निकले या 5 साल बाद या 10 साल बाद। एग्जैक्टली, व्हाट इज द वन फ्यूचर टेक दैट यू आर सीइंग फ्यूचर इन, मतलब कि वो चलेगा? AI भाई, वेरिएबल टेक्नोलॉजी, वेरिएबल टेक्नोलॉजी, ह्यूमन काइंड ऑफ थिंग्स। मे बी यू, आई डोंट थिंक इट्स अ रिप्लेसमेंट फॉर अ स्मार्टफोन, दैट्स वेरी क्लियर। यू नो द नेक्स्ट बिग थिंग कैन बी, but it's not a replacement for a smartphone. We are talking about two completely different devices, right? Even though मैंने भी एक Instagram में video किया था, the death of the smartphone got millions of views, उसमें मैंने human ही दिखाया, but the point of it is that if you are really really truthful, that's not a smartphone replacement. But sir, eventually, मतलब what my opinion here is, आज हमारे पास में mobile phone है जो हमारे सारे काम करता है। एक टाइम पे हमको कैलकुलेटर चाहिए होता था, वॉकमैन चाहिए होता था, डिजिटल कैमरास, मल्टीपल थिंग्स। टुडे फोन इज केपेबल टू डू एवरीथिंग। 166 स्टैंड अलोन डिवाइसेस रिप्लेस्ड बाय अ स्मार्टफोन। तो फोन इज द हब। हम किसी भी ब्रांड की जो जाते हैं प्रेजेंटेशन में, तो दे ऑलवेज शो देयर चार्ट, दिस दिस दिस, फोन इज इन द सेंटर, 4 चीजें, स्मार्ट वॉच, ये, दिस इज द थिंग। टुडे द फोन इज केपेबल टू डू एवरीथिंग। बट अगर आपके पास फोन नहीं है, आप घर भूल गए हो, तो यू आर हैंडीकैप, आप कुछ नहीं कर सकते हो। तो दिस स्टिल इज अ हैसल कि आई हैव टू कैरी दिस डिवाइस विद मी। अगर ये नहीं है मेरे पास में, तो फिर मैं कुछ नहीं हूँ। Right. इसको चार्ज करना पड़ रहा है, इसको मैं देखना पड़ रहा है। द फ्यूचर वुड बी जहाँ पे हम इसको रिप्लेस कर सके विद समथिंग दैट इज इन मी। Exactly. Or with me all together. Yeah. So wearable. You guys are like into nano things going inside your body. No, yeah, not at all. Chip हो सकता, नहीं मतलब I would not prefer that. But that's art. You should have Irshad put it nicely. No. Future. So that those are not called wearables. They're called insertables. And just by the name itself, I think I don't want an insertable in me. No, I mean maybe a smart band that I'm wearing, projecting things, or a glass or something. मतलब eventually something that is with me. फ्लॉ, मतलब विदाउट इवन मी हैव टू थिंक अबाउट कि मैं रख रहा हूँ या नहीं रख रहा हूँ मेरे पास में, इट इज पार्ट ऑफ मी और वो होगा। एग्जैक्टली इसमें मेरे को एक चैलेंज ये लगता है कि जैसे अभी सबसे बड़ा दिक्कत इज कि जैसे अगर मेरे दिमाग में कोई इमेज है या मेरे दिमाग में कोई इंफॉर्मेशन है, अगर मेरे को मोबाइल में डालनी है तो मेरे पास उंगलियां हैं, बस ऐसे उंगली से मेरे को ऐसे टाइप करना पड़ेगा या फिर मैं वॉइस से बोल सकता हूँ। आई थिंक जो नेक्स्ट बिग चीज आएगी, क्योंकि ये सेम प्रॉब्लम मेरे को घड़ी के साथ भी है, ये सेम प्रॉब्लम मेरे को ये आई ग्लासेस के साथ भी है, मेरे ख्याल से वो नेक्स्ट बिग चीज़ आएगी। अभी हमको लग रहा है कि थोड़ा अजीब है कि चिप लगाना दिमाग के अंदर, बट ऐसी टेक्नोलॉजीज हैं अभी आ चुकी हैं, न्यूरा लिंक भी आ गई है, 2-3 चीज़ें और हैं जो हमारे ब्रेन के साथ डायरेक्ट इंटरेक्शन कर देती हैं। मैं बोल रहा हूँ ना, अब एग्जाम्पल सोचो, वी हैव स्मार्ट होम्स नाउ, एलेक्सा लगा है, लाइट कनेक्टेड है, मैं उसको बोलूँगा एलेक्सा टर्न ऑन द लाइट, अच्छी बात है, बट स्टिल आई हैव टू से द बेस्ट वुड बी कि आई जस्ट हैड टू थिंक दैट। हाँ, मेरे हिसाब से वही फ्यूचर है कि और वो होगा यार, हमारे दिमाग में वो होना है और ये तो अभी पॉसिबल ही है। इन मेडिकल टर्म्स आई थिंक नैनोटेक एंड एवरीथिंग विल बी better, but I feel something which is connecting a part of a tech connecting our brain cells, I disagree with that, but maybe that might be the future. I think that will be the future. The voice command, better this that everything, टेलीपैथी हो जाएगा फिर 100%। वो ही नेक्स्ट बिग थिंग दिमाग में सोचो हम फिर मैं लव लेटर भेज दूंगा सबको। Not having carry the tech is what we are going towards. ये होने ही वाला है। एंड एक चीज़ मेरे को ये भी लगता है, जैसे जिस हिसाब से AI आ रहा है, और अभी तो वी आर सिंपली यूजिंग द जनरेटिव AI टू हेल्प आवर डे टू डे टास्क, लेकिन इन द फ्यूचर आई थिंक मे बी इफ स्मार्टफोन कंपनीज आर एबल टू इम्प्लीमेंट इट नाइसली, देन एवरीवन वुड हैव अ पर्सनल असिस्टेंट ऑफ देयर ओन, ट्यून्ड टू देयर हैबिट्स, देयर टास्क, एवरीथिंग। और हो सकता है कि आके जो अभी 2024 आएगा उसमें AI could be a big buzzword या फिर marketing term for smartphones to come. हो गया है। अगर lifestyle 2023 was the buzzword and marketing term for AI. 2024 will be the result of that. मेरे ख्याल से अभी तक ऐसा है कि जो बंदा AI यूज कर रहा है, हाँ बहुत बढ़िया है कि हाँ ये बंदा सही है, बट 2024, 2025 में जो बंदा AI नहीं यूज कर रहा उसकी जॉब जाएगी 100%। और ये मतलब एक नीड बनेगा AI, और इस टाइम पे तो इतना पावरफुल है, मैं एक ना वीडियो दिखा सकता हूँ वो, बट exactly are we supposed to? अरे I think everything would be replaced. Every single thing, bring it. What is the thing which we have to catch up? Like at least get to know how to use AI. Why? But why? You need to be in the. Why need to? Like to AI. There are people. So that to you, okay? You said, but why? Okay. अगर आप यूज कर रहे हो AI, you are able to do what you do right now, you'll be able to do it 10x better, 10x faster. But if you are not, then जैसे he was saying, अगले साल the person who is doing it will be 10x better and 10x faster than you, and you will be left way behind. But what exactly are we looking at? I'll show you one thing. It's a tool that can be used in. नहीं, see that's the whole point is that if you start saying कौन सा वाला tool. You look, see this thing is not going out only to us content creators out here. It's going out to the rest of the world. यहाँ पे बहुत अलग-अलग लोग अलग-अलग profession से आएंगे. The point is not which. The point is what do you do and which AI is applicable to you. When you wake up in the morning and you go to sleep at night, आप 7 to 8 core tasks करते हो हर रोज, every day, right? Out of those 7 to 8 core tasks, how many can now help with AI, right? Okay. From imagination to your thinking to your scripting to coming up with an idea. But like I said, that scripting part is like it's a computer is generating that idea for you. That is. I'm not saying it's perfect right now. But it is not perfect. That, no, but that will take time. The point. Computer generating ideas. How is it doing? Large language models basically they are trained to think like humans. So the way we have got. The way we have got education, the computers have been trained, have been given large data set. But you think that the time will take? मैं आपको एक इंटरेस्टिंग चीज़ बताता हूँ, आपको क्लियर हो जाएगा। जब फर्स्ट टाइम फ्रिज के बारे में सुना था इंसानों ने, सबको सारी इंडस्ट्रीज को लगा था भाई फ्रिज बनाओ, इसी में पैसा है, सबके घरों में होगा। सबसे ज़्यादा पैसा कमाया जो कोल्ड बेवरेजेस वाले थे, कोको कोला, माजा, जिसने उस फ्रिज का यूज़ किया, ठंडी करी और जगह के पहुँचाया जगह पे। तो AI वो चीज़ है, AI फ्रिज है जो AI का यूज़ करके टूल्स बनाएगा वो चलेगा। सेकेंड पार्ट जो इसका लेयर अप है कि एआई को डाटा चाहिए बहुत सारा, तो मैं बता रहा हूँ आपको जो सबसे बड़ी कंपनीज होंगी फ्यूचर में वो और रिच होगी, और डाटा होगा, और क्रेजी चीजें निकल के आएगी। ये एक रियलिटी है जो हमें समझनी चाहिए कि हमें भी नहीं पता एआई का होने क्या वाला है, हम सिर्फ बातें कर सकते हैं, बट एआई वो फ्रिज है जिससे कुछ नहीं पता क्या बाय प्रोडक्ट निकलने वाला है, ये एक फैक्ट है। अब आप उस फ्रिज के अंदर केक रखोगे के ड्रिंक के हेल्दी सैलेड, वो आपके ऊपर है, और मे बी बियर। मेरे हिसाब से एआई पूरी कंटेंट इंडस्ट्री को चेंज कर देगा, हमको वीडियो बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, एंड इट इज पॉसिबल। मैं आपको आई विल शो यू वन वीडियो, एंड के लिए वेबकैम से रिकॉर्ड कर रहा हूं क्योंकि आज ये वाली वीडियो है। दिक्कतें हो रही थी यार, मैं नोटिस कर रहा था कि भाई हम जो स्पीड से हमको काम करना चाहिए उस स्पीड में हम काम नहीं कर रहे हैं, चीजें काफी धीरे तो फिक्स करना पड़ेगा। 100% एआई पिक्सेल्स, दिस इज नॉट मी, ना ये मेरी वॉइस है, ना ये मेरी वीडियो है, ना ये मैंने स्क्रिप्ट लिखी है, ये सारी चीजें एआई है, एंड ये अभी पॉसिबल है। एंड मैं बोल रहा हूँ कि अभी आप मेरे को बस अपना एक फेस इनपुट करना है एक सॉफ्टवेयर के अंदर, एंड पूरी मेरे को वीडियो बना के देगा। आई हैव अ फ्रेंड वरुण माया, उसका एक एआई पेज है, उस पर वो 70% वीडियोज आर एआई, एंड लोगों को पता ही नहीं चलता, लोगों को पता ही नहीं चलता कि वो एआई बोल रहा है, वो आवाज़ भी मैप हो जाती है, बंदा भी मैप हो जाता है। मैं बोल रहा हूँ ये अभी अगर ये हो रहा है, आज से 1-2 साल बाद, 5 साल बाद क्या होगा, लेकिन इसका देन एंड गेम क्या है, ये होने के बाद क्या होगा फिर? What are we supposed to do? If you don't have to do anything, yeah. But sir, raw conversations ऐसी ना बचेंगी, ये possible नहीं हो सकता। Point of view, okay. Now AI is trained on large data sets. उनमें emotions नहीं है, इनमें intelligence, emotional intelligence नहीं है, creativity, emotional intelligence that humans and वो perspective लाते हैं। जैसे अभी हम जो discuss कर रहे हैं, हर एक का अलग perspective है। जो एआई है इट हैज बीन ट्रेन्ड ऑन लार्ज डेटा, वो डेटा सेट ही है, देयर आर नो इमोशंस, एंड मोस्ट ऑफ आवर डिसीजंस व्हिच वी मेक आर इमोशनली डन, एटलीस्ट 30-40-50%. But you can bring a lot of that emotion with the prompts that you choose. So now when we are talking about video, जब हम हाथ में उठाते हैं जो हम इमोशन फील करते हैं, That AI can never give. इसीलिए तुम्हारा पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू जो है वो हमेशा इम्पोर्टेंट रहेगा। No, I think इसमें ये है। So just I got to know yesterday, DelP का नाम पे एक है। So what it does is it analyzes all your Twitter, all your Facebook ID, whatever the data you put on in your mind, because the same thing. तक आपने जितना कुछ बोला है personally. Yeah, in your point of view, it analyzes everything and it is available 24/7. It replies to the comments or it replies to the tweet of our audience in such a way that we used to do that. You know, Arun, you can give a prompt saying कि अगर ये वाला phone हम Arun Prabhudesai को देते हैं, what would be his first 6 emotional reactions? Exactly, and you will be very surprised. It will be the same 6. So I can quiz you at that time. Okay, कि मैं उस आपके उस वाले AI generative model से 6 question पूछूंगा कि what would be, then I'll ask you 5 of them will be the same things. See, but let me tell you this again. In fact. Goes to prove my point. आप जो सोशल मीडिया पे ट्विटर पे डालते हो, इज इट वॉट यू आर, यू पुट योर जो वॉट यू वॉन्ट अदर्स टू सी अबाउट यू, collected. Yes, and it is gonna collect for another 5. So I think it will get perfect. Another 5 years? Like, no, not at all. It's not like at all. I would give an example कि AI is like एक बच्चा. उस बच्चे को आप जो सिखा दोगे वो सीख जाएगा. सीख जाएगा, बराबर. And आप उसको सिखा दो कि अगर कोई गाली देता तो गुस्सा होना, या फिर ये होता है तो ऐसे होना. जैसे हम एक बच्चे को सिखाते हैं चलना, गुस्सा करना, ये खाना है, ये नहीं खाना है. सेम चीज आप एआई को सिखा सकते हो. बच्चों को सिखाने में 10 साल लगते हैं, एआई को सिखाने में 5 मिनट लगते हैं. आप पूरी किताब उस पे पीडीएफ स्कैन करके भेजो कि इसको पढ़ के मेरे को डिलीवर कर दे, एंड वो सीख जाता है वो किताब. एंड आप उसको फोटोग्राफी की किताब एआई वाले चार्ट बोर्ड को दे दो, एंड वो फोटोग्राफी सीख जाएगा. आप उसको बोलो फोटो जनरेट कर दो, कर देगा. तो अगर हम बेसिकली एआई क्या है, उसको आप जो डेटा फीड करो वो कर देता है, तो आप उसको इमोशंस फीड कर दो। यू कैन नॉट फीड इमोशंस, मैं वही बोल रहा हूँ। इसके इमोशंस अलग है, तेरे अलग है, मेरे अलग है, बिकॉज दैट हैव कम फ्रॉम हाउ वी हैव बीन बॉट अप, आर एक्सपीरियंसेस एज अ होल। कि भाई अभी जो लोग बैठे हुए हैं, मेरा हर बंदा इधर बैठा हुआ है, मेरा थॉट प्रोसेस अलग है, यू thinking about everyone else is different. It cannot be the same. It is with the individual, और वो तुम AI को नहीं सिखा सकते। लेकिन अरुण, मेरे ख्याल से जो आपका question था ना, वो आप ये देख रहे हो, you are now putting two different things together, your personal life and the life that you have outside. बात हो रही थी कि can we make a video? No, तो मैं emotions के बारे में बात। I don't know, you cannot make a video जिसमें that is completely trained, like he's speaking, completely trained on every single thing you have ever output. To the world, not personal, and not what you are thinking of us right now. जो आपने आज तक अपनी personality outward दिखाई है public को, उसको देखते हुए वो train हो सकती है, replicate कर देगा। मैं आपको ये guarantee दे रहा हूँ कि आप अगर बोलोगे after that training कि अरुण is sitting here और हम लोग ने आपकी training को 6 question पूछे हैं, what would be your 6 emotional reactions for the public? They'll be pretty accurate. Then my question is, do you have to promote such a thing? No, we are. Like if it's not about what we are promoting or not, yeah. It is going to be there. Either you can't keep. See, that's what it is. See, he said like in after 2 years we have to learn about the AI tool. But if this is the thing, like if it can generate the emotion or it can replicate your outward persona. Persona, it's a big personality. Your personality. There's a big difference between generating emotion and outward persona. How can it have that emotional intelligence? It might take the emotional connect might take some time. Maybe test possible. I'm talking about emotional intelligence. कि एक AI को आपका emotional intelligence कैसे मिलेगा? That is what is important. What are you going to feed? How are you going to feed your emotional intelligence? No, that was the question. Built over last 20-30 years with experience. No, even with the AI, the whole field called psychiatry, right? That is also part of AI, right? And जो आप बात कर रहे हो, that is our formative years कि मेरे 20-30 साल जो मैं एक human जिया हूँ. But that formative years is also part of psychiatry. This is a very dense topic to get into. Yeah, okay, let's leave it out. Let's leave it at कि AI अभी भी you know. I like the generative AI, whatever we are using at the camera processing and all those ChatGPT. That is fine. That is harmless. But I'm like thinking about what will be if you unlock this thing. Everyone is worried about it. No, that's why it's just not you. Everyone is worried. See, what Shlok has shown is just a deep fake. Very simple, straight fake. You have shown a deep fake. What about? I'm just saying. See, or नहीं, but that's. But जो चीज पिछले and to talk about just the face, to do the deep fake that he showed right now. Actually, not a deep fake. It's like. मैंने अपना परसोना पूरी बॉडी लैंग्वेज के मैं ऐसे हाथ मूव करता हूँ, ऐसे मूव करता हूँ, एक्सप्रेशन ऐसे देता हूँ, तो आई फेड ऑल द इन्फॉर्मेशन एंड डीप फेक में चेहरा चेंज होता है। नहीं, दिस इज माय होल न्यू। फॉर इंस्टेंस एक ब्रूस विलिस का, उसका लीगल केस भी चल रहा है, ब्रूस विलिस का एक रशियन वोडका का एडवर्टाइजमेंट निकली, यू कैन ऑल सी इट ऑनलाइन। He never went to Russia. He never shot for it. He उन्होंने उसके approximately 1,000 hours of video was actually fed in कि उसका ये टिक है यहाँ पे, जब वो ये वाला word बोलता है उसके ये आई ऐसे move करती है। The whole thing was fed in and पूरा का पूरा ad deepfake बना। They've never paid him for it. Nothing. It's happened in Russia. Very dense legal thing. So that is, and you know, there are now contracts that are being given to people in Hollywood. So this whole thing that is coming in every which way, AI is coming faster than you can respond to it. AI हमारी job तो ले लेगा, मेरे पूरा confidence है. No, it is like either it will be us who do it or it would be someone else. I think it's like saying कि मतलब internet पे कौन सी website popular होगी? इंटरनेट इज द थिंग जो चल रहा है, तो एआई इज द फ्रेमवर्क। अब उसमें कौन सा वेबसाइट, कौन सा प्रॉम्प्ट, कौन सा क्या, दैट इज नॉट द पॉइंट, क्योंकि नए नए आते रहेंगे, हर 2 हफ्ते में नए आ जाते हैं। तो it's like the framework you have to learn. By prompting, I mean you learn to talk to AI or feed AI what you want it to do. काफी लोगों को उसमें problem होता है. काफी लोग English में है ना अभी currently. Prompt engineering next how to get job. Exactly. There are I have seen and I have read about it. There are some people who put up an e-book with brilliant ChatGPT prompts, and they have been making millions of dollars just by telling and teaching people how to use AI in a better way. If you know your prompts right, you can get really good results. Yes. दे दो लिंक दे दो मुझे। मेरी नहीं है वो। पता नहीं किसकी है। जो नीचे लेवल की जॉब्स है ना, सबसे पहले AI वो फिनिश करेगा, बट उल्टा हुआ क्रिएटिव सबसे पहले फिनिश हुई। I spoke about this day at that breakfast. कितना शॉकिंग है कि सबसे लोएस्ट, सच में हम लोग सबसे ज्यादा रेड स्पॉट पे अभी। लोएस्ट लेवल में सबसे ज्यादा इन्वेस्टमेंट है, क्योंकि उसमें यू नीड जो एवरीडे मुंडेन जॉब्स हैं, उसमें यू नीड robotics to actually close that action. अगर आप एक blue collar worker हो, if you're making point पैसे लगेगा ना ज़्यादा। वो टेस्ला का नया robot वाला video did you see? It is crazy. It is like actual human who balance करना। पैर अभी ऐसे नहीं है वो। दुबई में there's a coffee shop. Something about that. दुबई में there's a coffee shop, दुबई festival city में, और ये आज से नहीं है, पिछले 2-3 साल से है वहाँ पे। There is zero staff. पता क्या होता है वहाँ पे? You go, it's a huge platform. ऐसा इतना बड़ा एक पूरा प्लेटफॉर्म है, एजेस के ऊपर सिटिंग बनी हुई है, आप जाके बैठो स्टूल पे, सामने आईपैड है, मेन्यू है, आप ऑर्डर करो, ऑर्डर कर रहे हो, आपने पे किया, सामने जो बरिस्ता है वो एक रोबोटिक आर्म है, आपको दिखता है सामने रोबोटिक आर्म ने खोला, मिल्क पोर किया, वो कर रहा है सारे ह्यूमन एक्शंस रोबोटिक आर्म में, वो सब करेगा, उसने अपना आपका ऑर्डर रखा सामने एक ट्रे पे, उसको पता है वो आपके पास में आ गया, आपने कॉफ़ी पी लिया, आप चले गए, पूरी दुकान में एक आदमी है ही नहीं, ना कैशियर है, फॉर दैट मैटर, मतलब एक भी आदमी नहीं है। तो गौरव, बट उसका आप इन्वेस्टमेंट देखो, रोबोटिक आर्म, अदर थिंग, बट इट इज वन टाइम जनरेटिव एआई इज only software building on more software. So you're doing it. बहुत expensive होता है सर, उसके लिए भी चाहिए, but वो easy round के लिए करना है। But वो easy है कि जो top पे, ये तो fact है। अच्छा, लेकिन इससे एक interesting बात जो हम अभी निकाल सकते हैं for the viewers, जो हम बात करें ना for someone to start content creation now, अब सोचो आपको studio भी नहीं चाहिए, आप घर में कुर्सी पे बैठो, studio तो आपने AI ने बना दिया पूरा का पूरा। कैमरा है, लाइट कम है, लाइट तो एने एनहांस कर दी, वॉइस में शोर आ रहा है, उसको एने रिमूव कर दिया। तो फॉर समवन टू स्टार्ट द कंटेंट क्रिएशन जर्नी टुडे यूजिंग ऑल द एआई टूल्स, या इवन आई सपोर्ट दैट काइंड ऑफ एआई। वन क्लिक से आपके कैप्शंस बन गए, वन क्लिक से आपके स्क्रिप्ट रेडी हो गई है, ट्रांसलेशन, एवरीथिंग। तो आई थिंक जो हमने स्ट्रगल किया 5 साल 7 साल पहले, वो स्ट्रगल आज बहुत कम हो गया। इफ यू आर स्मार्ट इनफ हाउ टू यूज एआई, दिस कुड बी अ गुड। एक और चीज क्लियर हो गई है कि एआई ही नेक्स्ट बिग थिंग है, जितनी ज्यादा बातें हमने इसके बारे में करी है, मैंने तो शुरू से ऑलवेज गोइंग टू बी, बट एआई ही सबसे बड़ी चीज होगी, भूपेंद्र जोगी। ओके गाइस, वी हैव टू टेक अ ब्रेक फॉर 2 minutes. तो काफ़ी डीप कॉन्वर्सेशन हो गया एक्चुअली, सो लेट्स कम बैक टू अ लिटिल रूटेड बातें। स्मार्टफोन्स, राइट, समथिंग दैट वी कवर डे इन एंड डे आउट, आर वी रन ऑन दैट. So how is 2023? How is 2024 looking? Have the prices become aggressive? Are we going back to pre-COVID days when shocking prices from Poco F1 ऐसे सब होते थे ना? वैसे are we going back to that? वो तो नहीं होने वाला यार। नहीं होने वाला। But ऐसा लगता है कि iQOO Neo 7 Pro जो आया था वो काफी ज़्यादा क्रीमी था। iQOO 12 के साथ मेरे को फिर से लग रहा है that part of it is starting to come again, because अगर कोई एक brand lead ले लेता है, others have to follow. And I think with hygiene coming into technology, where everything is more or less becoming very easy to put together, or wow factors of smartphones have become lesser and lesser, I think price aggression will come back. Yeah, because I feel the same, because एक तो स्मार्टफोन अडॉप्शन प्लेटो हो गया, राइट, आई मीन ग्रोथ तो हो रहा नहीं है मार्केट में, 153 मिलियन जो पीक लिया था हम लोगों ने 2019 में, दैट प्लेटो टू लाइक बिलो दैट, एंड देयर हैज टू बी सम सॉर्ट ऑफ इम्पेटस फॉर, मतलब उठने के लिए, राइट, फॉर द मार्केट। बेसिकली क्या है ना, यू कैन नेवर प्ले ऑन प्राइस इन अ लॉन्गर रन यार, आप कभी नहीं कर सकते किसी बिजनेस में। अगर आप सोचते हो ना कि मैं एग्रेसिव हो जाऊंगा प्राइस में और मैं मार्केट बना लूंगा, नहीं बना सकते। आज बना लोगे लेकिन वो लॉन्ग लास्टिंग नहीं होगा। बिगेस्ट लर्निंग शाओमी, कितना एग्रेसिव दिखा लिया। शाओमी का कोई इंसान फोन लेता नहीं है 25,000 के ऊपर, बिकता नहीं है 70,000 का फोन शाओमी का कोई लेता नहीं। बट यू कैन बी एग्रेसिव एट ईच कैटेगरी ना। नो, बट आई एम जस्ट सेइंग कि iQOO 12 पे अगर हम लोग एग्रेसिव, iQOO 12 इज गुड, बट द प्रॉब्लम इज iQOO 12 आज 50,000 में फोन बेच रहा है। लेट्स से दे आर वेरी लिटिल मार्जिन्स, क्या हो सकता है वो लॉस भी ले सकता है फॉर सम ड्यूरेशन जस्ट टू एस्टैब्लिश देमसेल्व्स, बट दे कांट रिपीट इट फॉर 5 years नाउ। ओके, तो प्राइस गेम कभी भी लंबा नहीं चल सकता। मतलब यू कैन बी इन फॉर, नाउ आई हैव अ पॉइंट, I'm not talking about undercutting or having less price, loss पे बेचना मुझे नहीं लगता है. The thing is, all the issues because of which the smartphone's price has had rocketed, they are gone. Those issues are resolved. वो तो कब के हट गए? No. 2022 के mid तक था. अभी उस oversupply हो गया था. हाँ नहीं ओवर सप्लाई नहीं, बहुत सारा जो स्टॉक था वो रह गया था एंड दिस पर्टिकुलर टाइम दे हैव रिमूव्ड इट ऑल द स्टॉक. तो अभी नया स्टॉक आएगा बट जो इश्यूज थे या फिर पहले बाहर से ज्यादा मंगाते थे, अभी इंडिया मैन्युफैक्चरिंग हो गया, बहुत सारी चीजें जो पहले थी वो आई थिंक 2019 के डेज वैसे दिन हमें दिखेंगे विदाउट एग्रेसिव, हाँ विदाउट प्राइस, विदाउट प्राइस. इट्स नॉट वन ब्रांड हु विल डू इट. आई विल क्रॉस द बोर्ड. आई विल टेल यू ऑनेस्टली, जस्ट थिंक थ्रू. एक बार एक बेसिक थॉट देना. हम 10,000 का या 15,000 का एक फोन देखते थे 4 साल पहले और हम सोचते थे उसमें फोन में इतना हमको मिल रहा है. पता नहीं क्यों एज कस्टमर्स एंड इवन एज आवरसेल्व्स हम कभी भी जो स्टैंडर्ड रेट ऑफ इन्फ्लेशन है हम वो भी सोचते हैं कि मोबाइल फ़ोन 10 का 15 कैसे हो सकता है यार. लेकिन वी ऑलवेज वांट कि 10 में मिलना चाहिए, वो कैसे मिल सकता है? एक्चुअली इन्फ्लेशन तो दुनिया में हो रहा है ना, वो तो एग्जिस्ट कर रहा है. एडवांटेज में से वो क्या मिल रहा है कि टेक्नोलॉजी अच्छी हो रही है एट द सेम टाइम, तो हमको कुछ कुछ चीज़ें कम प्राइस पर मिलती जाती हैं. लेकिन एट द सेम टाइम प्राइस विल इंक्रीज इवेंचुअली. वो हर चीज का बढ़ रहा है, वो बिस्किट का बढ़ रहा है, पानी का बढ़ रहा है, सबका बढ़ रहा है. इन्फ्लेशन तो है ही, मतलब 6-7% इन्फ्लेशन, मतलब बट टेक्नोलॉजी हैज ऑलवेज बीन एंटी इन्फ्लेशन. जो पहले लैपटॉप्स आते थे और जो वही एग्जैक्ट वाले लैपटॉप, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द सेम स्पेक्स, आई एम टॉकिंग दैट सेम कैटेगरी, यू आर ऑब्वियसली गेटिंग इट बेटर बिकॉज प्रोडक्शन इंप्रूव्स, द ओवरऑल क्वालिटी ऑफ व्हाट यू आर डूइंग इंप्रूव्स, इकोनॉमी ऑफ स्केल किक्स इन. वो होता है, मतलब 10,000 का फोन जो उस टाइम आपको 625 मिल रहा था, अभी आपको G85, G99. नहीं, I'm not talking about that. I'm not talking कि उसी सेम स्पेक की चीज की प्राइस लोअर आती है. मैं कह रहा हूँ because technology improves, becomes better. Do remember के जितना हार्डवेयर बनता है, आप फोन में इम्प्रूवमेंट देख रहे हो, उनके मैन्युफैक्चरिंग में भी बहुत फर्क पड़ रहा है. If you have an OLED TV that comes in at a particular price point, a much better one will come at maybe 80% lower a little later. Kyun? Because production and economy of scale became better. So when you are actually, I am now predicting that 2024 mein you are going to see a lot of the things that went wrong in COVID, the oversupply. Oversupply क्यों आया? They actually have invested far more now to get things done. उसका जो actual advantage है will go to consumers. You will get better products at a lower price in 2022. I'll ask a simple question. Tell me what's your answer. Samsung S24 Ultra आ रहा है, जनवरी में लॉन्च है. दुनिया इधर से उधर हो जाए, क्या उसकी प्राइस S23 सीरीज से कम हो सकती है? But when you talk about the highest flagship, that is not the. No. But I'm just saying. I mean, those are Apple AirPods 3 जब आएगा, तो AirPods 2 से No, I have a question. नहीं आ सकता. I have a thing like if let's say we all are gonna agree something like S23 is a good phone, like this year what we got a release. Do you think that someone can, I mean, with the software support and the performance, I'm pretty sure that in 2025, S23 is a good phone. So if there is a chance that if that phone has been available in a very low price, I think people can buy it, right? Yeah, I mean, technology is that. That is fine, but all I'm saying is price जो बढ़ने का reason है, मतलब iPhone India में बनना start हो जाएगा. But क्या अभी कोई भी ये बात बोलेगा कि iPhone 16, let's say India में बन रहा है completely? क्या उसकी प्राइस आईफोन की जो करंट प्राइस से कम हो सकती है ₹1 भी? नहीं, बट योर बोथ योर एग्जांपल्स आर एट द हाईएस्ट वन. ये हाईएस्ट लेवल वाला है, बट दैट्स नॉट रियली द टॉपिक वी आर टॉकिंग अबाउट. ऑलराइट. हम क्या करेंगे, मिड रेंज का नॉर्मल वाला एक जो फोन होता है, ओके, जो पिछले साल एंड उसके पिछले साल में 25,000 रुपए में मिल रहा था, टुडे यू विल गेट अ बेटर फोन in every aspect, whether it is display, performance, everything. आपको 25,000 के नीचे मिलने वाला है. Are you saying that we are not getting better phones? Because you said कि price जो है वो बढ़ने ही वाले हैं. Price बढ़ रहे हैं. If you are getting more phone for the same price, even today, you will get more phone for less price is what we are saying. वो तो technology enhance होगा, वो तो obvious है. वो तो जो फोन 3 साल पहले का था उसको कंपेयर करो उससे 3 साल पहले फोन से, तो उसने भी एनहांस कर लिया. वो तो विद टाइम, तो हमने देखा है ना, स्टार्टिंग में फिंगरप्रिंट स्कैनर आया था केवल एक, मान लो 50,000 के फोन में, आज वो 10,000 वाले फोन में हमको साइड में मिल जाता है, यू नो, व्हाटएवर. तो टेक्नोलॉजी तो हमेशा ट्रिकल डाउन करती ही करती है. ब्रांड्स भी क्या करते हैं, अगर वो एक महंगा आइटम आज बेच रहे हैं, दे विल अर्न ऑल देयर मैक्सिमम प्रॉफिट्स एंड देन दे विल यू नो इंट्रोड्यूस अ लोअर टियर वेरिएंट ऑफ देम. आप दोनों भी क्या कह रहे हो ये मुझे समझ में नहीं आ रहा है. आर यू सेइंग दैट फोन्स आर गेटिंग एक्सपेंसिव ऑन योर ही हैज समथिंग टू से. आई वुड ब्रेक इट डाउन कि मेरे हिसाब से जो कंपनी सस्ते में बेचने की कोशिश कर रही थी उसका प्रॉफिट नहीं, आप एक्सपेरिमेंट करके नई चीजें लाने का. और वही तो मैंने बोला कि प्राइस पे लंबा नहीं खेल सकते. हां आई एग्री, प्राइस पे प्राइस कम करके आप खेल नहीं, लेकिन अब जो मार्केट है बात नहीं कर रहे हैं. अब जो मार्केट है कि आप कम प्राइस पे बेटर स्पेक्स नहीं दे सकते, आपको हायर प्राइस बेटर क्वालिटी करनी. अच्छा मैं आपको ना अलग समथिंग दैट यू विल इमीडिएटली रिलेट टू. जो आपने जैकेट पहना हुआ है अभी, मे बी यू बॉट दिस सम फैब्रिक मे बी फ्रॉम अ जापानीज सप्लायर. अब जो जापानी सप्लायर आपका है, he has invested maybe $1 billion to make something much better at a lower price. Much better है, उसने बहुत इन्वेस्टमेंट की. वो वाला आप एडवांटेज अपने कस्टमर को दे दोगे ना, a better product at a lower price because you are being enabled to do it now. सबसे पहली चीज कोई बना दे, कोई बना नहीं सकता. एंड क्योंकि हम खुद बहुत रिसर्च करके हम बना रहे हैं, दैट इज एक हमारा इंसेंटिव. क्योंकि बाकी स्किन्स में भी सारी चीजों में हमने करोड़ों की इन्वेस्टमेंट करी तब जाके हम बना पा रहे हैं, तो किसी और को बनाना उसको करोड़ों की इन्वेस्टमेंट. नहीं मैं तो आप ही की बात कर रहा हूँ यार, कि आपका जो इनपुट है, ये जो फैब्रिक है यू इंपोर्ट फ्रॉम जापान, दैट गाय दैट सप्लायर हैज इम्प्रूव्ड हिज प्रोडक्शन एंड मटेरियल एंड ही कैन नाउ गिव इट यू एट 10% लेसर एंड इट इज 10% बेटर. अब वो लोगे ना प्रोडक्ट उससे, बट वी वोंट रिड्यूस द प्राइस ना, दैट्स द थिंग. बिकॉज मार्केट खराब हो गया, मार्केट कस्टमर नॉट गेट दैट एडवांटेज. वी वुड इंट्रोड्यूस दैट एज अ ओवरलेस को सस्ता ब्रांड नहीं इंट्रोड्यूस करने हैं. ये ना हम लोग अलग टॉपिक पे जा रहे हैं. इट्स नॉट अबाउट माहौल लाइफ करते हैं. बैंक ऑफर्स के बारे में क्या ख्याल है आप लोगों का, क्या ठीक है? वन ऑफ द बिगेस्ट गेम चेंजर्स ऑफ 2023. Bank offers nahi, the no cost EMI has been one of the biggest game changers of 2023. But पहले भी था वो ऐसे. नहीं यार, अब तो true no cost है ना. पहले तो एक बड़े fake वाला में वो लोग कैलकुलेशन में गड़बड़ करते थे. Today lot of people come to me, they used to say you know 30,000 rupees में मेरे को बताओ. Now people's question has changed and they say you know at a budget of 3,000 rupees a month which is the phone to buy. So this the psychology of buying is changing. And that is a huge game. इसी वजह से iPhone बहुत सेल हुए iPhones ना, इसी वजह से. ये क्या कमाल की स्कीम है. नो डाउट बैंक ऑफर हो गए, क्रेडिट कार्ड के हो गए, नो कॉस्ट हो गए, ये सब तो मेरे को लगता है बहुत बेनिफिट देके गया इंडिया को वैसे इन जनरल. बट लेट मी थ्रो वन मोर क्वेश्चन आउट बिकॉज मेरे को बड़ा इंटरेस्टिंग लगता है कि व्हेन आई गेट रिप्लाईज बैक. 2019 में iPhone टोटल मार्केट शेयर वाज लेस देन 1%. इट इज अप्रॉक्सीमेटली नाउ एट अबाउट 7%. मैसिव. मतलब किसी और ब्रांड का अगर आप दिखा दो कि उन्होंने 700% इंक्रीज किया हो 4 साल में, राइट? बट वेयर इज द ग्रोथ? इज इट इन द, जैसे कि इस साल में डिड द आईफोन 15 मेक दिस ग्रोथ हैपन और इज इट द आईफोन 11 एंड द 12s? ऑलवेज लास्ट ईयर्स. बट इज दैट गुड फॉर अ ब्रांड? बट ओके, सो आई विल टेल यू वन थिंग एंड आई थिंक यू ऑल विल एग्री ऑन दिस. जो आईफोन का भी 1 या 2% से बढ़ के अभी 5.5, 6, 7 पे गया है ना, वो और बढ़ेगा. Yes. वो कभी कम नहीं हो सकता. उसका रीज़न क्या है? आई विल टेल यू. हर एक को आईफोन चाहिए था, सबको चाहिए था. वो एक टाइम पे नहीं ले पा रहे थे, या स्टार्टिंग प्राइस का एक बैरियर था जो बहुत ज्यादा था. इसका मैं कॉन्ट्रडिक्शन दूं. नहीं, एक बार सुन तो. क्यों चाहिए था? क्योंकि किसी और के पास नहीं था. एक्सक्लूसिविटी थी. आईफोन एक अच्छा फोन है, मतलब iPhone is a good phone. There was also a reason कि there was an exclusive कि बहुत ज़्यादा सेल हुआ है. बट सुनो ना, जब आप Tier 2, Tier 3 देखोगे अभी भी वो एस्पिरेशन बची है. अभी भी लोगों को जिनके पास में नहीं है उनको चाहिए, दे वांट इट. हर साल हम देख रहे हैं प्राइस कम हो जाता है पुराने फोन्स का. पुराने फोन्स भी स्टिल दे आर गुड फॉर अनदर 3, 4, 5 years द वे बिकॉज द आईफोन्स आर मेड. और ये जो अच्छा, एट द सेम टाइम लोगों की सैलरीज बढ़ रही हैं, लोग नई जॉब्स चेंज कर रहे हैं, मार्केट में पैसा आ रहा है, तो एट द एंड वो वही चीज़ लेंगे जिसका उनको लेने का मन कर रहा था. तो करते 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 और नए लोग जुड़ने वाले हैं इस चीज में. बट देयर इज नो ड्रास्टिक चेंज इन टेक्नोलॉजी आल्सो नो व्हेन इट कम्स टू फोन. इट इज दिस मेगा डजंट मैटर. बट इट सी ओके, सो आई मीन लाइक टुडे द लेटेस्ट वन विद द ऑलमोस्ट ऑल द फोन्स इन द मार्केट, दे आर गुड इनफ फोन्स. एक टाइम था जब खराब घटिया फोन होते थे और अच्छे फोन. यार ओके, टुडे हर एक फोन का if let's say not you are the target, someone else is the customer and they are happy with those phones. तो iPhone भी अच्छा है, Samsung भी अच्छा है, all these are good phones today. तो अब nitpicking पे आओगे तो आपको हर एक फोन में 15 कमियां निकल जाएंगी. No one is perfect. लेकिन it's a good phone, it gives you a good experience and that's the reason people want to buy it. Because अच्छा phone है at the end ना. Samsung भी अच्छा है for that matter. No, iPhone is more affordable now actually. That's what I'm saying. So because of it being so now let's paint a scenario कि जो aspiration tier 2, tier 3 is because you have it, I don't, I aspire to it. जब 20% market में iPhone होंगे तो क्या aspiration रह जाएगी? सर US में तो इतना बड़ा market है, still बिकता है क्योंकि phone अच्छा है. But sir हमारा US population में तो बहुत बड़ा है ना भाई. दुबई में there is no carrier, ले लो वहाँ भी बिकता है. Basically अच्छा एक बात बताऊँ आपसे, let's say कोई चीज़ अच्छी है, genuinely अच्छी है, उसका market share अगर 80% भी है तो आप उसको लेना बंद थोड़ा कर दोगे, सोच के उसका मार्केट कर दो 80% इसलिए बंद कर दो. लेकिन एस्पिरेशन कम हो जाती है उसकी. नहीं बट स्टिल यू विल, बट पॉपुलेशन बहुत बड़ी है. नो आई विल, नहीं आई एम नॉट. लिसन यार, अगर इंडिया में एप्पल को 20% मिल गया तो उनकी तो बल्ले-बल्ले हो जाएगी यार. एस्पिरेशन थोड़े बहुत सर होगा, 20% मिलने वाला है, आज नहीं मिलेगा 2 साल बाद मिलेगा. But I agree to what he said. Like there was a time when people used to see Apple as a very premium product, which we have like we wanted to acquire it. But now the things that the like let's say not everyone has it, but everyone have the access to buy the phone. So I feel the market is more like people with have a mid-range phone. They are the ones who's going to like look up to all these flagship phones. Maybe that actually did a reel on this exact emotion where earlier 5 years back, if you bought an iPhone or if you're using, everyone is looking at you. And then काफी funny था मैंने देखा. 15 million, 20 million गई थी वो. But the point is that is actually happening. So but still I also agree कि फिर भी iPhone के sales बढ़ेंगे ही. नहीं मैं ये नहीं कह रहा कि नहीं बढ़ेंगे, मैं तो कह रहा हूँ up to 10 to 15%. मैंने बोला ना अगर कोई मार्केट में अच्छी चीज है और वो हम सब यूज करते हैं तो क्या मैं यूज करना छोड़ दूंगा जस्ट बिकॉज कि उसका वाव फैक्टर कम हो जाता है. सर डजंट मैटर ना, फोन का वाव फैक्टर कभी था ही नहीं. आई फील हमने बना रखा था. नहीं सर हमने बना रखा है ना. दे वांट टू वाज से समथिंग फॉर द लॉन्ग. आईफोन का एक बेनिफिट ये भी है, इफ वी लेट्स से वी आर यूजिंग एनी आईफोन फॉर 2 इयर्स उसका रीसेल वैल्यू बहुत ही बेटर है कंपेयर टू एनी अदर एंड्रॉइड फोन. एंड दैट्स इन इंडियन मार्केट, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. लेकिन क्यों है? For the same aspirational reason, because what you can afford the other person over the period of time. Because till date, as sir mentioned, buying an iPhone was an aspiration for many people. Correct. So there is a scarcity in the market of seeing an iPhone. Now everyone is using the iPhone. Do you see 2024 or 2025 iPhone will have the same resale value as before? There's a huge room for growth, I think. No, but second hand iPhone. My main question is, so there is a huge resale value. There is a huge business now, which is refurbished, yes. And already in the refurbished market, iPhone key prices have dramatically dropped. Second thing, in this Diwali, there is also there is all these analysts that work now. एक बहुत interesting चीज निकली through these analysts. Corporate में the most wow thing to give to somebody, corporate जैसे big corporates जैसे कि someone's working with a huge company, वो लोग 100 phone भेज रहे हैं as gifts. Lowest number of iPhones were sent this year. Do you know what replaced it? Folding phones, because the wow factor of folding phones. और कल को Apple का फोन आ जाएगा. नहीं वो 4 लाख का होगा और लोग still लेंगे. बात कर रहे हैं कि what happened now 2023 there was a shift to the wow factor of folding phones. All right. One question. अभी iPhones के sales के बारे में बात कर रहे हैं. In India, how many people buy iPhones for the software, hardware optimizations, the really good looks and good camera? And how many of them buy just because it has that brand value? It is because iPhone है, इसीलिए. So what will be? जवाब दूँ. हाँ. काफी सारे लोग तो वो हैं जो day 1 पे नया phone अपना change करते हैं. बहुत सारे लोग हैं ऐसे. काफ़ी सारे लोग वो भी हैं जो आईफोन आज लिया और वो उसको 3 साल चलाएंगे और 4 साल चलाएंगे तब चेंज करेंगे. बट बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको फ़र्क नहीं पड़ता कि भाई सुनो ना बहुत सारे लोग ऐसे उनको फ़र्क नहीं पड़ता आईफोन 2 लाख का है, 3 लाख का है, 5 लाख का है, उनको फ़र्क ही नहीं पड़ता. उनको आईफोन यूज़ करते हुए आ रहे हैं और आईफोन ले लेंगे. मे बी दे आर ऑन द इकोसिस्टम. सुनो ना नंबर नहीं, इकोसिस्टम में उनको फ़र्क ही नहीं पड़ता ना. वो फ़ोन में हो सकता है आईफोन का 5% भी यूज़ नहीं कर रहे हैं. All they are doing is just phone calls and WhatsApp. But just because they have the money, they have it. They have the money. They have to have it. वो लेते हैं, वो ले लेंगे day 1 पे और वो day 1 पे 10 piece लेंगे, वो अपने घर में गिफ्ट करेंगे. Those who have to have it. ठीक है. This is number 1. नंबर टू, वो लोग जो कि क्रिएटर स्पेस में आ रहे हैं बिकॉज आईफोन इज सच ए रॉबस्ट डिवाइस, दोज यंग गाइज ना, वो एक फ़ोन लेगा, उसको पता है दिस इज़ द फोन विच विल बी एबल टू डू मल्टीपल थिंग्स इन वंस। मैं उस पर एडिट भी कर सकता हूँ और उससे शूट भी कर लूँगा, कैमरा भी अच्छा है, सब कुछ इज़ गुड, इंस्टाग्राम अच्छा चलता है फॉर एग्जाम्पल, दे विल गेट दैट। आज की डेट में द पीपल जो केवल उस वो एप्पल होना है करके अगर ले रहा है ना कोई, तो वो नंबर कम है। और होता क्या है, पहले भी जब कोई नंबर होता था कि जहाँ पे केवल वो एप्पल लोगो फ्लेक्स कर रहे हैं, वो टिल द पॉइंट ही एक्चुअली बॉट दैट फ़ोन, उसका वो थॉट होगा। बट वंस दे स्टार्ट यूजिंग इट देन इट्स नो मोर, उनको उनका अगला फ़ोन आईफोन ही होना ना बाद में, मतलब द परसेंटेज। एक चीज़ और मैं ऐड करता हूँ, आई ऑल्सो अग्री। मेरे ख्याल से परचेज जो ड्राइव करता है ना, मैंने आईफोन का ऐड का मैं एक सीक्रेट ब्रेकडाउन करता हूँ कि अगर आप कभी भी ऐड दोगे आईफोन का, उसमें एक नॉर्मल बंदा यूज करते हुए नहीं दिखाएंगे, वो दिखाएंगे एक बंदा जा रहा है पहाड़ पे चढ़ रहा है, समुद्र में 50 मीटर नीचे आ रहा है। तो मेरे ख्याल से वो सेल ड्राइव करता है ना एक प्रोडक्ट की, वो है कि एक जो प्रोफेशनल्स जब एक चीज को यूज करने लगते हैं, अब आप देखोगे इंडिया में या फिर पूरे वर्ल्ड में जितने भी सिनेमाटोग्राफर्स हैं वो आईफोन यूज कर रहे हो, जितने भी गेमर्स हैं चाहे वो कितने भी स्पॉन्सर पकड़ लें, बट वो एक्चुअल स्ट्रीमिंग आईफोन से कर रहे हैं। तो जितने भी प्रोफेशनल्स हैं वो दिख रहा है कि आईफोन डीजे हैं, सबने मैकबुक पकड़ा हुआ है भाई, उनको नहीं चाहिए वहां पे वो चूज करते हैं स्क्रीन उनका। और जो नॉर्मल कंज्यूमर है वो फॉलो करता है इस ऑडियंस को कि जो प्रोफेशनल है उसको फॉलो। बोलता हूं वॉच अल्ट्रा पहनिए, वॉच अल्ट्रा पहनिए, आर यू रियली द टारगेट कस्टमर फॉर वॉच अल्ट्रा? नो, यू आर नॉट द, यू कहां जाने वाले हो पहाड़ों पे। चलो ठीक है, मैं मेरे को नहीं पता आपके बारे में, मैंने बोला बट ठीक है। The watch is targeted for extreme sports, athletes and you know normally like that. मैं जब से वॉच अल्ट्रा लॉन्च हुई है, जितने लोगों से मिला हूँ जो एप्पल वॉच यूज़ करते थे कल तक, सीरीज 6, 7, 8 जब भी, वो टारगेट कस्टमर हैं या नहीं है, दे आर ऑल ऑन अल्ट्रा नाउ, मेजोरिटी ऑफ देम। द सिंपल रीजन इज बिकॉज दिस इज, नहीं बैटरी भी भाई, बैटरी इज वन ऑफ द बिगेस्ट रीजन, बैटरी इज द बिगेस्ट रीजन आई टू हूम आई हैव स्पोकन। अच्छा बट 3 इज वन इज नथिंग। बैटरी के अलावा द रीजन इज बिकॉज ये सबसे महंगी एप्पल वॉच है, दिस इज द लेटेस्ट वन, दे नीड टू हैव इट एंड दैट्स द रीजन दे हैव इट। आई हैव सीन पीपल यूजिंग, आई हैव सीन, आई एम वेयरिंग अ रोलेक्स बट वो ठीक है। व्हिच वन आर यू वेयरिंग? राइडो। व्हिच वन आर यू वेयरिंग? एपी। And I'm not wearing a smartwatch right now. No, but in the room of techies, all of us are wearing. No, forget that. मतलब मेरा point ये है, I have seen people. मैं आपसे example पूछता हूँ, I'll ask you a simple question and I'll tell you my reaction to it. Samsung ने जो Fold India में launch किया या दुनिया में जब launch किया, the idea was targeted towards professionals, businessmen, ठीक है, जो on the go काम करेंगे, this. ओके, आई एग्री टू सर्टेन एक्सटेंट। हो सकता है कुछ लोग जो एक्चुअली बिजनेस करते होंगे और उनको फोल्ड फोन की जरूरत पड़ती होगी और उन्होंने फोन यूज़ लिया, देयर लाइफ इज चेंज नाउ। एंड आई टेल यू, सैमसंग का अगर डेटा मिल जाए, अगर सैमसंग की तरफ से कुछ बता पाए, दिल्ली एनसीआर में जितने भी लोगों के पास में पैसा है, सबने 2-2 फोल्ड रखे हुए हैं और उनका कोई मतलब नहीं है बिजनेस से, वो फोन में कुछ नहीं करते। ये मैंने देखा है, 2-2 फोल्ड रखे हैं पुणे में भी। और सैमसंग को इंडिया में जो सेल्स मिली है फोल्ड की, वो उन्हीं लोगों की मिली है, बिजनेस वाले लोगों के बहुत कम, लेकिन जिसके पास पैसा था जो ले पाया उसने ले लिया। दिल्ली में छोड़ो, सेम चीज आईफोन का भी है, मतलब दिखाते हैं पहाड़ पे चढ़ना है, समुद्र की वॉच अपने लेके बैठ रहे हैं, वो अपने स्टेप्स ट्रैक कर रहे हैं। तो मेरे ख्याल से जो प्रोफेशनल्स और टॉप टीयर लोग यूज कर रहे हैं ना, नॉर्मल बंदे उनको फॉलो करते हैं। तो वो सेम चीज है कि आप लोगों की सारी बातें सुन के ना, सम अप करके मुझे क्या फील हुआ मैं बताता हूँ, क्योंकि आप लोगों से सच में सीखने को ही मिला। एक चीज समझ में आता है कि एप्पल सुपर लकी कंपनी में से एक है। अगर एस्पिरेशन खत्म हो जाती है ना, मेरे ख्याल से एग्जाम्पल लेके चलते हैं, एस्पिरेशन खत्म हो गई, सबके पास आईफोन्स है, बट इनकी फाउंडेशन इतनी स्ट्रांग है कि इकोसिस्टम आया, शायद से आप एयरपोर्ट्स खरीदोगे, सेल उनकी बढ़ रही है, हो सकता है सब्सक्रिप्शंस एंड मल्टीपल थिंग्स, यार सब्सक्रिप्शन आ गई, फिर मैकबुक जैसा आपने नाम लिया, क्रिएटर्स के बीच में पॉपुलर हो गई, हमने देखा है कम्युनिटी के बीच में प्रोडक्ट पॉपुलर हो जाता है, तो लगा लो क्रिएटर्स के बीच में हो गया तो वो मैकबुक लेगा, मैकबुक एटम भी तो अच्छा है, हाँ FCP फाइनल कट प्रो खरीदेगा। मुझे ऐसा लगता है कि एप्पल सिर्फ, हाँ चलो लकी वर्ड मैं मानता हूँ कि गलत यूज़ कर लिया मैंने, उन्होंने जो फाउंडेशन बिल्ड करी है ना, वो जो ब्रांचेस है उनकी, वो बहुत सॉलिड है, एक वो स्ट्रॉन्ग एग्जाम्पल। एक आपको एग्जाम्पल देता हूँ, पोको कम्युनिटी, शाओमी कम्युनिटी, यू नो एनी ब्रांड्स, रियलमी कम्युनिटी, आईक्यू कम्युनिटी, जितने भी एंड्रॉइड के साइड में कम्युनिटीज़ हैं। आज अगर शाओमी का फ़ोन 10,000 या 15,000 की ब्रैकेट में आ रहा है, रेडमी नोट समथिंग जो एक टाइम पे आता था, ऑल दोज कम्युनिटी मेंबर्स दे आर ज्वाइनिंग इन, वो रेडमी फ़ोन यूज़ कर रहे हैं, कम्युनिटी का हिस्सा है। उनको आप कल बोलो कि ये लो आपका आईफोन, वो तुरंत कम्युनिटी छोड़ेगा, उसको उस ब्रांड से अटैचमेंट है ही नहीं। जस्ट बिकॉज आज की डेट में गिवन हिज सिनेरियो हिज सिचुएशन इज उसकी अफोर्डेबिलिटी आज वहां तक है, ही इज डूइंग दैट, द डे ही इज एबल टू अफोर्ड एन आईफोन वो एक सेकंड में आईफोन में जाएगा, उसको कोई लगाव नहीं है रेडमी से। ब्रांड लॉयल्टी कुछ लोग जैसे जो प्रीमियम कस्टमर्स हैं वीवो, यार रेडमी का कौन प्रीमियम है, मैं रेडमी मैं 10-15 हज़ार की बात, मतलब कम प्राइस पॉइंट में तो अलग है, बट जैसे वीवो के कुछ कस्टमर्स हैं एंड मैंने सैमसंग के काफी कस्टमर्स देखे, सैमसंग और एप्पल तो फिर एक लेवल है, ओप्पो के भी ओप्पो लेंगे वही वीवो का वी सीरीज का ही लेंगे, जैसे वन प्लस आई थिंक यू आर यूजिंग स्ट्रांग दिस टाइम, आई एम टॉकिंग अबाउट ये जो बजट वाला रेंज है। ओके वन क्वेश्चन अगेन एंड्रॉइड के बारे में, अब आईफोन से शिफ्ट हो गए हैं तो which brand according to you guys, it might be controversial, which brand first, and we are going to talk to Biwam and Tamil, which brand in 2023 do you think did the best brand of smartphone in Android na in Android no app. To make it interesting it has to be one, agar hum log bole that to fir to maza nahi aayega. Okay, so for me it may be IQ. okay, so for two reason, one when you see at the budget segment, IQ predominantly in the market only to sell the performance. But this time, what they did is with IQ Z7 Pro, it might be a rebranded smartphone, whatever it is. But in a particular price segment, they launched the smartphone with the good processor and also with good cameras. So in my video, and most of the people who are asking about the budget segment smartphone, I recommend that one. And to a far extent, the software is not refined before, but IQ 12 they changed it. Maybe not 100%, but at least by 40% or 30%, they improved a bit. So that's what I personally feel. What about? We have to name one, huh? हाँ तब मजा तो तभी आएगा. You can also say none, so that's fine if you don't want. ऐसा नहीं है कि कोई भी नहीं है. But one thing like. साइफ के दारू बना रहे हैं हमको. None का मतलब है तो. अभी जो मैं नोटिफाई कर रहा हूँ, मैंने बहुत सारे स्टैट्स पढ़े एंड आई कम टू रियलाइज दैट इन्फ्लेशन, जैसे हम जिसकी बात कर रहे थे स्मार्टफोन्स में, तो यूजुअली इन्फ्लेशन नंबर जो गवर्नमेंट हमारे साथ शेयर करती है विच इज़ 6 to 7%, बट इन स्मार्टफोन्स इंडिया में इट वाज 12%. सो आई एम नॉट एक्सपेक्टिंग द स्मार्टफोन प्राइजेस टू गो डाउन इन द कमिंग ईयर, आई एम ओनली एक्सपेक्टिंग दैम टू गो हाई. बट एट द सेम टाइम आई एम ऑल्सो फीलिंग कि जो स्मार्टफोन्स आएंगे वो थोड़ा लीन रहेंगे. They will not be launching every other month. Their product portfolio कम करेंगे. मेरे को ऐसा लगता है. But my question was different. By the way. Yeah. हाँ घुमा दिया. ना बोलो ना यार. मैं दिमाग में percentage calculate कर रहा हूँ इस टाइम पे कि क्या percentage ये क्या पूछा गया था, answer क्या मिल रहा है. हाँ तो उसी पे आ रहा हूँ मैं. One word answer. Actually one word answer. Explanation बाद में. So for me, I think OnePlus Open is a standout device for me, and with that regard, it's OnePlus for me. Yeah. Same here, OnePlus. Why? Because one thing is that they had this green line issue, the software issue, which has been rapidly happening with lot of customers. They rectified it and they gave a proper explanation on why. And again, with their product range, OnePlus 11 and the Open looks very nice. Even the pad is also good. OnePlus. So that one brand that's wrote for you is OnePlus? I cannot stop using the OnePlus Open. It's that good. Also, I mean, a lot of the... Sometimes a single product can define a whole year. Yeah, define a whole year. Because we were all waiting for it as well, right? For OnePlus's first foldable. Did it sell? Yes. OnePlus Open? Okay, I'm not so sure about that. I'm not sure about the numbers. Techies ka perspective. So I'm not sure the numbers, but... Okay, so two things I liked about the OnePlus Open, like the approach of OnePlus towards the Open. One, they didn't make it like कि ये 80,000 का foldable launch कर दिया हमने. Premium है, premium price पे ही launch किया इंडिया में. पता है कि Samsung 1.5 लाख का आएगा तो उनका भी एक 40 का है. Number one, कि they didn't play on the price bit ना. उनको पता है they need to establish that as a premium product. Second thing, they went all out with marketing. Airports जाओ, premium जगह पे जाओ, आपको चारों तरफ Open दिखेगा. So okay, you can't expect results straight from the first year, but it clearly shows the trajectory ahead. कि in the coming years they will be there, and मतलब I think it looks good from this point कि they will have a certain like you know solid lineup in the foldables. Yeah, exactly. I mean I wasn't finished with my answer. Is that OnePlus also not just the Open, across, like they refined their lineup, or they, you know, made it better this year with the Nord CE3 and the Nord 3 and all of those, right? 11R was a fantastic device, 11. So you know that at every segment there's a OnePlus phone to cater to every audience. So even if you don't like the phone or not as a reviewer, people are buying it. I saw so many OnePlus Nord CE3s, it's not even funny. Even at airports, and the Nord Buds 2 are so popular. So OnePlus is actually getting the audience to acknowledge their devices and buy it. So they've done a good job, and I think they will continue to do a good job if they continue to keep it this way. And if they could just kind of do a segregation between Oppo. ये just answer, मतलब question ये कि किसने सबसे ज़्यादा improve किया? Which smartphone brand impressed you in 2023? बस simple. OnePlus for sure. All right. मेरे लिए भी, मेरे को एक चीज़ OnePlus में काफी interesting लगी इस साल. मैं अभी जैसे OnePlus 12 भी आना try करा. It is all an experiment. मतलब सारी चीज़ें, जैसे एक वो जो था अलर्ट स्लाइडर, पहले हटा दिया, फिर राइट साइड में ऊपर डाला, अब लेफ्ट साइड में डाल दिया, एंड उसका सॉफ्टवेयर में कभी ये मतलब ये अपर्चर वाला ऊपर लगा दिया, कभी ये कर दिया. तो एवरी फोन इज़ लाइक फुल ऑफ एक्सपेरिमेंट्स. और उसके वजह से काफ़ी सारे इशू भी हुए, ग्रीन लाइन इशू हुए, बट कुछ एक्सपेरिमेंट चल भी गए. जैसे OnePlus Open वॉज एक मेरे हिसाब से बहुत रिस्की प्रोडक्ट रहा होगा, क्योंकि 1,40,000 का उस प्राइस पे लॉन्च करना. और तो मेरे ख्याल से OnePlus ने वो गट्स दिखाया एक्सपेरिमेंट करने के, उस पे आई वुड गिव इट, क्योंकि OnePlus Open इज जेन्युइनली अ गुड स्मार्टफोन, बट इट इज नॉट देयर येट. अभी एक्चुअल प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट नहीं हुआ है. ब्रांड OnePlus ही मुझे मेरे दो थे, बट मुझे एक ही पिक करना है, लेकिन मैं कहूँगा OnePlus एंड Motorola, ये दो ब्रांड थे जो मेरे हिसाब से दे डिड वेरी वेरी वेल, बट OnePlus इज द विनर बिकॉज ऑफ दैट OnePlus Open. व्हेन OnePlus 11, 11R ये सब आए ना, एंड इफ यू सी द 10, मतलब 2022 के या उनके पहले के those 2 years OnePlus launched shit phones. But this year, 2023, whether all the series you look at it, and whether it is Nord or Nord CE or their 11, 11R, excellent phones, but best thing, OnePlus Open. Wow. And that's why OnePlus is my brand. मैं पाकिस्तान का वो है ना अपना बाबर आजम, वो उसकी निकल कर सकता ना, वो वीडियो वायरल हुआ है जहाँ पे आई थिंक रोहित शर्मा बहुत ही लंबा सा आंसर बोलते हैं इंग्लिश में, और बाबर बोलता है यस माय आंसर इज आल्सो सेम सेम. तो OnePlus है, उसका रीजन यही है अगेन कि OnePlus 7 प्रो था या 7T प्रो था, जिसके ऊपर पॉपअप कैमरा था, कर्व स्क्रीन था, 7 दोनों में, 7 प्रो एंड 7. दैट वाज द लास्ट अमेजिंग OnePlus. 8 9 10 में हमने देखा पूरा डिविएशन, बट दिस ईयर एंड it clearly showed. Yeah. That's the beginning ki 11 11 hours sab sahi chal raha hai. Nord CE3, to give you an example, so I was in BITS Pilani Hyderabad campus. मैंने वहाँ पे कम से कम 500-700 सेल्फीज दी होंगी, और 80% was using वो लाइम कलर का है, कौन सा कलर है वो, लाइम कलर CE3 लाइट. मतलब मैं देख रहा हूँ हर दूसरे स्टूडेंट के हाथ में CE3 लाइट ही है. वहाँ पे CE2 लाइट वाज द हाईएस्ट सेलिंग, CE3 लाइट इज आल्सो गुड, वो हाईएस्ट फॉर द बेटर. इवन Nord 3T लाइट, 3T, amazing performance, good package. Yeah. Open mein they have nailed it. So I think acknowledging the faults, what went wrong over the years, and coming up with a solid, lineup. I think OnePlus. And I remember speaking to OnePlus guys in 2022, and they had told me that you look at 2023, the lineup we have, you will, change the thought process about OnePlus. So they have done it. Yes, sir. Boliye. So I think everybody has already said quite a few interesting things. OnePlus seems to think. एक हमको अभी score करते हैं. IQ 1 मिला है. OnePlus. ये bottle के ऊपर OnePlus क्यों लिखा है? लेकिन मेरा answer OnePlus नहीं है लेकिन. तो edges are different then. बीच का. So acknowledged OnePlus, Motorola you said was fantastic. I think Vivo is another company that is doing some great work. Diplomatic मत है. You only said कि दो मत बोलो और अभी से 3 बोल दो. You've already done all this, na? अब हो गया. लेकिन I'll give a very, very contradictory answer. Another company that has really impressed me this year is another company that is pushing innovation at price points that are not possible. वो markets को open कर रही हैं. It's making people imagine, and that is techno. It's a very unusual thing for a company to have the guts to be able to take so many risks. वो चाहे आप folding phone देखो, आप flip phone देखो. They want to be premium also. They want to bring in things in very different ways. I like the guts of that company and I'd love to see what they do in 2024 because जिन लोगों ने आज तक नहीं सोचा था वो एक फोल्डिंग फोन खरीदेंगे, at least उनको अब थोड़ा सा they still may not be buying it. But I don't know what they are selling. अगर हम देंगे तो जिसने आज तक नहीं लिया फोल्डिंग वो फोल्डिंग I think टेक्नो का तो नहीं लेगा. I bought it. Bro उसका हिंट देखना. थोड़े टाइम बाद वो हिंट झेल रहा है पूरा. I had a personal selfie with that techno fold. आपका वीडियो देख के मैंने वो techno fold लिया and he was very happy with it. So I'm actually surprised. So I work with a lot of analysts who only track this and they track it through various sources including you know from mobile networks कौन सा phone latch on कर रहा है. So they have all these numbers instead of just fake numbers from brands. They've actually sold very well. And the Fold has sold more than their Flip. Yeah, yeah even I like the Camo series. Yeah, it was nice. Okay, I think the last question, and I want to close off with something very interesting. I mean, we all review phones, so we get phones to use. But I'm pretty sure that we're also buying gadgets of our own, right? I'm not so sure. I just want to double check that now. Starting from Rajiv. What's the best or the best and the worst gadget purchase of 2023 for you? Best and worst, huh? Best and worst, one each. So I'll tell you, I'll give think you... Think about it. I'll give you guys time. I think everybody has enough time to think about it. Right? So I think I bought... one of my best purchases has been an LG OLED TV. I'm very surprised at just how good they are getting this technology and at prices that I could not even imagine, right? Absolutely fantastic. And... Because I was in a very big hurry and I was very excited by it because मैं कई सालों से use कर रहा हूँ. My disappointment one was the new Sony XM5s. Oh, it's still a great product. It's just that I still feel that the previous generation is overhead ones. No. You know you should have kept it to smartphone. Did you buy the कौन सा smartphone? Both of them have been bought. ये दोनों मैंने बोला I was in a big hurry so I actually bought it from abroad. मेरा वर्स्ट मेरे को टू ऑनेस्ट याद नहीं आ पा रहा है और ऐसा कुछ हाईलाइट नहीं हो पा रहा है बट द बेस्ट आई नो इज द DJI Osmo Pocket 3 अमेजिंग क्यूट लिटिल कैमरा हैंड हेल्ड इनबिल्ट गिम्बल है इट्स अ 1-inch सेंसर कम्स विद अ माइक दैट्स यू नो ऑटोमेटिकली पेयर्ड विद द कैमरा अच्छी चीज़ है आर यू यूजिंग इट रेगुलरली फॉर कंटेंट क्रिएशन नो सो आई हैवंट यूज्ड इट मच टिल नाउ But I think like if I have to carry just one camera, sometimes you can't carry a big DSLR for vlogging and stuff. Right. और iPhone से करते हो तो again it's a जुगाड़ कि आपको rear camera से करना है, थोड़ा wide angle use करना है, low light में तो अच्छा नहीं होता कई बार, you know, like it has its own complications. So this small gimbal which you can attach a small tripod, वो एक जगह पे टिक जाएगा, and you know self tracking and all those things. So I think it's a good camera. And yeah, best तो ये हो गया, worst का दिमाग में इस टाइम पे आ नहीं रहा है कुछ ऐसा. I have not bought too many things. Honestly, only one I remember and which I think was excellent MetaQuest 3 जो UK जाके लेके आए. We forced you to get it. हाँ. Yeah. So that's all. I don't have. बाकी तो purchase ही नहीं किया मैंने तो. मैंने ना एक चद्दर खरीदी है 2-2.5 लाख रुपए के राउंड की. And उसमें क्या होता है? It is 8 sleep and. ठीक है. वर्ल्ड के जो काफी सारे आजकल फुल बायोहैकिंग में घुस गए हैं फिटनेस हमने बात नहीं किया हेल्थ फिटनेस ऑफ क्रिएटर्स इट इज अ बेडशीट जो आपकी बॉडी के हिसाब से टेम्परेचर चेंज करती है ताकि आपकी स्लीप इंप्रूव होती है एलोन मस्क टॉप के एथलीट्स काफी सारे बिलियनर्स सब वो यूज करते हैं एंड सुनने में लगेगा कि यार कैसी चीज पे सो रहा है बंदा बट उससे मेरी स्लीप काफी ज्यादा इम्प्रूव हुई है एंड मेरे ख्याल से नींद एक ऐसी चीज़ है जिससे लाइफ पे बहुत ज़्यादा बड़ा इम्पैक्ट आता है तो मेरी बेस्ट परचेज अभी तक तो इस साल की वही रही है लिंक भेज देना मुझे हाँ 100% एक क्वेश्चन है स्पॉन्सर्ड नहीं उसको उसकी कोई ऐप वगैरह है क्या नहीं है उसकी ऐप मैंने ज़्यादा यूज़ नहीं करी बस एक मज़ा आता है उसका अच्छा मतलब तो इसमें डू यू डू एनी प्रीसेट या फिर कुछ नहीं करना बस आप मैंने तो ऐसे ही सेट करके लगा दिया था ऑटोमेटिक वो क्वेश्चन इसलिए पूछ रहा हूँ कि मेरे को उठने में बहुत दिक्कत होती है ओके मैं उठ ही नहीं पाता मतलब वंस आई एम मतलब आई एंजॉय स्लीपिंग और मेरी डीप स्लीप बहुत ज़्यादा डीप हो जाती है तो मुझे लगा अगर उसकी कोई ऐसी ऐप है जिसमें यू कैन सेट एन अलार्म काइंड ऑफ थिंग कि सुबह 8 बजे वो एकदम पूरा ठंडा कर दे उसको मैं आंसर कर तो आँख खुल जाए या समथिंग वो एक्चुअली क्या करती है नहीं मैं आंसर कर दूं बिल्कुल so you can actually it's called a silent alarm on this okay it vibrates इसी वाली मतलब वो वाइब्रेशन नहीं 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 no temperature टेम्परेचर इंक्रीज कर देती है, वेरी स्लोली चेंजेस द टेम्परेचर। हाँ वो तो कुछ ऐसा अगर है तो अच्छी बात है। हाँ अरे मेरे फोन पे 150 लाम लगे मेरी आंख नहीं खुलती। वर्स्ट तो आई डोंट परचेस वर्स्ट थिंग्स। वर्स्ट एवर बोल दे चल। वर्स्ट में ना अगर तेरे को बोलना है 2022 में भी खरीदा है तो भी। हमारे लिए वर्स्ट था कि मैं ना रेड का कैमरा लिया था एंड वो आई थिंक पूरा सेटअप वेटअप मिला के 10-15 लाख रुपए का पड़ा था, बट उसको यूज़ करना इतना ज़्यादा टफ है कि हमने उसको 5-6 वीडियो में यूज़ करा हुआ। तो हमारे लिए वो वर्स्ट है, बट किसी के लिए हो सकता है नॉट फिटिंग इन योर रूटीन। हाँ नॉट फिटिंग इन योर रूटीन द वर्क फ्लो। गॉट इट गॉट इट। ठीक है ठीक है। नेक्स्ट मैं बताता हूँ बेस्ट मेरे को लगा, जो मैं ऑडियो प्रोडक्ट्स बहुत ज़्यादा एंजॉय करता हूँ, मतलब सबसे ज़्यादा मैं पैसा खर्च मुझे लगता है ऑडियो वाली चीज़ों पे ही करता हूँ ऐसा जैसे तो एक सोनी की साउंड बार है, सोनी HT A7000 शायद, वो मैंने खरीदी और उससे जो सराउंड साउंड का एक्सपीरियंस मिल रहा है एक साउंड बार से, मैं क्रेजी हो गया। मैंने अपने घर पे लगा रखा है, मैं बहुत एंजॉय करता हूँ विद रियर स्पीकर्स एंड एग्जैक्टली वोट वगैरह नहीं आता। 3.1 या नहीं 7.1 है। हां 7.1 है। वायरलेस है, वायरलेस है। हमने वायरलेस द वन यू पिक्ड अप फॉर द सेम वन यू पिक्ड सेम वन। सो आई आल्सो हैव द सेम वन आई हैव HTS। हाउ मच इज इट फॉर? आई थिंक 1.5 लाख की 2.5 लाख का पूरा सेटअप, पूरा पीछे रियर स्पीकर्स एंड द वूफर मिला। अच्छा उसमें रियर स्पीकर्स भी लगाए मैंने, सब ऐड कर सकते हो, कितने भी स्पीकर ऐड कर सकते हो। क्रेजी एक्सपीरियंस। वाइट मेरे को मतलब सैटिस्फाई करता है। ये साउंड बार बोल रहा है यार। हां सिर्फ साउंड बार भी अगर खरीदना हो, नो नो यू कैन गेट अ साउंड बार प्लस दोस। हाँ, सब I thought it only comes as a package with the two speakers at the back. No, 4 speakers and sound bar. ले लो कहीं पे भी fit करो pool में, बस power देना पड़ेगा। Sony का naming convention coming back to this thing. I think the A9s were the ones with the 4-speaker setup, and there was the A7000 with the sound bar. The subwoofer comes with it. हाँ, so minus A9. Subwoofer comes with it. एक तो जब उन्होंने XM5 बोला तो headphone या earphone पूछ रहे हैं। Subwoofer का package convention भी अजीब होता है। Particular product तो वो bundle में आता है, मतलब वो बंडल में आता है। मैंने बंडल लिया पूरा और मैं बहुत खुश हूँ। वर्स्ट की बात करूं सेटअप और वो पूरा मतलब बहुत तगड़ा है। कितने? 2.5 लाख। दूसरा जो वर्स्ट मैं रिकॉल कर पा रहा हूँ क्योंकि ऐसा कुछ मैं मतलब ऑल टाइम का बता रहा हूँ, वैसे खरीदा मैंने अभी है रिसेंटली। वीडियो बनाने के लिए मैंने ब्लैकबेरी पासपोर्ट लिया था। ए भगवान क्यों बनाया था वो? ऐसे मत बोल यार, मेरा मैं उसको यूज करता था और बहुत तगड़ा फोन था वो। अब आज उसका एक्सपीरियंस खराब है ना, बिकॉज आज तूने वो आईफोन 6 के टाइम का था और मैं उससे कंपेयर कर रहा था साइड बाय साइड। मुझे लगा यार ना कितना कुछ गलत था उसमें। उस टाइम पे यूज कर देखो तो आई यूज टू टेक्स्ट, और उसमें क्या होता है द कीपैड इज ऑल टच सेंसिटिव। आप टाइप कर रहे हो, आपको वो प्रेडिक्टिव टेक्स्ट में ऊपर 3 ऑप्शंस देता था, एक इधर एक इधर एक इधर। आप जिस एरिया में कीपैड पे स्वाइप करोगे वो वाला वर्ड आ जाएगा। एंड आई यूज्ड इट लाइक क्रेजी। उसका स्क्रीन it's I think 1440 by 1440 resolution like a square. तो आज मेरा फोन है, मैंने यही तो कहा ऑफ ऑल टाइम जो कि मैंने अभी 2023 में खरीदा, उसमें मुझे कीबोर्ड में क्या प्रॉब्लम फेस हुई कि लिटरली लेटर्स हटा के उन्होंने स्पेस बार लगा दिया वहाँ पे बीच में। मतलब मुझे एक लर्निंग कर्व लेकर आना है कि अगर मुझे कीबोर्ड यूज करना शुरू करना है तो मुझे आदत डालनी है कि हाँ भाई मेरी स्पेस बार लेटर्स के बीच में होगी, जहाँ B होना चाहिए वहाँ स्पेस बार है। कोई नहीं भाई, बाकी चीज़ें जब मैंने देखी वो फ़ोन सिर्फ और सिर्फ लर्निंग कर्व्स मांगता है। वो कहता है पहले मुझे चलाना सीखो। बट में ब्लैकबेरी हब होता था BBOS में जिसमें पासपोर्ट, तो उसमें तो स्वाइप कर साइड में एक ही जगह पे व्हाट्सएप के थ्रेड्स भी हैं, चैटिंग के, फेसबुक के थ्रेड्स भी हैं और ईमेल भी हैं और टेक्स्ट, सब कुछ एक साइड में। बट मैंने सुना है कि उसमें अमेजिंग थिंग, बट मैंने सुना एपीके वगैरह नहीं चलती थी काफी सारी उस टाइम पे, स्टार्टिंग में चलता था काफी सारी। ट्रांजिशन हैपेंड तो उसमें Amazon का ऐप स्टोर डाल के जुगाड़ था, बट ओनली टू अ सर्टेन टाइम। उसके बाद मेरा तो पता है क्या हुआ, पासपोर्ट गैल टेलियो मैं इंस्टेंट स्टोरी। मेरा पासपोर्ट था, इट्स अ स्क्वायर डिवाइस, नीचे से उसका जो साइड है इट्स लाइक अ वेरी शार्प एज डिवाइस। तो वो मैंने ऐसे खड़ा कर रखा था टेबल के ऊपर और वो केवल ऐसे ही हाथ लग के ऐसे गिरा, बस दिस वाज द डिस्टेंस दैट इट फेल, और स्क्रीन पूरा उसका देखा। वर्स्ट प्रोडक्ट भाई, otherwise was good. Ershad. So obviously I also don't buy a lot of tech. लाखों में तो बिल्कुल नहीं, but what I picked up recently was a Backbone One. वो एक it's a controller that you attach to your phone, right? I mean, और मेरे को गेमिंग में बहुत इंटरेस्ट है, so I don't get time to play the PS5. So अभी iPhone 15 में भी you can play all the games. Like I mean, Resident Evil is already out there, so I wanted to play that and a lot of indies जो मेरे को खेलना था. तो best purchase ever because मेरे को अच्छा 50% ऑफ भी मिल गया, 5000 में मिल गया. I was like damn happy. Worst purchase was an audio product. I'm like a audiophile, so I spend money on audio products. So there was a FIO FH5. तो वो तो मतलब भाई कितना बड़ा इम्पल्सिव परचेस था एंड इट वाज सो बेस हैवी, मेरे को बिल्कुल नहीं पसंद है। आई डोंट नो व्हाट टू डू। कौन सा? क्या? Fio FH5 किसी ऑडियो दोनों कितने का है ये? आई गॉट फॉर अबाउट 19-20,000। और ये जो बैकबोन कंट्रोलर है, दिस वन is a Bluetooth or you have to connect it? No, it's like a Type C one, right? So it gets, so it attaches to your thing, your phone, any phone. Very nice, but he keeps playing that, so yeah. I love it. Okay, I have two best. One is just like he said, the Pocket, yeah, the Pocket 3 DJI, and another one is a TWS, which is called Moondrop Space Travel. It's cost around like $25. I think you can import here also 3,000 rupees or something. Very good stuff for that price. Worst will be Sony Xperia 1 Mark 5. That phone. Achha. Okay. You bought it. The problem. He buys a lot of it. The problem with Sony, in my experience, the last Xperia 1 Mark 1, 2, 3, 4, 5 is that they're having good hardware. बट सोनी ने ना कॉम्पिटिशनल फोटोग्राफी सीखी नहीं है, तो कैमरा सेंसर इज गुड, ऑप्टिक्स एवरीथिंग इज गुड, बट फोटो खींचते हो नाइट मोड नहीं था अब तक, तो अब जाके नाइट मोड आया। सो व्हाट गूगल, सैमसंग, एप्पल हैव बीन डूइंग ओवर द इयर्स, सोनी डिडंट लैच ऑन टू द कॉम्पिटिशन फोटोग्राफी, और इसलिए द लाइक फोटोज वीडियोज तो एकदम खराब है उसमें। ऑलराइट, बी बॉम, द बेस्ट परचेज इज एक्चुअली we bought a speaker for one of our videos. It was lyric speaker. Whatever you play, Hindi, English, Punjabi, कुछ भी, it will start the lyrics और वही style में lyrics आएंगे जिस mood का वो song है. And it's a really nice thing and I kept it on in my home and I enjoy it. It's a nice motivation starter. I don't know दो ही पे है वो. और worst actually होंगी बहुत सारी. Team actually purchases a lot of stuff. Worst वो मेरे को नहीं बताते. That is for sure. So I'm not sure about the worst, but that was the best. Team अपनी गलतियाँ छुपा के रखती है। ये पता नहीं चल रहा कि इधर पैसा बर्बाद हो गया है। Store room full of worst products. हाँ, वो तो है। All right, Tawil. So my best tip would be two things. One is hardware side. Insta360 एक नया खरीदा था मैंने 360 के लिए. Just take it in your hand and you can cover everything. You don't have to, जैसे vlogging के लिए हर बार phone निकाला, नहीं तो camera निकालना, बात करना. We can give the voiceovers, just enjoy the moment. That one. And second thing is software. After paying a lot of amount for Adobe ka software, we switched it to DaVinci Resolve one time ka. That was the best decision and the best software for editing. Worst take a smart ring. I bought it for 10K and it's not worth it. Which Boat ka smart ring hai. Oh, Boat ka. Oh, yeah. I thought something from abroad or something. Tracking were not onto the point. Sleep tracking hai, because we used to wear it. The least thing, no, this was my engagement ring. The least thing that this is not the worst from me. This is the best thing. The best. This is the best one. Ajay, listen, I'm going to interrupt. Should we do a thumbnail? I'll have to leave. Okay. Thank you so much, bhai. Thank you. No. Thank you for coming. This was fantastic. Thank you. Great initiative. See you. Bye, Shlok. Okay. Bye. Take care. Good to see you. We'll sit and chat for sure. Okay. Thanks. Great initiative. Lots of hard work. Good to meet you. We'll catch up again. Okay. Nice to see you. We'll also sit and chat at some point. Definitely, sir. Good meeting up here. Best of luck. अब मुझे ये सवाल पूछना था एक्चुअली, ये तुम लोग हेल्थ का कैसे ध्यान रखते हो यार? मतलब so I really want to know because 2023 for me I have focused on health like crazy. क्योंकि लास्ट ईयर तक मैं देख रहा था यार, आई वॉज जस्ट गोइंग मैड लिटरली, वर्किंग, बट हेल्थ पे जब से ध्यान देने लग गया, इट हेल्प मी इन माई वर्क एज वेल. आई फाइंड माई सेल्फ गेटिंग इवन मोर फ्री टाइम नाउ. आई डोंट नो हाउ, प्रोडक्टिविटी बढ़ गई है, क्या हो गया है, माई माइंड इज इन अ बेटर स्पेस. बट हेल्थ आप लोगों का क्या, व्हाट इज योर? मेरे ख्याल से क्योंकि आई हैव बीन पार्ट ऑफ ये बायोहैकिंग कम्युनिटी एंड सारी चीज़ें, अभी तो हमको लगता था कि यार 60-70 साल में जीना इज लाइक, हाँ ठीक है, इससे बुढ़े हो जाएंगे. मैं जितने लोगों से मिला हूँ जो इस कम्युनिटी का पार्ट है, जो टॉप टियर टेक्नोलॉजीज पे काम कर रहे हैं, एज रिवर्सल की, आज से कुछ साल बाद या अभी भी जो टेक्नोलॉजीज है वो आपको 100-150 साल जी सकती हैं, मतलब उनके थ्रू आप जी सकते हो. एंड आप ऐसी, इट्स नॉट जस्ट आप जी पाओगे, आप एक 30 साल की उम्र की हेल्थ वाले बंदे की तरह आप जी सकते हो 80-90 साल. एंड आई थिंक एक्टिव लाइफस्टाइल कर सकते हो, ट्रेकिंग, साइकिलिंग, बहुत नेक्स्ट वाली चीजें. एंड वो सो व्हाट यू आर डूइंग समथिंग लाइक दैट. हाँ, 100%. बहुत सारी मशीन्स हैं, जैसे बहुत सारी चीजें हैं, जैसे इट इज डाइट, देयर आर मशीन्स देयर आर टेक्नोलॉजी, जैसे फॉर एग्जांपल अभी ऐसा होता है कि ज़्यादातर लोग किसी ना किसी चीज़ में डेफिशिएंट है, एंड जैसे जैसे साइंटिस्ट रिसर्च कर रहे हो फाइंड आउट कर रहे हैं कि हर चीज़ इज़ बिकॉज ऑफ अ डेफिशिएंसी, कि आप कुछ सही से खा नहीं रहे हो तो आपको पैनक्रियास सही से काम नहीं करता है एंड वो डायबिटीज़ बन जाता है, आप कुछ सही से खा नहीं रहे हो वो बेसिकली इवेंचुअली कैंसर बन जाता है। एंड ये रिसर्च हो चुकी है, क्लिनिकली प्रूवन हो चुका है कि अगर आप कुछ चीज़ें खाते रहोगे जीवन भर आपको ना डायबिटीज़ होगा ना आपको कैंसर होगा ना आपको बीमारी होगी। एंड वो सप्लीमेंट्स आते हैं सारी चीज़ों के लिए, इलाज के लिए सप्लीमेंट्स आते हैं। हाँ अभी देख रहा था मैं, यू आर ईटिंग सो मेनी, हाउ मेनी टैबलेट्स डू यू ईट दैट सप्लीमेंट्स? मैं टैबलेट्स इज लाइक, वो ना सुनने में थोड़ा अजीब लगेगा कि मैं 20-22 टैबलेट खाता हूँ दिन की, पर वो टैबलेट ऐसी है कि लाइक हल्दी का पाउडर, नीम का पाउडर, ये कुछ फिश ऑयल है, ये है, तो बहुत बेसिक सप्लीमेंट टाइप रहती हैं वो, दवाइयाँ नहीं हैं बट वो हैं, वो सप्लीमेंट्स हैं। एंड वो अब बहुत डेवलप हो गए हैं, बहुत रिफाइन हो गए। एंड दूसरी चीज़ है कि ऐसी टेक्नोलॉजीज आ गई हैं जिससे बॉडी में जो आप नेचुरली एक्सरसाइज करते टाइम करो या फिर चीज़ें करो, जैसे एक बॉडी सूट है, अगर आप उसको पहन के आधा घंटा वर्कआउट कर रहे हो इट इज़ लाइक वर्किंग आउट फॉर 4 घंटा। तो अगर आप उसको पहन के बस आप नॉर्मल वर्क का काम भी कर रहे हो तो आपका बेसिकली एक वर्कआउट सेशन हो जाएगा। एंड एक मशीन है, स्कल्प्टर बोलते हैं उसको, उसमें क्या होता है कि वो ना इलेक्ट्रिकल सिमुलेशंस बॉडी के अंदर, तो आप पेट में अगर लगाओ तो आप आधे घंटे के अंदर 20,000 के अराउंड पुशअप कर सकते हो। और बॉडी को वो बेसिकली करता है कि बॉडी को ना इलेक्ट्रिकल सिग्नल देता है, तो मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होती हैं फिर होती हैं, कॉन्ट्रैक्ट होते हैं फिर होती हैं, ऐसा बहुत क्विकली होता है एंड दर्द होता है, बट ये सारी चीज़ें वर्क करती हैं। क्योंकि मैंने 7 सेशन करे थे स्कल्प्टर के एंड मेरी एब्स थोड़ी सी बेटर हो गई एंड ओनली इन 7 सेशंस। हाँ 7 सेशंस, बट वो बहुत इट इज पेनफुल। वी ऑल वांट टू सी योर एब्स। अभी तो नहीं है, नहीं अभी नहीं है बट जैसे आएंगे सबसे पहले आपके लिए। बट मेरा वो मोमेंट आ रहा है नायक मूवी का, मेरा ये फंस गया साला बट ये इट इज लाइक एन एक्सपेरिमेंट, ये हो सकता है चले हो सकता है ना चले। सो यू आर डूइंग लॉट ऑफ बायोहैकिंग एंड हेल्थ, सो यू आर फोकसिंग ऑन दैट। हाँ कुछ और लोग हैं जिनसे मैं कनेक्टेड हूँ एंड वो भी सेम पाथ में है। अब ये मेरे ख्याल से जितना मुझे लग रहा है, मैं साइंस में और इस कम्युनिटी में बहुत विश्वास करता हूँ एंड जो मैंने आउटपुट अपनी बॉडी के लिए देखे वो बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव है। तो मैं करके देखता हूँ और मुझे हमें पता चल जाएगा, पता चल जाएगा। एंड वीडियो तो आते ही हैं। हाँ वीडियो में वो बीच में कुछ किया था ऐसा, मैंने थंबनेल देखा, वीडियो नहीं देखा। वो टेस्टिंग है, वो बेसिकली मेरे हिसाब से बहुत सिंपल फिलॉसफी है हेल्थ को इम्प्रूव करने के लिए एंड इवन बिजनेस में भी है कि जिस चीज़ को आप मेजर कर सकते हो उस चीज़ को आप इम्प्रूव कर सकते हो। तो अब आप ब्लड टेस्ट लोगे तो आपने विटामिन डी, A, B, C जो भी आता है सबको आप मेजर कर सकते हो। ऐसी आप अपनी लंग्स को भी अगर मेजर करो, आप अपने पेट को, पैंक्रियास को, सारी चीज़ों को मेजर करके आपको पता चल जाए कि आपकी बॉडी में ये चीज़ें खराब हैं एंड उसको आप ट्रैक करके इम्प्रूव करते रहो तो बेसिकली आपकी बॉडी भी इम्प्रूव होती जाएगी। एंड जैसे जैसे इम्प्रूव होती जाएगी आपकी एक बायोलॉजिकल वो होती है, एज होती है, जो रेट ऑफ एजिंग बोलते हैं उसको, कि अगर आप 1 साल जी रहे हो तो ज़्यादातर लोग अगर गंदा खाना खा रहे हैं, एक्सरसाइज नहीं कर रहे तो अपनी एज को रिड्यूस करते हैं, तो 1 साल जी के वो 2 साल ज़िंदगी अपनी खींच रहे हैं। तो अगर आप उसको कम कर लो, 0.5 कर लो, 0.3 कर लो, तो बेसिकली जो आपका रेट ऑफ एजिंग है, आप अगर 1 साल जी रहे हो तो आप बेसिकली उस साल में आपने बस 3 महीने खर्च करे, तो आप 1 साल 3 साल जियोगे तब जाके आपका 1 साल खत्म होगा, तो आप 150 साल जी सकते हो। बहुत लॉट ऑफ बायोहैकिंग गोइंग ऑन हियर। एंड इसमें एक चीज और मैं ऐड करूंगा कि हमको इंडिया में बैठे लगता है कि ये सारी चीजें ना कॉमन नहीं है, कि 70 साल में कौन ट्रैकिंग और जिसकी एब्स हैं, बट दुनिया में ऐसे कंट्रीज हैं, ओकिनावा जापान में कंट्री है, वहाँ पे इट इज कॉमन 80-90 साल के लोग ब्लू जोन्स एंड ट्रैकिंग करना, बहुत ही एक हेल्दी लाइफस्टाइल जीना। तो ये पॉसिबल पहले से, बस उसको ब्रेक डाउन करके थोड़ा साइंटिफिक तरीके से वो दिया जा रहा है और मेरे ख्याल से फ्यूचर है एंड लोग जिएंगे 150 साल, बट अभी पैसा बहुत लगता है। अच्छा इसमें एक क्वेश्चन है मेरा। सो आपने बताया था योर डाइट इज द मेन थिंग, राइट? सो डू यू प्रिफर foods that are only like raw fruits and veggies, that thing, or what about the impurities that we usually have in our daily day-to-day foods? लाइक इन आटा का भी है, उसमें भी थोड़ा, उसको क्या करते हैं आप? तो मेरा तो बहुत मतलब उसका कुछ कर नहीं सकते, जिस चीज का कर सकते हैं उसका कर लेते हैं। इसलिए तो पूछ रहा हूँ बिकॉज यू वेंट टू चेन्नई एंड डिड ऑल द टेस्टिंग एंड एवरीथिंग, दे कैन टेल यू दैट यू ईट हाफ केजी का ये खाओ फ्रूट्स का, नहीं तो 100 ग्राम का ये खाओ, दोस थिंग्स यू कैन, बट द इम्प्योरिटीज इन योर फूड व्हिच वी कांट सी डायरेक्टली, बट इट इज लाइक कि एनी सॉल्यूशन। इस सोसाइटी में रहने में हम यहाँ पे बैठे बैठे हमने 5-5 सिगरेट फूंक लूँ क्योंकि दिल्ली है, तो उसका कुछ कर ही नहीं सकते। उसके लिए आप शिफ्ट हो सकते हो, आप मे बी केरला शिफ्ट हो जाओ, वहाँ पे इम्प्योरिटी कम होगी। तो दैट इज व्हाट आई विल आल्सो डू। यू आर प्लानिंग टू डू, ही इज प्लानिंग टू शिफ्ट टू योर सिटी, कोच्चि। आई एम प्लानिंग ऑन कोच्चि। आई थिंक टू व्हाट एक्सटेंट यू कैन गो टू वो डिपेंड करता है। जैसे एक बंदा है ब्रायन जॉनसन करके, वो अपने घर से ही नहीं निकलता, वो अपनी खुद सब्जी पकाता है, सारी चीजें खुद करता है। जी के क्या फायदे जब वो घर में, बट वही है, बट वो अपने ऊपर एक्सपेरिमेंट करके हमारे लिए नहीं। जस्ट वांटेड टू नो बिकॉज़ ये तो पूरा का पूरा वो भया हैकिंग, वो पूरा टेक्नोलॉजी समझ गया ना, सो इसलिए अच्छा था। यू कम अप इन फार्म्स, यू स्टे वेयर देयर आर लॉट ऑफ फार्म्स एंड दिस थिंग, सो यू मस्ट बी गेटिंग प्योर। नो नो नो, impurities is all the way, because even while seeding itself they use the pesticides and everything, they grow the fruits. Do you do any exercises? Nothing. And you stay fit like this? No, I was not fit. जैसे आप 4 महीने या 5 महीने के पहले जब मिला था, उस टाइम पे आपने बताया था ना, बिफोर चाइना पे जब मिला था, उसके बाद में पुणे में जब आया था इंग्लिश, बिकॉज दैट्स व्हाट आई वाज अबाउट टू स्पीक एक्चुअली। फिजिकल हेल्थ एंड मेंटल हेल्थ दोनों एक चीज, बड़ी चीज होती है क्रिएटर्स के लाइफ में। सो आई कीप ऑन रनिंग इन द मॉर्निंग एंड डे in and out, because I have to oversee everything. जब तक आपका एक अच्छा टीम नहीं बन पाता है ना, you have to do everything which we usually do for the past 8 years. Then mental health with all the negativities happening around you and a lot of things that is going around you personally and professionally, उसको भी tackle करना पड़ता है. So managing these things was my priority this particular year. Going forward, it will change. Right. Because after having a lot of discussion and a lot of, I got to take a lot of things in my mind. Awesome. संचित भाई, हाँ तो मतलब मेरे पास बहुत पर्सपेक्टिव है इसको लेके, हेल्थ को लेके, खासकर क्रिएटर्स की। तुम क्या कर रहे हो? नहीं मैं क्या कर रहा हूँ आपको बताता हूँ एग्जैक्टली, मैं उसके पीछे कॉन्टेक्स्ट देना पड़ेगा। जैसे श्लोक ने टेक वाली साइड बताई, मैं इमोशनल साइड बताता हूँ। मेरे साथ ये प्रॉब्लम हुई है जब से यूट्यूब मैंने स्टार्ट किया है। ऑब्वियसली सारे काम खुद करने पड़ते हैं इनिशियल डेज में, तो स्ट्रेस लेवल बढ़ता है और स्ट्रेस मेंटल भी होता है। ऑब्वियसली पता नहीं होता, सीरियसली नहीं पता होता स्ट्रेस है क्या, एंग्जाइटी क्या है, डिप्रेशन क्या है, सब तीनों चीज़ें अलग अलग होती है। बस ये वर्ड्स हमें लगता है वर्ड्स है, बट ऐसा एग्जैक्टली में है नहीं, सब चीज़ों के पीछे डिफरेंट स्टोरी है। तो मैं स्ट्रेस में था, मुझे कभी नहीं पता था, मुझे आइडिया ही नहीं था। सबसे पहले मेरे को दूध पचना बंद हुआ, मतलब लैक्टोस इंटॉलरेंट हो गया मैं, पनीर नहीं खा सकता, दूध नहीं पी सकता। फिर एक अजीब सा शिफ्ट आया लाइफ में, मैं ओट मिल्क ले रहा हूँ, अब वो ऑब्वियसली एक्सपेंसिव भी पड़ता है वो। फिर उसके बाद सडनली मैं देखता हूँ मैं प्रोटीन नहीं डाइजेस्ट कर पा रहा, फिर बहुत सारे प्रोटीन चाहे फिर वो दाल हो, चिकन हो, कुछ भी हो, मैं नहीं कर पा रहा। मेरे साथ ये सब कुछ मतलब 3 साल के अंदर अंदर हुआ है, बट मेरा क्या फोकस था, यूट्यूब पूरे टाइम में यूट्यूब में लगा हुआ। तो वो था, मुझे समझ ही नहीं आ रहा था मेरे साथ क्या हो रहा है। मुझे लगा बुरा फेस चल रहा है लाइफ का, हो जाएगा ठीक यार। बट फिर बियर बाइसेप के पॉडकास्ट पे एक बात चल रही थी, पॉडकास्ट सुनता रहता हूँ मैं, मनीष पांडे शायद काफ़ी लोग जानते होंगे, वो क्रिएटर्स के लिए काफ़ी कुछ करते रहते हैं, इज योर फ्रेंड ना। तो उन्होंने एक बार ऐसे ही कॉन्वर्सेशन में बोला किसी से, मतलब आई थिंक रणवीर अलाहाबादिया से बोला होगा, कि क्रिएटर्स जो है ना, इनको अभी पता ही नहीं है कि साइड इफ़ेक्ट क्या है यूट्यूब के। अभी हमें हम लोगों को आइडिया ही नहीं है क्योंकि इतना नया है सब कुछ। कुछ लोगों को हिट करता है, कुछ लोगों को नहीं। मैं शायद अनलकी था कि मुझे हिट कर गया सब कुछ कि मेरे को तो अब मैं रिसेंटली एक देख रहा था पॉडकास्ट रणवीर का ही, रणवीर ने खुद बोला कि मुझे सडनली चीज़ पचना बंद हो गया, मैं लैक्टोस इंटॉलरेंट हो गया हूँ। शायद से श्लोक ने भी बोला था बीच में कि मुझे दूध पचना बंद हुआ है। तो मतलब मुझे ऐसा लगता है स्ट्रेस क्रिएटर्स को हिट कर रहा है, बट हमें रियलाइजेशन ही नहीं है, डिफरेंट डिफरेंट वे में हिट कर रहा है, आई थिंक सो। बट इससे मुझे थोड़ा अंदाज़ा लगा कि मेरे को स्ट्रेस की प्रॉब्लम है। वैसे शादी करके सब ठीक हो गया तो मतलब जो कर दिया नहीं, मतलब मजाक साइड में। खैर स्ट्रेस के ऊपर, स्ट्रेस मैनेजमेंट कुछ एक चीज़ होती है, मुझे अभी पता लगा है। हो सकता है भाई किसी की लाइफ में एक काम कर जाए जो चीज़ मैंने बताई है, बट हाँ स्ट्रेस मैनेजमेंट एक प्रोसेस है जो लाइफ में लेना चाहिए अगर आपको स्ट्रेस होता है। तो ये चीज़ मैंने सीखी, वो मैं कर रहा हूँ। बोलिए गौरव भाई, बीच में आपके मसल बहुत रील पे वो अभी भी दिख रहे हैं। अभी आते हैं, मैंने अभी थोड़ा सा ब्रेक लिया हुआ है, बट मुझे क्या लगता है ना, मतलब इफ यू जस्ट फॉलो द बेसिक्स, बेसिक्स मतलब वर्कआउट करो आधा घंटा एक घंटा व्हाटएवर, यू जस्ट वॉक और गो फॉर अ जॉग या लिफ्ट वेट्स या व्हाटएवर, बेसिकली देन देयर हैज टू बी अ बैलेंस between your diet, between your sleep and your workouts. As long as you have those basics set right, आप जिम में जा रहे हो, आप पसीना निकाल रहे हो, आप जॉगिंग पे निकले हो और आप पसीना निकाल रहे हो, आई थिंक इट ड्रेन्स ऑल द नेगेटिव एनर्जी, इट फ्रेशन्स यू अप। सुबह उठ के अगर आप वर्कआउट कर रहे हो तो फॉर द रेस्ट ऑफ द डे यू आर कम्प्लीटली चार्ज रहोगे, अच्छे थाट्स आएंगे, काम अच्छा करोगे, तो इट्स अ लूप, मतलब इट्स अ पॉजिटिव लूप दैट यू गो इन टू। तो एज लॉन्ग एज आप एक बैलेंस मेंटेन कर रहे हो, मतलब हफ्ते में आप एक दिन पार्टी भी कर रहे हो, बट आपको पता है अगले दिन की मैंने कल रात को जो अपना उल्टा सीधा खाया, ये मेरे को बैलेंस करना पड़ेगा, मैं 2 घंटे अभी यहाँ पे पसीना निकाल रहा हूँ। तो एज लॉन्ग एज योर बैलेंस शुड बी फाइन। एकदम मतलब आई एम नॉट द पर्सन जो किसी भी केस में एकदम वो हो जाएगा, मतलब मैं वो आदमी की तरह अपना घर में बंद कर लूँगा, मैं वो नहीं हूँ। या फॉर एग्जाम्पल श्लोक ने अपना रिसर्च किया, मतलब मैं इतना एक्सट्रीम नहीं जाऊँगा, लगता है कि एज लॉन्ग एज बेसिक्स मैं कर पा रहा हूँ इट्स अ गुड इनफ थिंग, एंड एटलीस्ट टू स्टार्ट विद वो तो करना ही है, बाकी सब चीजें तो ऑन टॉप है उसके ऊपर यार। वैसे मैं एक दो चीजें, सॉरी आई विल शेयर एक दो चीजें, क्योंकि ये बात हो रही थी तो मेरे को भी सेम दिक्कत थी। कुछ विटामिन्स की कमी से डिप्रेशन भी हो जाता है, मतलब इफ यू आर डेफिशिएंट इन कुछ विटामिन्स, आई थिंक बी के कुछ विटामिन्स होते हैं, फॉर अ पीरियड ऑफ 2 to 3 years आपको डिप्रेशन हो जाएगा, आपको एंग्जाइटी अटैक्स आने लगी। एंड विटामिन डी से नींद खत्म हो जाती है, जैसे मेरे को प्रोटीन ही बच रहा था, B1 एंड B12 की सप्लीमेंटेशन से मेरे को प्रोटीन अब अच्छे से डाइजेस्ट हो रहा है। तो आई थिंक मतलब अगर थोड़ा खाने को भी हम कॉन्शियसली देखें ना, मतलब ज़रूरी नहीं है टैबलेट लेना, ये न्यूट्रिशनल ईस्ट में होता है, अंडों में होता है, कहीं कहीं चीज़ होता है, वो सब सप्लीमेंट करके अगर आप सही से खाना खा रहे हो, हो सकता है आप डिप्रेशन को रोक दो, हो सकता है आप एंग्जाइटी अटैक्स जो स्ट्रेस वगैरह सारी चीज़ें उसको रोक सकते हो। तो मैं बोल रहा हूँ ना, होता क्या है बेसिकली दिस क्रिएटर स्पेस, बिकॉज ऑफ द प्रायोरिटी सेट टुवर्ड्स दैट एवरीथिंग एल्स टेक्स अ टोल। टाइम पे सो नहीं पाओगे, खाना पीना रैंडम होगा, ट्रैवलिंग हो जाती है बहुत बार, उसकी वजह से रूटीन सेट नहीं हो पाता, तो इट गेट्स अफेक्टेड। अब वो 1 साल में दिखे या 2 साल में दिखे या 5 साल में दिखे, डिपेंडिंग ऑन कि आपकी बॉडी कब तक उस चीज़ को झेल सकती है, कभी तो आपको उसका रिजल्ट मिलेगा। तो आई थिंक बिकॉज ऑफ द काइंड ऑफ बर्नआउट्स आप फेस कर रहे हो, या आप टू मच एनग्रोस्ड इनटू जस्ट योर लाइक क्रिएटिंग थिंग, तो उस चीज़ का आई थिंक एक बैलेंस ज़रूरी है बस। एज लॉन्ग एज इट्स बैलेंस्ड टू स्टार्ट विद, वो होना चाहिए, अगर वो नहीं होगा तो उसका नेगेटिव तो होगा ही होगा। इरशाद बोलो। I am seeing the journey right in front. He's lost something like 15 kgs. Abhi, so he's on his way. Yeah. So bad eating habits, yaar. I mean, because stress eating हो जाता है, कुछ भी खा लो, and never cared about health. I obviously play a lot of cricket and like we started playing cricket in office. ठीक है? Yeah. So I have also ensured कि सब पूरा team Saturday को every Saturday we play cricket. So एकदम like proper like I couldn't run and I'm like this is not me, like this is not me, like earlier, so I had to take some changes, make some changes. I didn't start with exercise, obviously. I used to only play cricket, but I started intermittent fasting properly, and then I cut sugar from my life. I don't generally prefer sugar either, but sugar is not required for your body. Very good advice. Yeah, so it's not. I mean, sugar that's the best. Both of us don't eat sugar. Yeah. I mean, additional sugars, but total. I mean, and then also like. प्रोटीन इनटेक एंड एवरीथिंग दैट्स नॉट बीन अ प्रॉब्लम, बट कार्ब्स कट करना, वो सब बेसिक जो चीज़ें बोलते हैं ना वही बेसिक करना, इट्स मेकिंग अ डिफरेंस। एंड नाउ आई हैव स्टार्टेड प्रॉपर एक्सरसाइजिंग एज वेल, व्हिच इज बेसिकली वॉकिंग एंड रनिंग, सो इट्स हेल्पिंग। सो आई वाज 110, नाउ आई एम लाइक नाउ आई एम लाइक 98. Yeah, I was 110 on one point of time. I was like literally into YouTube space. I was in a very bad mental stage. Yeah, ये common हो रहा है, bad mental space. Every YouTuber it reflects into your routine. दिक्कत वो है, दिमाग सही नहीं है, आप सो नहीं पाओगे, सोओगे नहीं, अगले दिन उठ नहीं पाओगे टाइम पे, दिन आपका तो इट्स अ लूप। सर ये जो YT क्रिएटर स्टूडियो ऐप है ना, वो जो आपको रियल टाइम में दिखा रहा है, अब 10 व्यूज बढ़ गए, अब 20 बढ़ गए, देखो डिपेंड, वही मैं कह रहा हूँ, डिपेंड आप कितना यूज कर रहे हो। फिर वो कमेंट दिखा रहा है, फिर आपको पता है रियल टाइम में आपको फीडबैक मिल रहा है, ऑडियंस को बुरा लग रहा है, अच्छा लग रहा है, ये बहुत स्ट्रेसफुल चीज है जो किसी पे हो सकती है। सो आई डिड went for like a therapy session with a proper psychologist. That kind of that was the initial thing. Then after that, does it help? Yeah, it does. It does help. It does help. Yeah, it does. How many sessions you had? I had a proper. Help for you? Well, I didn't. I don't believe. Okay. All of these. So I for me it works. So it's fine. So no, it's about how we perceive it. They will give their input based on our whatever saying we have, but we need to act accordingly, na? So it might differ person to person. Yeah, that is there. So for me it worked, and after that I decided I have to reduce my weight. So I started strength training. No, I heard a dietitian. I have a back issue. I have a spine issue. I have a slip disc. Okay. So I can't work out or lift heavy stuff or run for a very long time. So I have a dietitian. I'm still following a proper diet. So that's how I reduced it to 98. Still, majority. Devinder, you are एकदम वैसे भी slim and trim. हाँ वो तो है. वो तो है. तो so you do something for it or it is all natural? Multiple things. I'm going to tell you that only. सबसे पहले जैसे अभी हम बात कर रहे थे YouTube स्टूडियो की या फिर YouTube जब जितना ज़्यादा हम stats देखते हैं फ़ोन पे उतना ज़्यादा anxiety भी होती है और थोड़ा सा कई बार नहीं ऊपर नीचे चल रहा होता है व्यूज़ का गेम तो आपको नहीं अच्छा लगता. तो अभी हम शूट से पहले आप मेरे को एक वीडियो दिखा रहे थे एंड आई टोल्ड हिम कि यार मेरे पास तो यूट्यूब नहीं है, मैं सफारी पे देख रहा हूँ बिकॉज मैं डिटॉक्स कर रहा हूँ. सो द आइडिया इज सिंपल, मैं ये सब ऐप्स अपने फ़ोन पे रखता ही नहीं हूँ बिकॉज आई एम सो एनग्रॉस्ड इन द ऑफिस. यूट्यूब, इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर, नन ऑफ दी एप्स आर ऑन माई फ़ोन. यूट्यूब स्टूडियो नहीं है बिकॉज मेरे को जो डेटा चाहिए मैं लैपटॉप खोल के देख लूँगा. जब भी जितना ज़्यादा देखूँगा उतना ज़्यादा दिमाग पे होगा, अगर अच्छा चल रहा है तो, बुरा चल रहा है तो भी. सो दैट इज़ वन थिंग दैट आई डोंट डू, लाइक डोंट कीप इट इन माई फ़ोन. हाँ कभी कभी ज़रूरत पड़ती है तो आई इंस्टॉल इट. फॉर फिटनेस बेसिक्स चीज़ें हैं जिस पे हम कलेक्टिवली थ्रू आउट दी ऑफिस काम करते हैं. जैसे कि इट्स फ्रॉम दिस डेटा आई हैव गॉट फ्रॉम इंटरनेट ओनली कि अगर आप दिन में 10,000 स्टेप्स चलते हो तो यू कैन स्टे अवे फ्रॉम अ लॉट ऑफ डिजीजेस. तो वी आर डूइंग अ स्टेप अप चैलेंज इन आवर ऑफिस. तो हमारे 35 लोग हैं हम पूरे, तो 35 लोग एक दूसरे के साथ चैलेंज कर रहे हैं एंड एवरीवन हैज़ टू कंप्लीट 10,000 स्टेप्स एवरी सिंगल डे. इट्स ट्रैक ऑन एन ऐप, मतलब एक ऐप है स्टेप अप ऐप, उस पर ट्रैक होगा और जो विनर्स होंगे दे विल गेट एक्साइटिंग प्राइजेस. सो दिस इज हाउ वी आर प्रमोटिंग फिटनेस इन आवर ऑफिस. वी शुड इंप्लीमेंट समथिंग लाइक दिस एट आवर ऑफिस. ये जो ऐप है बिकॉज़ आई वांट it tracks through just the smartphone or it can pair with an Apple Watch or fitness band or what? Yeah, it can be paired with fitness band also or then it will also be done from your phone. Because steps will be a little bit, because phone you have to keep in the gym or in your hand. Now there is a catch. If you do this, then the step count will also be. But we will give the benefit of doubt. Obviously, it's up to you. At least, if someone is doing dedication to this, then it will be. But yeah, it's a good thing. And the team members, they are taking it very positively. And this is something we are doing, but slowly and gradually, we will amplify it. Now we start walking. Walking is the best exercise. आपने भी एक पॉडकास्ट में बताया था ना भाई, I started walking 30,000 steps. Yeah, exactly. Wow. 4 months straight I did that and I lost 30 kilos in 4 months. Wow. Yeah. From 105 to 75. वो पॉडकास्ट में भी मैंने बताया था. मेरी अभी एप्पल अपना हेल्थ खोलूंगा ना ऐप और जाऊंगा उस ड्यूरेशन में, तो जो रिंग्स होती है ना वो 10-10 बार घूम जाती है. 2000 कैलोरीज बर्न, 2500 कैलोरीज बर्न जस्ट फ्रॉम वॉकिंग. 3 घंटा वॉक, 3.5 घंटा वॉक, 4 घंटा वॉक. तो यार वॉकिंग इज द बेस्ट एक्सरसाइज. आप रहते बहुत एक्सट्रीम हो, मतलब क्या तो कुछ करोगे पूरे एक्सट्रीम में करोगे या फिर ये है कुछ नेचर में है. मतलब फॉर मी इट्स ईदर बेस्ट और नथिंग. मतलब जब तक मैं नहीं कर रहा हूं तो या कुछ भी अगर इन्वॉल्व नहीं हुई चीज में तो इट्स फाइन, बट द डे आई कम इन आई वुड वांट टू मेक श्योर दैट आई लाइक यू नो टेक द लीड. क्या वर्ड ऑफ थैंक्स. आई थिंक आई एम जस्ट लाइक आई होप इन सबको कन्वर्सेशन मज़ा तो आया होगा. आई एम प्रिज्यूमिंग टेक अवेज तो होंगे सबके लिए एंड होपफुली ये अगले साल भी कर सके हम लोग. दैट्स द आइडिया. दिस इज जस्ट द बिगिनिंग. कितना किया होगा अभी तक कोई आइडिया है? 3.5 घंटे का होगा. रोल कितना हुआ होगा? 3.5 घंटा है ना, 3.5-4 घंटा. मेरे को बहुत क्या बोलते हैं उसको दिल से वो निकल रही है दुआ सब एडिटर के लिए. वो जो ये 2-3, 4,000 एडिटर यहाँ पे खड़े हैं देख रहे हैं वीडियो. 3-4 हज़ार जीबी डेटा होगा मिनिमम अगर 8 कैमरा है और 3 एडिटर रोल किए तो वो रॉ वो कह रहा हूँ 3 TB 4 TB डेटा वो जब डालेंगे हम लेके आए 8-10 TB. हाँ वही कह रहा हूँ तो वो जब करेंगे. All done. Thank you guys. Thank you so much. It was fantastic. Thank you crew.